तो अभी हम लाइव है क्या? एंड टेलीग्राम काम नहीं कर रहा आई थिंक, है ना? बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि टेलीग्राम आज डाउन है। टेलीग्राम आई थिंक आप लोगों का काम नहीं कर रहा है, तो टेलीग्राम में मैं कोई नोटिफिकेशन भी नहीं दे पा रहा आप लोगों को। तो मेरे ख्याल से बच्चे समझदार है एंड अपने आप ही उन्होंने यूट्यूब में ज्वाइन कर लिया होगा आई थिंक सभी ने। एंड मुझे बता देना जैसे टेलीग्राम काम करने लगे। अभी तक डाउन ही चल रहा है ना, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं मेरे ख्याल से। एक बार मुझे बता दीजिए फटाफट से, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको पता ही नहीं चला होगा कि हम यहाँ पर अभी लाइव स्टार्ट कर रहे हैं। कोई नहीं, कुछ नहीं कर सकते। कि एसेटिक पागल हो गया लगता है, ज़्यादा पढ़ाई कर ली इसने, है ना? इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं सर। आज रात को क्लास ले रहे हैं आप, क्या करें, हमारे लिए दिन रात एक ही है। जब सीए वाले बच्चे या सीए वाले टीचर, उनके लिए दिन रात थोड़े ना कुछ अलग अलग होता है सर। आपको नींद नहीं आती है? नींद तो बहुत आ रही है, सच बता रहा हूँ, लेकिन उड़ाना पड़ेगा, उपाय नहीं है। नींद तो सच में बहुत आ रही है, लेकिन ऑप्शन नहीं हमारे पास, हमें पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं भी मन को ये तसल्ली दे रहा हूँ कि कुछ दिनों की बात है, फिर अच्छे से सो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम पढ़ाई कर लेते हैं। ये बस मन को तसल्ली देते हुए, एंड अभी हम मोटिवेटेड, मतलब ये सब चीज़ों से, मतलब कुछ ना कुछ करके मोटिवेशन तो लाना ही पड़ेगा। एंड आई थिंक आप लोग भी तो लाते हो ना, कि बस कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों की बात है, उसके बाद तो फिर मज़े ही मज़े हैं, है ना? तो ये सोच के आप लोग पढ़ाई करते हो कि नहीं करते हो? तो सेम वैसे ही मैं भी ये सोच के पढ़ाता हूँ और मेहनत करता हूँ कि कुछ दिन की बात है, फिर तो मज़े मज़े हैं। वो थॉट लाना पड़ता है, देखिए उपाय नहीं है, हमें मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। क्योंकि आप बहुत सारे बच्चों की उम्मीदें रहती है ना, हमसे एक्सपेक्टेशंस रहता है, तो कोशिश करता हूँ कि वो एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा उतरूँ, और वही मुझे मोटिवेशन देता है कि आप लोग कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हो ना, तो वो एक्सपेक्टेशंस को पूरी करना, जितनी हो सके उतनी पूरी करना जिम्मेदारी है। सर FR कब से स्टार्ट करें? FR लिया तो तभी, मिड साइज इंडेक्स, इतने सारे इंडेक्स का रिविजन लिया था, स्मॉल इंडेक्स का भी लिया था, बट मैं प्लान कर रहा हूँ 115 और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का एक रिविजन लेने का प्लान कर रहा हूँ, ये दो चैप्टर का। ऐसा अपना यही प्लानिंग है, कल रात को या परसों मैं प्लान कर रहा हूँ इंडेक्स 115 और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। और अगर आप बोलोगे तो एड ऑन में 116 भी साथ एड ऑन कर देंगे। पहले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कर लिया, 115 कर लिया, फिर इंडेक्स 116 कर लिया, तो ये हम कर सकते हैं चाहे तो। या सीए बन जाए फिर हर दिन मोए मोए, मन नहीं करा पढ़ने का सर, थक गए सर, ऐसे दौड़ना होगा जेनम जी, ऐसे ना बोलो, पढ़ने का मन करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा। तो चलिए अभी मैं, अभी उपाय नहीं है, मैं टेलीग्राम में कुछ टेलीग्राम काम नहीं कर रहा, तो उस वजह से मैं आप लोग को नोट्स वगैरह कुछ शेयर नहीं कर सकता, उपाय नहीं मेरे पास। और है ना, अभी बस मैं आपको इतना बता देता हूँ, अभी आज का जो सेशन रहेगा हमारा, जहाँ पर आप बोर्ड को देखते रहेगा, बोर्ड में आपको सारे जो भी देखेंगे कॉन्टेंट, और ये कंटेंट बाद में मैं शेयर कर दूंगा। जहाँ पर सबसे पहले हम सिक्योरिटी वैल्यूएशन फटाफट रिवाइज करेंगे, और उसके बाद बिजनेस वैल्यूएशन हम रिवाइज करेंगे, ये दोनों डन। और इसके अलावा बाकी चैप्टर्स ऑलरेडी हमने रिविजनरी पे तो डाल रखे, आई थिंक आप वहाँ से देख लीजिए। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, जैसे RTP MTP के जो हमारे क्वेश्चन बैंक में अलग से RTP MTP का क्वेश्चन है नीचे, पहले ऊपर भी बहुत सारे RTP MTP के हैं, अलग से भी RTP MTP सेक्शन में वीडियो है, उसके क्वेश्चन है, उसके सारे वीडियो हमने जगाते डिजिटल एजुकेशन ऐप में डाल रखा हुआ। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं आपका ऐप ही नहीं मिलता, वो AP के लिंक है, अब वो प्ले स्टोर से हटा दिया गया किसी कारण से, तो उसकी AP के लिंक टेलीग्राम के अंदर है, टेलीग्राम से आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा आपको, और उसके जरिए वो RTP MTP के वीडियोस आप चाहो तो किसी भी चैप्टर के देख सकते हो, ठीक है? तो सिक्योरिटी वैल्यूएशन में भी करीबन ज़्यादा नहीं 7-8 क्वेश्चन है जो अलग से RTP MTP सेक्शन में हमारे क्वेश्चन बैंक में है, वो आप ऐप से देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर अच्छा खासा जो पहले की RTP के भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें, जो अच्छा खासा मैं आज आपको मेन मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे कवर अप करा दूंगा अलोंग विद कंसेप्ट। तो चलिए अभी हम बिना किसी देर किए फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। गौतम जी ने कहा आई सेंड यू 500 रुपीज़, कोई जरूरत नहीं, मत भेजिएगा मुझे, इससे अच्छा आजू बाजू में भला करो किसी का। यहाँ भेजोगे 500 रुपये कोई मतलब नहीं, यूट्यूब खा जाएगा 150-200 रुपये, बचेंगे 300 रुपये, कुछ नहीं होने का, किसी और को देना, गरीबों को वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैं समझूंगा, मुझे दे दिया आपने। चलिए तो अभी यहाँ पर सिक्योरिटी वैल्यूएशन हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बेसिकली सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि जो सिक्योरिटीज होती है अलग अलग डिफरेंट सिक्योरिटीज, इक्विटी शेयर्स यानी ऑर्डिनरी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इन सबका कैसे वैल्यूएशन करना वो हम सीखेंगे। तो वही सबसे पहले हम एक एक करके पहले इक्विटी शेयर का वैल्यूएशन करना सीखेंगे। इक्विटी शेयर का वैल्यूएशन हम डिविडेंड बेस्ड मॉडल से भी वैल्यूएशन करते हैं, अर्निंग बेस्ड मॉडल से भी वैल्यूएशन करते हैं, अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड भी रहते हैं, और इसके अलावा कैश फ्लो बेस्ड मॉडल से भी हम वैल्यूएशन करते हैं सिक्योरिटी का, जो आगे हम बिजनेस वैल्यूएशन में ये कैश फ्लो बेस्ड मॉडल वहाँ पर भी हम पढ़ेंगे।
तो ये सारा हम अच्छे से पढ़ेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ। डिविडेंड बेस्ड मॉडल क्या कहता है? डिविडेंड बेस्ड मॉडल ये कहता है कि किसी भी पर्टिकुलर सिक्योरिटी का अगर आपको, यानी इक्विटी सेट्स का अगर मुझे वैल्यूएशन करना है, तो मैं फ्यूचर के सभी डिविडेंड को प्रेजेंट वैल्यू में खींचूंगा। सभी डिविडेंड को प्रेजेंट वैल्यू में खींचा, जो प्राइस आएगा वही आपका प्राइस होगा। तो डिविडेंड बेस्ड मॉडल में आप देख सकते हो, मान लीजिए आपकी रिक्वायर्ड 15% है और आपको फर्स्ट ईयर में 5 रुपीज का डिविडेंड मिलेगा और फर्स्ट ईयर के बाद आपको रिडेम्पशन प्राइस भी मिल जाएगा। हालांकि ऐसा होता नहीं, इन्फिनिटी रहता है, पर मान लो फर्स्ट ईयर में आपको 100 रुपीज रिडेम्पशन प्राइस भी मिल जाएगा, तो आगे जाके कुछ मिलने का नहीं, तो टोटल 105 रुपीज आपको मिलेगा, जिसको आप प्रेजेंट वैल्यू में खींच लीजिए 15% से। यानी 105 को सीधा 1.15 से खींचोगे जो वैल्यू आएगा, सॉरी 1.15 से खींचोगे जो वैल्यू आएगा वही आपका आज का प्राइस होगा। मैं मेन में सारे वो भी बताते जाऊंगा। इसके अलावा एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने सिक्योरिटी वैल्यूएशन के जो क्रक्स बनाया था, ठीक है, यही आई थिंक क्रक्स जो है, मैंने वो क्रक्स बनाया था, वो क्रक्स मैं आपको है ना शेयर कर दूंगा आगे जाके। अभी उसकी फिलहाल जरूरत नहीं है, तो अभी आप क्या करना, अभी जो मेरे नोट्स है आप उसी को फॉलो करते रहिए। अब आगे हम देखते हैं, आगे ये सारा हो गया। अब आगे देखो, मान लो फॉर एग्जांपल ये से क्वेश्चन भी कुछ कुछ, तो ये एग्जांपल जो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जरूरी आप ध्यान देते रहेगा। जैसे D1 आपको फर्स्ट ईयर में डिविडेंड मिलेगा 5 रुपीज, सेकेंड ईयर में 6 रुपीज मिलेगा, थर्ड ईयर में डिविडेंड मिलेगा 8 रुपीज, फोर्थ ईयर में डिविडेंड मिलेगा 10 रुपीज, और फोर्थ ईयर के एंड में आप बेच के निकल सकते हो। तो फोर्थ ईयर के एंड में अगर हम बेच के निकल सकते हैं तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इन सभी को प्रेजेंट वैल्यू में खींचेंगे और इस 125 को भी प्रेजेंट वैल्यू में खींचेंगे। जो प्राइस होगा वो आज हम सिक्योरिटी का प्राइस दे सकते हैं, जिसे हम इंट्रेंसिक वैल्यू भी बोलते हैं। तो यहाँ पर इन सबको आप जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट से खींचोगे, जो प्राइस आएगा वही आपका प्राइस होगा। तो यहाँ पर ये सारा समझ में आ रहा है एकदम अच्छे से, होले होले एक एक करके सारा चीज समझ में आएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। अब इसके बाद आगे अगर हम बात करेंगे, मान लीजिए कांस्टेंट आपको डिविडेंड मिलेगा जिंदगी भर तक, लाइफ टाइम तक आपको डिविडेंड मिलेगा, और यूजुअली ऐसा ही होता है क्योंकि इक्विटी सेट्स कभी भी रिडेम्पशन नहीं होता है ना, वो लाइफ टाइम तक आपका चलता है, इरिडीमेबल रहता है वो हमेशा के लिए। तो ऑर्डिनरी सेट्स में आपको जिंदगी भर फिर डिविडेंड मिलेगा, मान लीजिए कांस्टेंट डिविडेंड मिलेगा, कोई ग्रोथ नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं, विदाउट ग्रोथ कांस्टेंट आपको 10 रुपये का 10 रुपीज का डिविडेंड जिंदगी भर मिलेगा। तो 10 रुपीज आपको जिंदगी भर मिलने वाला है और आपका रिक्वायर्ड 12% है, तो क्या हम 10 डिवाइडेड बाय 1.212 करेंगे? नहीं करेंगे। बस ये ध्यान रखना, अगर मान लीजिए आपको एक ही 10 को खींचना है, एक सिंगल 10 को खींचना है, तो 12% रिक्वायर्ड है, तो 1.12 से खींचना एग्जाम में। अगर आपको बहुत सारे 10 को खींचना है तब हम कैपिटलाइज करते हैं, तो हम 10 डिवाइड बाय 1.12 नहीं करते, 10 डिवाइड बाय 12% करेंगे या 10 डिवाइड बाय 0.12 करेंगे, सीधा कैपिटलाइज करेंगे आप। तो आप देखिए 10 मुझे जिंदगी भर इन्फिनिटी तक मिलने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, कैपिटलाइज कर दूंगा 12% से, जो प्राइस आएगा वही मेरा प्राइस होगा, बात खत्म। इसके अलावा अगर मान लीजिए ग्रोथ है, अब मैं ग्रोथ की बात करना चाहता हूँ, मान लीजिए आपका ग्रोथ भी होना है, जैसे मान लीजिए डिविडेंड आपको D1 मिलेगा 25 और ये जिंदगी भर ग्रो करेगा 6% तक स्टेबिलिटी के साथ, स्टेबिलिटी के साथ ग्रो करेगा और रिक्वायर्ड आपका 15% है, तो प्राइस आप कैसे निकालोगे, P0 अगर मैं बोलूं प्राइस कैसे निकालोगे यहाँ पर? तो इसका फॉर्मूला ऐसे हमने क्लास में अच्छे से समझा था, बट एस ऑफ नाउ ये याद रखिएगा, P0 इक्वल क्या होगा, D1 बाय RE माइनस G, यानी डिविडेंड को RE माइनस G से पुल करना है। D1 आपका यहाँ पर 25 है, RE हमारा यहाँ पर कितना 15% है और ग्रोथ है आपका 6%, तो 25/9% आपका जो प्राइस आएगा वही आपका P0 होगा। तो अभी के लिए अब ऐसा होना, ये ध्यान रखिएगा कि सिक्योरिटी का जब हम वैल्यू करते हैं डिविडेंड बेस्ड मॉडल से, तो हम क्या करते हैं, अगर उसमें ग्रोथ भी है तो हम क्या करेंगे, P0 = D1 / RE - G, ये आप अभी के लिए ध्यान रखिएगा, बस इतना ही काफी यहाँ पर। तो ये आप ध्यान में रखोगे। अब इसके बाद नेक्स्ट में आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको मैं करा दूंगा, ये क्वेश्चन से आपको क्लैरिटी आ जाएगी ओवरऑल। देखिए D1 / RE - G का डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल और वाल्टर्स मॉडल दोनों की क्लैरिटी आ जाएगी यहाँ पर। तो अब यहाँ पर आप देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, मैं अच्छे से समझा देता हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन से ही आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन करा रहा हूँ तो क्वेश्चन से अपने आप कंसेप्ट भी आपके क्लियर होंगे, है ना। मैं एग्जांपल फ्रेम करूँ इससे, चाहे आईसीए का क्वेश्चन करूँ वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो देखिए कंपनी की बुक वैल्यू है मान लीजिए 137.80, रिटर्न ऑन इक्विटी 15%, मतलब आप जो पैसा फंसाते हो उसमें 15% कमाते हो, तो 137.80 का 15% अगर आप करोगे तो कितना आएगा, 20.67 आपकी अर्निंग है, आपकी अर्निंग है 20.67, ठीक है, जिसे हम रिटर्न ऑन इक्विटी हम बोलेंगे, हमारा 15% है और वैल्यू वाइज आपकी 20.67 की अर्निंग है। अब आप 60% रिटेन करते हो, मतलब आप 40% डिविडेंड बांट रहे हो, डिविडेंड पे आउट रेशियो आपका 40% है, 60% आप रिटेन कर रहे हो। तो ये ध्यान रखना, डिविडेंड हमें वैल्यू में चाहिए होता है और आपका जो रिटेंशन है वो हमें परसेंटेज में चाहिए, ग्रोथ हमें परसेंटेज में चाहिए होता है। तो आपने कितना कमाया, 20.67 कमाया, जिसका 40% आप बांट दोगे तो ये आई थिंक 8.27 आता है,
तो 8.27 का डिविडेंड है। अब हम बचाएंगे कितना, 60% बचाएंगे, तो इसका हम वैल्यू नहीं निकालेंगे, हम बोलेंगे 15% हमने कमाया है उसका 60% हम बचाएंगे। 60% और 15% यानी 9% का आपका ग्रोथ है, 9% का आपका ग्रोथ है, यानी 15% अगर आपका रिटर्न ऑन इक्विटी है और आप उसमें से 60% बचा रहे हो, यानी 60% और 50% यानी 9% आपका ग्रोथ है। तो ग्रोथ का फॉर्मूला अगर किसी को लिखना है तो वो ऐसे लिख सकता है, आरओई इनटू रिटेंशन रेशियो। मैंने हालांकि जो क्रक्स नोट बनाया उसमें मैंने ये लिख रखा हुआ फॉर्मूला, ग्रोथ इक्वल आरओई इनटू रिटेंशन रेशियो, इससे आपका ग्रोथ आ जाएगा। तो आपका ग्रोथ का रेट आ गया, डिविडेंड आपके पास ही, तो अब आप आराम से प्राइस निकालोगे। तो पी जीरो इक्वल कैसे निकालते हैं, डी वन बाय आरई माइनस जी। डी वन आपका कितना, 8.27 हमने जस्ट निकाला था, और ये डी वन ही है क्योंकि बुक वैल्यू जीरो ईयर में आप 15% कमाओगे और फिर डिविडेंड बांटोगे, मतलब ये डी वन ही होगा आपका। तो डी वन 8.27 है, रिक्वायर्ड आपका कितना है 18% दिया हुआ है, और ग्रोथ आपका कितना है 9% है। तो 8.27 बाय 9% अगर आप करोगे तो आपका प्राइस आ जाएगा 91.89, वही यहाँ पर देखिए प्रेजेंट किया हुआ है, यहाँ पर आपका प्रेजेंट किया हुआ है। मैंने हालांकि जो पहले का सॉल्यूशन था उसको मिटा दिया ताकि मैं आपको ऐसा समझा सकूं, बस आपको इतना ध्यान में रखना है, बस होगी आपका आराम से एग्जाम में करके आ जाओगे ये वाला क्वेश्चन भी। तो अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आपको पूरे अच्छे से समझ में आ गया। अब इसी के साथ यहाँ पर एक और पार्ट है वाल्टर्स मॉडल का, वाल्टर्स मॉडल में मुझे आपको पढ़ाना है, तो ये तो मैं आपका मिटा ही देता हूँ क्लास में, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में हमने हर चीज को समझा था, अभी उस चीज की जरूरत नहीं है आपको, अभी एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करना है आपको। तो अभी मैं यहाँ पर वाल्टर्स मॉडल भी फटाफट आपको बता देता हूँ, वाल्टर्स मॉडल का फॉर्मूला क्या है। देखिए वाल्टर्स मॉडल में हम प्राइस कैसे निकालते हैं, जैसे डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में हम प्राइस निकालेंगे डी वन बाय आर ई माइनस जी, वाल्टर्स मॉडल में हम प्राइस निकालेंगे डी वन को आप रिक्वायर रेट से खींचेंगे प्लस अब जो बचा हुआ प्रॉफिट है, जैसे टोटल अर्निंग है आपका, अर्निंग में से तो डिविडेंड आपने बांट दिया, जो बचा हुआ पैसा है उसको आप री इन्वेस्ट करोगे कौन से रेट से, जो आपका रिटर्न ऑन इक्विटी है वही तो आप कमाओगे री इन्वेस्ट करोगे तो, और इसको फिर हम दो बार खींचेंगे। मेरे पास अभी टाइम नहीं है तो मैं आपको यहाँ पर ये नहीं बताने वाला कि कैसे डिराइव होगा, पहले मैंने आपको बताया, पहले जो डिटेल रिविजन वीडियो था वहां पर भी हमने बताया था, अभी मैं इस फॉर्मूला ही आपको बताऊंगा खाली। तो फॉर्मूला आपका वाल्टर्स मॉडल का सिंपल है, डी वन को आप रिक्वायर रेट से खींचेंगे और जो बचा हुआ प्रॉफिट है यानी रिटेंशन प्रॉफिट, क्योंकि टोटल अर्निंग में से जितना डिविडेंड बांट दिया जो रिटेंशन रेशियो का रिटेंशन प्रॉफिट है उसको आप रिटर्न ऑन इक्विटी से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ये रेट से आप पैसा कमाओगे री इन्वेस्ट करके, फिर इसको आप दो बार खींचोगे, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर डी वन था आपका 8.27 आपका डिविडेंड डी वन था, इसको हम 18% से खींचेंगे, अब बचा कितना 20.67 टोटल कमाएंगे उसमें से 8.27 बांट दिया, इसको 15% से मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी है, और डिवाइड बाय 0.18 × 0.18 दो बार कर देंगे कॉस्ट ऑफ यानी इक्विटी जो है उससे हमने खींच दिया, इससे आपका वाल्टर्स मॉडल का जो आंसर है वो आपका आ जाएगा। आई थिंक ये आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो चुका है, तो वाल्टर्स मॉडल और दोनों आपको एकदम अच्छे से आएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है यहाँ पर। अब रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न आर ई हमें पता है, आर एफ प्लस आर ए माइनस आर एफ इंटू बीटा होता है ये हमें पता है, तो इतना आप ध्यान में रखोगे बस बात खत्म, और कुछ भी एक्स्ट्रा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन तो सिंपल आप खुद ही कर लोगे, आपको पता है आर इक्वल आर ए प्लस आर ए माइनस आर ए इंटू बीटा है और पी जीरो इक्वल डी वन बाय आर ई माइनस जी है। तो अभी मुझे बस इतना बता दीजिए मैं अभी क्या करूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सभी को सिक्योरिटी वैल्यूएशन आता है, आप अभी मेरे साथ इसलिए बैठे हो क्योंकि आपको फटाफट से एक रिवीजन मिल जाए ताकि आपको सारी चीजें याद आ जाए कि सिक्योरिटी वैल्यूएशन में क्या क्या चीजें, तो उसी प्रकार से मैं रिवीजन करा रहा हूँ। किसी को अगर नॉलेज नहीं है, किसी को अगर डिटेल्ड रिवीजन वीडियो चाहिए, तो पिछली बारी मैंने मैराथन करवाया था SFM मैराथन में, मैंने डिटेल में पढ़ाया था सिक्योरिटी वैल्यूएशन बिजनेस वैल्यूएशन, वो आप चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन में बाद में लिंक डाल दूंगा, वो आप चाहो तो डिटेल से वो वाला देख सकते हो। यहाँ पर हम डिटेल में नहीं जाने वाले, यहाँ पर हम एग्जाम ओरिएंटेड फटाफट से करेंगे, तो कोई डिटेल में पढ़ना चाहता है तो वहां से पढ़ लीजिएगा, और मुझे एक बार आप बता दीजिए मैं सही कर रहा हूँ ना। अभी हम यहाँ पर टाइम को ध्यान में रखते हुए थोड़ा क्विक रिवीजन कर रहे हैं, ये मानते हुए कि आपको आता है, बस आपको बस एक गाइडेंस मिल जाए उस प्रकार से मैं करवा रहा हूँ। तो ये बात का ध्यान रखिएगा, कोई भी बच्चा अगर यहाँ पर ये सोच रहा है कि नहीं मुझे पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा, तो प्लीज आप चले जाइए छोड़ के, कोई मतलब नहीं है। मैं भी एग्जाम ओरिएंटेड फटाफट ही आपको कराऊंगा, ताकि आपको बस रिकॉल कराने का काम करूंगा, मैं फास्ट कराऊंगा रिकॉल कराने का काम करूंगा, और जो जो नेसेसरी क्वेश्चन दिखेगा वो मैं कराऊंगा। यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए सिंपल सी बात बोला, यहाँ पर पे से डिविडेंड, इसमें जो जो मेन चीज है वो सब बताऊंगा, टेंशन मत लो। जैसे पे कर दिया डिविडेंड, मतलब ये डी जीरो है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड लिखा हुआ है, है ना, एक्सपेक्टेड नेक्स्ट ईयर डिविडेंड लिखा हुआ है, तब वो डी वन होगा। अगर बोल दिया कि डिविडेंड पे कर दिया है ना,
डिविडेंड जस्ट पेड वगैरह ये सब लिखे तो आप समझ जाना डी जीरो। हालांकि आपको पता चल जाएगा कि ये डी जीरो है कि डी वन है, अगर कहीं पर ना पता चले तो आपको एजम्पशन लेना है। जैसे यहाँ पर पे से डिविडेंड बोला मतलब डिविडेंड पे कर दिया, मतलब ये टू जो है ना डी जीरो है, और हमें पी जीरो निकालने के लिए हम क्या करते हैं डी वन बाय आर ई माइनस जी करते हैं यहाँ पर। तो ये टू डी जीरो है, मुझे डी वन निकालना है तो उसमें ग्रोथ लगाना पड़ेगा, यानी 2+7% आपका 2.14 आपका डी वन आएगा। अब देखो आर एफ यहाँ पर दिया हुआ है, आर एम दिया हुआ है और बीटा कंपनी का बीटा फिलहाल का दिया हुआ है, इससे रिक्वायर्ड आ जाएगा। डी वन आपके पास है, रिक्वायर्ड आपका निकल जाएगा, माइनस ग्रोथ आपके पास 7% है, आप आराम से निकालोगे। लेकिन बोला फाइनेंस मैनेजर का डिसीजन की वजह से बीटा आपका इंक्रीज हो गया 1.75 हो गया, जो पहले बीटा 1.5 था अब वो ज्यादा रिस्की हो गया 1.75 हो गया। हमें बोला कि प्रेजेंट प्राइस भी बताओ और लाइकली वैल्यू ऑफ शेयर भी बताओ आफ्टर डिसीजन, तो हमें दो बार प्राइस निकालना। एक बार हम क्या करेंगे बीटा 1.5 निकाल, बीटा 1.5 को ध्यान में रखते हुए हम रिक्वायरमेंट निकालेंगे, उससे हम प्राइस निकालेंगे। दूसरी बात 1.75 बीटा को कंसीडर करते हुए आप रिक्वायरमेंट निकालोगे, उसके बाद प्राइस निकालोगे, दोनों प्राइस आप यहां पर बता दोगे। तो देखिए आपका पहले बीटा जो है 1.5 उस हिसाब से आपने रिक्वायरमेंट निकाला, ये देखो 15% रिक्वायरमेंट आया, फिर आपने प्राइस निकाला, फिर आपने बीटा 1.75 को ध्यान में रखते हुए रिक्वायरमेंट निकाला, फिर आपने प्राइस निकाला। तो बस प्राइस निकाल दिया, बस बात खत्म, और कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 में भी कुछ खास नहीं, आप आराम से कर सकते हो, पर फिर भी मैं आपको क्रक्स तो बताऊंगा यहाँ पर, आप टेंशन फ्री रहिए। जस्ट डिक्लेयर्ड डिविडेंड मतलब आप खुद बताइए डी वन होगा कि डी जीरो होगा, ऑब्वियसली ये डी जीरो होगा। फिर आगे मिस्टर भी प्लानिंग कर रहा है कि शेयर्स को खरीदेगा, एंटीसिपेटिंग की इंक्रीज होगा ग्रोथ रेट में 8 से 9% हो जाएगा, और जो कि 3 ईयर्स तक कंटिन्यू करेगा, मतलब फिलहाल 8 चल रहा था आगे 9 होगा। तो हम फ्यूचर का ही, फ्यूचर के कैश फ्लोस को ही पुल करते हैं, फ्यूचर के डिविडेंड को ही पुल करते हैं। तो यहाँ पर हम 8% नहीं लेंगे, हम 9% लेंगे, ये ध्यान रखना। तो 9% आप ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए 3 साल तक आपको 9% का ग्रोथ मिलेगा, और 3 साल के बाद आपको प्राइस 360 मिल जाएगा। तो मतलब आपका जो 14 है डी जीरो, 14 में आपको 9% ग्रोथ चढ़ाना है, तो फर्स्ट ईयर का डी वन आएगा 15.26 इंटू 1.09 करोगे आप, दूसरे साल का 16.63 आएगा आप देख सकते हो, फिर इंटू 1.09 करोगे तो 18.13 आएगा, और थर्ड ईयर में आपको प्राइस मिल जाएगा। थर्ड ईयर के बाद आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, क्योंकि थर्ड ईयर में आपको प्राइस मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं ये थर्ड ईयर का प्राइस जो है ना, ये डी फोर एंड सो ऑन को रिप्रेजेंट करता है, यानी फोर्थ ईयर का डिविडेंड एंड सो ऑन को ये रिप्रेजेंट करता है, पी थ्री जो है आपका। तो हम क्या करेंगे डी वन डी टू डी थ्री और पी थ्री को खींचेंगे, हमारा प्राइस आ गया पी जीरो। तो आपको पी जीरो अगर निकालना है तो डी वन को प्रेजेंट वैल्यू में खींचिए, सिंगल है तो सिंगल मतलब रिक्वायर्ड आपका क्या दिया हुआ है यहाँ पर 13% दिया हुआ है, तो 1.13 से खींचोगे एक बार, दूसरे वाले को 2 बार 1.13 से खींचोगे, तीसरे वाले को 3 बार, और ये 360 भी अकेला ही है, ये भी थर्ड ईयर में इसको भी 1.13 टू दी पावर 3 से खींचोगे, आपका प्राइस आ गया, बस बात खत्म, कितना सिंपल है। पॉइंट नंबर 2 में क्या बोला इन्होंने कि 9% जिंदगी भर होगा आपका, 9% जिंदगी भर होगा आपका, तब तो आपको क्या करना, सीधा जो डी वन आपका है ना 15.26 डिवाइड बाय रिक्वायर्ड 13% है माइनस ग्रोथ 9%, सीधा निकाल दो। स्टेबल ग्रोथ होता है ना, तो आपको सेकंड ईयर थर्ड ईयर नहीं देखना है, फर्स्ट ईयर में आप सीधा ही क्या करोगे कैपिटलाइजेशन कर दोगे, डी वन बाय आर ई माइनस जी लगा दोगे। तो सेकंड वाले में आप देखिए पी जीरो को डी वन बाय आर ई माइनस जी लगा दिया हमने, डी वन तो 15.26 हमारे पास ही, आर ई आपके पास 13% है, माइनस ग्रोथ लगा के हमने प्राइस निकाल दिया, बात खत्म। अब थर्ड वाले में अगर आप देखोगे तो थर्ड ईयर का प्राइस पूछा है, तो ये ध्यान है ये पी थ्री पूछा है, तो पी थ्री के लिए आपको डी फोर चाहिए, ये गलती मत करना, डी फोर बाय आर ई माइनस जी चाहिए यहाँ पर, तो डी वन नहीं डी फोर चाहिए। तो आपको डी फोर निकालना, डी फोर कैसे निकालोगे, हम ये माने कि देखो यहाँ पर भी 9% जिंदगी भर चलेगा आपका, जो पॉइंट नंबर 2 का एजम्पशन है, पॉइंट नंबर 2 के हिसाब से 9% जिंदगी भर चलेगा, तो डी फोर क्या होगा, डी थ्री 18.13 है इंटू 1.09 कर दीजिए, डी फोर आएगा 19.76, तो 19.76 आपका आएगा, इसको आप क्या करोगे आर ई माइनस ई से खींच दोगे 13-9%, तो ये जो प्राइस आएगा ध्यान रहे ये थर्ड ईयर का प्राइस आएगा, पी थ्री आएगा आपका, ये बात खत्म। तो पी फोर पूछेगा तो क्या करोगे डी फाइव बाय आर ई माइनस जी, पी सेवन पूछोगे तो डी एट बाय आर ई माइनस जी होगा, ये ध्यान रखना यहाँ पर। तो ये हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत सिंपल है, यहाँ पर मुझे क्या बताना, देखिए यहाँ पर भी बोला पे ए डिविडेंड, यानी अभी प्रेजेंटली डिविडेंड पे किया, मतलब ये डी जीरो है, डी वन नहीं है, डी जीरो है, और आपको प्राइस भी दे दिया, और बोला ग्रोथ रेट अगर 12% है तो रिक्वायर्ड निकालो। तो इस बार आप देखो आपको प्राइस दिया हुआ 20, डी वन भी आप निकालोगे क्योंकि डी जीरो वन है और 12% का ग्रोथ है, तो 1.12 आएगा डी वन, और आर ई आपको नहीं पता, आर ई आपको निकालना है, ग्रोथ आपको पता है 12% का, तो आर ई मिसिंग फिगर है, आप मैथमेटिक्स करके आर ई मिसिंग फिगर आप निकालोगे, डेटिस आएगा 17.6%, इसमें तो कोई बात ही नहीं है।
आराम से हो जाएगा ये वाला भी। फिर सेकंड पार्ट में आप ध्यान देना, इसको अगर हो सके तो एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया देखिए, इंस्टेड ऑफ दिस सिचुएशन इन पार्ट वन सपोज दैट द डिविडेंड वेर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ रेट ऑफ 20% फॉर 5 years, मतलब 5 साल तक डिविडेंड 20% से ग्रो करेगा और उसके बाद स्टेबिलिटी आएगी 10% की। तो इस बार हमें क्या करना पड़ता है, D1, D2, D3, D4, D5 को अकेले अकेले खींचना पड़ेगा क्योंकि अभी तक स्टेबिलिटी नहीं आई है ग्रोथ में। ग्रोथ में स्टेबिलिटी है D6 से, तो D6 बाय RE माइनस ये हम यहाँ पर करेंगे, ये करने से इसकी प्राइस P5 में आएगी। मतलब अब ये समझो D1 खींचना है, D2, D3, D4, D5 खींचना है, D6 से स्टेबिलिटी आ रही है तो D6 बाय RE माइनस जी करोगे। अब इससे जो प्राइस आएगा D6 बाय RE माइनस जी से जो प्राइस आएगा वो प्राइस 0th ईयर का नहीं आएगा, वो प्राइस 5th ईयर का आएगा क्योंकि D6 से P5 आएगा, तो P5 यहाँ पर आएगा। अब इसको भी हमें 0th ईयर में खींचना है, तब जाके हमारा प्राइस 0th ईयर का आएगा। यानी 0th ईयर का प्राइस क्या होगा पता है, D1, D2, D3, D4, D5 और P5। P5 रिप्रेजेंट ही क्या कर रहा है, D6 एंड सो ऑन को। तो आप इसी प्रकार से अब यहाँ पर आप देखिए 20% के हिसाब से मैंने D1 निकाला, 1 rupees D0 था, तो D1 क्या होगा 1 + 20% 1.20, फिर 20% लगा के आपने देखिए D1, D2, D3, D4, D5, D6 में आप 10% लगाओगे क्योंकि 6th ईयर से 10% ग्रोथ होगा स्टेबिलिटी के साथ, तो 2.74 आ रहा है ये आएगा। तो अब देखिए हमारे यहाँ पर अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर भी इन्होंने बोला कि रिक्वायर्ड बताइए, इन्होंने आपको रिक्वायर्ड दिया नहीं है, प्राइस आपको ये 20 ही लेना है, आपको रिक्वायर्ड निकालना है। तो हमारे यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगा बता, P0 तो हमारा 20 है ही, यहाँ पर हमारा D1 भाई आपको प्रेजेंट वैल्यू में खींचना है, कौन सा अगर 13% है तो 1.13 होगा, 1.13 मतलब 1+ rate है ना, 1+ rate percentage, तो वैसे आप समझिए 1+RE होगा यहाँ पर क्योंकि हम फैक्टर लेते हैं ना 1.13 1.10 वैसे, तो 1+RE^1 1+RE^2 2^3 2^4 2^5 और ये वाला में भी RE माइनस जी होगा, यहाँ पर सीधा कैपिटलाइजेशन रेट का हम इस्तेमाल करते हैं और ये वैल्यू आएगी 5th ईयर में। इसलिए आप देखो मैंने यहाँ पर इसको वापस से 1+RE^5 किया क्योंकि मुझे इसे 0th ईयर में लेके जाना है क्योंकि इससे वैल्यू 5th ईयर में आएगी, फिर इससे मल्टीप्लाई करूंगा तब इसकी वैल्यू 0th ईयर में आएगी। तो ये इक्वेशन से आपका RE निकल के आ जाएगा। आपको करना है कि इंटरपोलेशन जो आपको एकदम अच्छे से आता है, आपने कई बार प्रैक्टिस कर लिया होगा मेरे ख्याल से अभी तक, तो ये आपको बताने की मुझे जरूरत नहीं, आपको एकदम अच्छे से आता है, आराम से RE निकाल लोगे, तो ये क्वेश्चन भी आप आराम से संभालोगे। ये वाला क्वेश्चन LDR है, ध्यान रखना, जहां पर भी देखिए दो मैंने ऐसा लोकेशन का सिंबल दिया मतलब ये इंपॉर्टेंट, मतलब ये LDR है ना। कई बार बच्चे बोलते हैं सर आपने LDR नहीं दिया, मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक में दे रखा है, उससे आपको पता चली जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है, देखिए सिविल कॉर्पोरेशन ने रिपोर्ट किया अर्निंग पर से 2003 का 2.10 रिपोर्ट किया और जिसमें इन लोग 0.69 डिविडेंड दे रहे हैं, तो 2.10 का ये कमाई कर रहे हैं जिसमें 0.69 का डिविडेंड दे रहे हैं। अर्निंग बोला कि 15% से ग्रो करेगा आने वाले 5 साल तक, ड्यूरिंग दिस पीरियड डिविडेंड पेआउट रेशियो भी अनचेंज रहेगा, डिविडेंड पेआउट रेशियो भी वही रहेगा, यानी जो अर्निंग रहेगा वह डिविडेंड पेआउट रेशियो रहेगा। तो यहाँ पर डिविडेंड पेआउट रेशियो हमारा क्या होगा, जो अर्निंग होगा वही रहेगा, तो उस हिसाब से हम सीधा ही ऐसा कर सकते हैं। एक तो हम क्या कर सकते हैं, 2.10 में 0.69 आप डिविडेंड दे रहे हो, आप उसे रेशियो निकालो और उसकी जरूरत ही नहीं है। आपका अर्निंग अगर 15% से ग्रो कर रहा है मतलब डिविडेंड भी 15% से ग्रो करेगा, तो पहले 5 साल का डिविडेंड कैसे निकाल सकते हो, जबकि 0th ईयर का डिविडेंड 0.69 है और ये 15% से ग्रो करते जाएगा, तो 0.69 × 1.15 पहले साल का D1 होगा 0.7935, तो आप देखिए 0.794 मैंने लिख रखा होगा, फिर उसमें 15% लगा दो D2 आ जाएगा, फिर 15% लगा दोगे D3 आ जाएगा, फिर 15% लगा दोगे D4 आ जाएगा, फिर 15% लगा दोगे D5 आ जाएगा। तो पहले 5 साल का डिविडेंड तो हम निकाल लेंगे 15% का ग्रोथ के साथ। फिर आगे देखो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला 2008 के बाद यानी 5 years के बाद अर्निंग ग्रोथ में स्टेबिलिटी आ जाएगी 6% की, यानी अर्निंग में 6% की ग्रोथ होगी। और आगे बोला कि पे आउट रेशियो जो है वो आगे 65% दिया जाएगा अर्निंग का। तो यही चीज हमें मजबूर करती है ये जानने के लिए कि 6th ईयर की हमारी टोटल अर्निंग क्या होगी। तो आप देखिए 2003 की आपकी अर्निंग तो 2.10 है, इसलिए आप देखो हमने 2004-05 हालांकि इसकी जरूरत नहीं है पर हमने ये अर्निंग निकाला है क्योंकि 2003 की अर्निंग 2.10, तो हर साल 15% से ग्रो करेगा अर्निंग आपका। तो ऐसे करके 2008 तक 4.22 हो गया, फिर इसके बाद 2008 के बाद आपका कितना परसेंट से 6% से अर्निंग ग्रो करेगा, तो आपका इसमें 6% का ग्रोथ लगाओगे तो आपका 2009 का अर्निंग होगा 4.48। तो पहले 5 साल तो डिविडेंड आपका पे आउट रेशियो सेम ही रहेगा, तो मैंने सीधा 15% बढ़ा के ले लिया 0.69 का, लेकिन बोला 2009 से, यहाँ पर ट्विस्ट है, 2009 से आपका जो डिविडेंड है वो 65% ऑफ अर्निंग होगा। तो यहाँ पर आप ये वाला वैल्यू में ध्यान रखना, ये आप कैसे निकालोगे पता है, ये आप लोगे इसका 65%,
अर्निंग का 65% आप लोगों ये ध्यान में रखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर तो पहले पांच में तो मैंने सीधा 15% ग्रोथ के हिसाब से निकाल लिया क्योंकि सेम था, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया अर्निंग का 65% लिया 4.48 का। देन आप चाहो तो बाकी जगह में भी डिविडेंड पेआउट रेशियो का इस्तेमाल कर सकते हो, उसके लिए आपको निकालना होगा 0.69 डिविडेंड बांटा गया 2.10 में, तो इससे आपका पेआउट रेशियो निकल के आ जाएगा पहले पांच साल में, वो भी कर सकते हो पर आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे करके आपने निकाल लिया। अब आपको चाहिए क्या रिक्वायर्ड, तो रिक्वायर्ड क्वेश्चन हमें दिया नहीं, क्वेश्चन हमें क्या बोला बीटा बता दिया हमें, बोला करेंट बीटा 1.40 है और पांच साल के बाद आपका बीटा 1.10 होगा, यानी पहले पांच साल का बीटा 1.40 है, उसके बाद आफ्टर 5 इयर्स आपका बीटा क्या होगा 1.10 होगा। मार्केट रिस्क प्रीमियम दिया हुआ, यानी आरएम माइनस आरएफ है और आपको आरएफ भी दिया हुआ, ट्रेजरी बॉन्ड मतलब ये आरएफ हो गया, आरएफ भी दिया हुआ है। तो करंट आप रिक्वायर्ड निकाल सकते हो, करंट रिक्वायर्ड निकालने के लिए आपको बीटा यूज करना है 1.40, यानी आपका आरएफ है, आरएफ माइनस आरएफ ये रहा और बीटा आपका ये रहा, रिक्वायर्ड आ जाएगा। 2008 के बाद रिक्वायर्ड निकालने के लिए आप बीटा ये वाला इस्तेमाल करोगे, तो उसी हिसाब से देखिए रिक्वायर्ड पहले पांच साल का आ रहा है 13.95%, पांच साल के बाद का रिक्वायर्ड आ रहा है 12.3%। तो आप मुझे बताइए मैं अब क्या करूंगा, सभी डिविडेंड को खींचूंगा, पहले पांच साल के डिविडेंड को भी खींचूंगा, तो पहले पांच साल के जो डिविडेंड को मैं प्रेजेंट वैल्यू में खींचूंगा उसे मैं खींचूंगा 1.1395 से, यानी 13.95% के हिसाब से 1.1395 से खींचूंगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको तो मैं कैपिटलाइज करना है क्योंकि स्टेबल ग्रोथ है, यानी यहाँ पर क्या करेंगे D6/RE-E निकालेंगे, तो D6 एंड सो ऑन को खींच रहे हैं, यानी सिक्स ईयर एंड सो ऑन को खींच रहे हैं, तो यहाँ पर जो आरई होगा ना वो छठे साल एंड सो ऑन का है, तो यहाँ पर आरई आपका 12.3% होगा, ये आप मत भूलिएगा। तो यहाँ पर हम आरई निकालेंगे 12.3% हम ले रहे हैं, माइनस ग्रोथ हमने किया, तो ये करने के बाद ये P5 आएगा आपका D6/RE-E, जिसे P2008 का आएगा P5 आएगा। अब इसे मुझे प्रेजेंट वैल्यू में जब खींचना है, अब तो P5 से 0.13 मिलाना है, यानी पहले पांच साल का, पहले पांच साल का तो रिक्वायर्ड 13.95% है, तो अब इस 46.22 को मैं क्या करूंगा 13.95% से खींचूंगा। मतलब कहने का मतलब साफ यहां पर D6 आपका 2.912 है, मैं इसको खींचूंगा सिक्स ईयर का रिक्वायर्ड एंड सोन, यानी 0.123 से माइनस 0.06। अब ये प्राइस आएगा आपका फिफ्थ ईयर का, इसको मैं फिर खींचूंगा किसे 1.1395 टू दी पावर 5 से, क्योंकि पहले पांच साल का रेट 13.95% है, तो ऐसा करने पर मेरा प्राइस आ जाएगा 27.60। तो क्वेश्चन यहाँ पर दो चीज पूछ रहा है, बोला 2008 का भी प्राइस पूछ रहा है, तो 2008 का प्राइस ये वाला होगा जो आपने D6 एंड सोर को खींचा ना, ये तो P5 है, P5 मतलब 2008 का प्राइस पूछ रहा है, तो आपसे जो 2008 का प्राइस पूछा जा रहा है ये P5 पूछा जा रहा है, 46.22 विल बी द आंसर। और जो आपसे यहाँ पर टू स्टेज, यानी दो स्टेज है ना, एक हाई ग्रोथ पहला पांच साल, फिर स्टेबल ग्रोथ नेक्स्ट, है ना, तो ये दो स्टेज का हो गया, इसका प्राइस आपका जो आज का प्रेजेंट वैल्यू में है 27.60, मतलब एक आंसर आपका 46.22 है, एक आपका 27.60। बताइए कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे आराम से, अगर ये क्वेश्चन आया तो बताओ आराम से कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तब तक मैं पानी मंगवा लेता हूँ, ये पानी की प्यास लगी है बहुत ज्यादा। अभी तक सब समझ में आ रहा है मुझे बता दो, स्पीड सही है हमारा, स्पीड सही है ना, टेलीग्राम काम करना स्टार्ट किया या नहीं किया, सही नहीं रहे, मेरा गला सूख गया, चलो कोई नहीं, पर फिर भी हम क्वेश्चन नंबर 12 अब हम डिस्कस करते हैं। चलिए पानी देना, नारियल पानी दे देना, कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 12 दे देना मुझे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करना, पानी दे देने को क्वेश्चन नंबर 12 दे देना बोल दिया मैंने। देखो सैम लिमिटेड है, जस्ट डिविडेंड दिया, तो मतलब ये D0 है, ये D0 और ये ग्रो करेगा आगे जाके 6% से। आफ्टर पेइंग डिविडेंड बोर्ड ने डिक्लेयर किया है कि वो आने वाले तीन साल तक डिविडेंड को रिटेन करेंगे, आने वाले तीन साल तक डिविडेंड को रिटेन करेंगे। इट इज एक्सपेक्टेड कि ये प्रोजेक्ट जो है सेम रिस्क है एज एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, और आपका रिजल्ट जो है वो फोर्थ ईयर से आना चालू होगा, और फोर्थ ईयर से डिविडेंड दिया जाएगा 2.50 विद ए ग्रोथ ऑफ 7%। यानी आपको D1, D2, D3 नहीं मिलेगा यहाँ पर, समझ में आ रहा है। और हमें बोला एक इन्वेस्टर सेम है, उसकी बाद में करेंगे, हम ये बोला गया सो डेट द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज अफेक्टेड बाय द डिसीजन ऑफ द बोर्ड, बोला कि बोर्ड के डिसीजन की वजह से मार्केट वैल्यू में क्या इफेक्ट है बताइए। तो हमें निकालना पड़ेगा बिफोर डिसीजन क्या प्राइस होगा, आफ्टर डिसीजन क्या प्राइस होगा। बिफोर डिसीजन आपका D0 2 है, तो D1 क्या होगा 2+6%, यानी 2.12 होगा, और रिक्वायर्ड हमारा कितना है, रिक्वायर्ड आप देख सकते हैं 8% है नीचे दिया हुआ ये रहा, और माइनस ग्रोथ कितना 6% है बिफोर आपका, ये बिफोर डिसीजन का आपका आंसर आएगा 106। देखिए मैंने निकाल रखा हुआ इससे,
आफ्टर डिसीजन आपका पता है डी वन डी टू डी थ्री नहीं मिलेगा, सीधा डी फोर मिलेगा आपको 2.50, ये डी फोर आपको सीधा मिलेगा और आगे जाके ये 7% से ग्रो करेगा। तो ये ऑलरेडी डी फोर है, इसमें ग्रोथ मत लगा दीजिएगा क्योंकि डी फोर का ही सीधा 2.50 आपको बताया गया, ये तो आपको बताया डी जीरो था इसलिए मैंने ग्रोथ लगा के डी वन निकाला यहाँ पर ये 2.50 में कोई कोई बच्चे याद कर लेते हैं तो वो ये याद करते हैं सर यहाँ पर भी तो आपने ग्रोथ लगाया है तो यहाँ पर भी ग्रोथ लगना चाहिए, नहीं ये ऑलरेडी डी फोर है इसमें ग्रोथ नहीं लगेगा, 2.50 डी फोर है, इसको आर ई से खींचेंगे, आर ई क्या 8% है और ग्रोथ क्या है, अब आगे ग्रोथ आपका 7% होगा, आफ्टर डिसीजन आपका ग्रोथ कितना होगा 7% होगा, तो इससे प्राइस जो आएगा वो P3 आएगा, 250 जो है P3 आएगा। अब मुझे अगर P2 चाहिए, मेरी बात ध्यान से सुनो, P3 तो मैंने निकाल लिया, अगर मुझे P2 चाहिए तो मुझे क्या चाहिएगा D3 एंड सो ऑन सभी को खींचना है। अब ये P3 जो है वो रिप्रेजेंट करेगा D4 एंड सो ऑन, क्योंकि थर्ड ईयर की जैसे जीरो ईयर की प्राइस जो है वो D1 एंड सो ऑन से निकलती है, वैसे थर्ड ईयर की प्राइस निकल रही है D4 एंड सो ऑन से, तो मुझे P2 में तो D3 भी चाहिए लेकिन D3 तो जीरो है क्योंकि D1 D2 D3 जीरो है, तो मुझे P2 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, सिर्फ P3 को एक बार बैक खींच लूंगा। तो आप देखिए मैंने यहाँ पर किया हुआ, अभी आप देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, ये देखो मैंने यहाँ पर D4 को खींचा, प्राइस आया P3 आया 250, P3 मेरा 250 आ गया, D1, D2, D3 मेरा जीरो ही है, तो अगर मुझे P2 निकालना है, सेकंड ईयर का प्राइस निकालना है, मैं क्या करूंगा सीधा इस 250 को खींच दूंगा, 250 को खींच दूंगा 1.08 से मेरा P2 आ जाएगा, फिर इसको 1.08 से खींच दूंगा मेरा P1 आ जाएगा, फिर इसको 1.08 से खींच दूंगा मेरा P0 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो P0, P1, P2, P3 आ गया। अगर डिविडेंड का कोई वैल्यू होता तो उसको भी खींचते, डिविडेंड का वैल्यू यहाँ पर जीरो इसलिए उसको खींचने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। तो इस प्रकार से हमने सभी का प्राइस निकाल लिया। अब आएगा एक नशेड़ी और दारूबाज इंसान, आपको पता है सैम है, आप में से कोई नशेड़ी है क्या, कोई दारूबाज है तो मुझे बताइएगा, सैम यहाँ पर बहुत बड़ा दारूबाज है और ये क्या बोलता है कि इसको 1000 शेयर्स इसके पास है, इसने 1000 शेयर्स खरीदा है इसलिए कि जिंदगी भर दारू पी सके, इसे बाकी दुनियादारी से बीवी बच्चों से कोई मतलब नहीं है, इसने 1000 शेयर्स खरीद लिया ताकि ये दारू पी सके, कैसे पी सके आप देखिए, इसे साल में 2000 रुपये चाहिए, नहीं मिलेगा तो पागल हो जाएगा ये बोलता मुझे 2000 रुपीज चाहिए। पहले अगर मान लीजिए जब बोर्ड ने डिसीजन नहीं लिया था तो 2 रुपये करके डिविडेंड देता था वो 2 रुपीज करके, और इसके पास 1000 शेयर से इसका पेट भर रहा था, 1000 × 2, 2000 रुपीज पेट भर रहा था। अब इसका माथा हो गया खराब, पता है क्यों खराब हो गया, क्योंकि बोर्ड ने ये कह दिया कि पहले 3 साल तो डिविडेंड दिया ही नहीं जाएगा, तो पहले 3 साल ये क्या करेगा, जब अगर इसको डिविडेंड नहीं मिलेगा पहले 3 साल तो पहले 3 साल ये शेयर्स बेचेगा, उतना शेयर्स बेचेगा जितना से इसके पास 2000 रुपीज आ जाए। तो आप देखिए फर्स्ट ईयर में कितना शेयर्स बेचेगा मुझे बताइए, फर्स्ट ईयर का प्राइस कितना है 214.33 है, 214.33 है और 2000 रुपीज चाहिए तो कितना शेयर्स बेचेंगे, हम बोलेंगे 2000 / 214.33 यानी 9.33 शेयर्स बेचेंगे, मतलब 10 शेयर्स बेचेंगे। अगले साल फिर ये बेचेगा 2000 रुपीज को, किससे डिवाइड करेंगे सेकेंड ईयर का प्राइस से, उससे पता चला 9 शेयर बेचेगा ये, फिर अगले साल फिर थर्ड ईयर में भी इसको डिविडेंड नहीं मिलेगा, ये 250 के प्राइस में बेचेगा, तो 2000 / 250 ये 8 शेयर्स और बेचेगा। तो ऐसे करके पता चला पहले 3 साल में इसने 27 शेयर्स बेच डाले, तो अब इसके पास रिमेनिंग शेयर कितना रहेगा, 1000 में से 27 शेयर्स बेच दिया, इसके पास रिमेनिंग रहेगा 973 शेयर्स, तो 973 शेयर्स अब आगे इसके पास रहने वाला है। अब आगे जाके तो इसको 2.5 करके डिविडेंड तो मिलेगा मिनिमम D4 एंड सोन, तो आगे जाके 2.5 रुपीज करके डिविडेंड मिलेगा, तो ये चेक करना चाह रहा है इसके पास 973 शेयर बचा है और फोर्थ ईयर से इसको 2.5 करके डिविडेंड भी मिलेगा, फोर्थ ईयर से तो और ज्यादा दारू पिएगा, दारू के साथ चकना भी मिल जाएगा इसको, है ना, क्योंकि इसका 2000 से भी ज्यादा पैसा आएगा। तो अब देखिए डिविडेंड रिसिप्ट इसका फोर्थ ईयर से आराम से इसका अचीव होगा। तो क्वेश्चन ये हमसे पूछ रहे हैं यहाँ पर, एक तो क्वेश्चन हमसे पूछा मार्केट प्राइस बताओ, दोनों का हम कंपैरेटिव बता देंगे, हम बता देंगे बिफोर डिसीजन मार्केट प्राइस 106 था, आफ्टर डिसीजन हमारा 0.3 का प्राइस आ रहा 198.46, तो हम ये बोलेंगे कि देखो प्राइस आपका कहीं ना कहीं गिर रहा है, प्राइस आपका गिर रहा है 198.46 हो गया आपका, है ना, 0.3 का, 0.3 का प्राइस 106 से सॉरी गिर नहीं रहा बढ़ रहा है, गलती हो गई, 106 आपका प्राइस बिफोर डिसीजन था, आफ्टर डिसीजन आपका 0.3 का प्राइस है 198.46, मतलब बढ़ ही रहा है, अच्छी बात है। फिर उन्होंने बोला ऑल्सो सो एज टू हाउ द इन्वेस्टर कैन मेंटेन हिज टारगेट रिसिप्ट, हम बता देंगे शेयर्स बेचेगा और क्या करे, है ना, लोग पता है नशे वगैरह में लोग क्या क्या बेच देते हैं, इसने तो अपने शेयर्स ही बेचे खाली। तो अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 में बस एक चीज ध्यान रखना क्या हो रहा है यहाँ पर, बताइए एक सिंगल शेयर खरीद रहे और इसको ड्यूरिंग फोर्थ ईयर में बोनस मिला 1:5, 1:5 मतलब एक शेयर के बदली 0.2 शेयर होता है,
तो इससे 0.2 शेयर बोनस मिला। तो आप खुद बताइए, अगर मैंने एक शेयर खरीदा है आज, 4 साल के बाद मुझे 0.2 शेयर बोनस मिलेगा, तो मेरे पास तो 1.2 शेयर हो जाएगा ना। तो बच्चे यहाँ पर क्या गड़बड़ी करते हैं, एंड में जब 7th ईयर के एंड में बोला गया कि इस क्वेश्चन में कि वो शेयर अपना बेच के निकल लेगा, तो मेरे भाई तब वो शेयर 1 शेयर नहीं बेचेगा, 1.2 शेयर बेचेगा। तो अब यहाँ पर आप देखिए, शुरुआत में ये 500 रुपए देखिए शेयर खरीद सकते हैं जिसके फेस वैल्यू 100 है। इज एक्सपेक्टिंग बोनस 1:5 ड्यूरिंग द फोर्थ ईयर में इसको बोनस मिलेगा। एनुअल एक्सपेक्टेड डिविडेंड जो है आपका वो कितना है, 20%। और डिविडेंड यील्ड नहीं लिखा हुआ है, डिविडेंड लिखा हुआ है, मतलब डिविडेंड किस पे मिलेगा, फेस वैल्यू में मिलेगा। यील्ड लिखा हुआ रहता तो मार्केट प्राइस होता, तो फेस वैल्यू 100 में डिविडेंड मिलेगा, 20% ऑफ 100 यानी 20 का डिविडेंड होगा। और सेम रेट आपको आगे जिंदगी भर मिलते जाएगा, एक्सपांडेड कैपिटल बेस होगा तो उस हिसाब से डिविडेंड भी बढ़ जाएगा। ही इंटेंड्स टू सेल द शेयर्स एट द एंड ऑफ 7th ईयर, 9 रेट में ये बेच सकता है। इंसिडेंटल एक्सपेंस यानी ब्रोकरेज वगैरह का खर्चा लगेगा 5% खरीदने पर भी बेचने पर भी, रिक्वायर्ड 12% है, और ये 7 साल की बात बेचेगा। तो मुझे बताइए पहला 3 साल इसको डिविडेंड कितना मिलेगा, 20% ऑफ 100, 20 इसको डिविडेंड मिलेगा। आगे फोर्थ ईयर, ड्यूरिंग फोर्थ ईयर मिला, यानी फोर्थ ईयर एंड से पहले, ड्यूरिंग लिखा हुआ है मतलब मानेंगे फोर्थ ईयर एंड होने से पहले, बिगिनिंग में इसको मान लेंगे कि 0.2 शेयर मिल जाएगा। तो अब इसके पास 1.2 शेयर है, तो 1 शेयर में अगर 20 रुपीज का डिविडेंड मिलता है तो 1.2 शेयर में 24 का डिविडेंड मिलेगा। आप ये ध्यान रखना, फोर्थ ईयर से 24 आएगा। आप कहीं के कंफ्यूज मत हो जाना कि सर यहाँ पर तो फोर्थ ईयर में बोनस मिला तो फिफ्थ ईयर से होगा, नहीं, ड्यूरिंग फोर्थ ईयर मतलब बिगिनिंग में मान लेंगे बोनस दे दिया गया, तो फोर्थ ईयर में भी इसको क्या मिलेगा, 24 रुपीज मिलेगा डिविडेंड। फिफ्थ ईयर में भी 24 मिलेगा, 6th ईयर में भी 24 मिलेगा, 7th ईयर में भी 24 मिलेगा। अब 7th ईयर में ये 9 रेट में बेच डालेगा, तो 9 रेट में ये बेचेगा। ध्यान से सुना मेरी बात, कितने शेयर, 1.2 शेयर, इसके पास एक शेयर नहीं है। 900 × 1.2 कितना होता है, आई थिंक 1080 होता है, पर 1080 इसको मिलेगा नहीं क्योंकि इसका ब्रोकरेज का खर्चा 5% लग जाता है, यानी 1026 इसको मिलेगा नेट। तो अब इन सभी को जब हम प्रेजेंट वैल्यू में खींचेंगे 12% से, तो हमें पता चल जाएगा हमें प्राइस कितना देना चाहिए। तो इन सभी को मैंने प्रेजेंट वैल्यू में खींचा तो मुझे पता चला प्राइस मुझे देना चाहिए 564 मैक्सिमम, 564 मुझे मैक्सिमम देना चाहिए, उससे ज्यादा मुझे नहीं देना चाहिए। अब रुको जरा, हमारा कॉस्ट कितना लग रहा है खरीदने का, 500 रुपीज हमारा कॉस्ट लग रहा है, 5% ब्रोकरेज लगेगा क्योंकि ब्रोकरेज पर्ची सेल दोनों में लग रहा है। तो शुरुआत में आप 500 रुपए देके खरीदोगे, ब्रोकरेज लगेगा 5%, यानी 525 देके खरीदोगे, लेकिन जो हमें कैश फ्लो मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू तो 564, यानी एनपीवी पॉजिटिव आ रहा आपका। तो सेंस आपका एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है, हम बोलेंगे हमें 525 में खरीद लेना चाहिए। यानी कहने का मतलब 564 या उससे नीचे जो भी प्राइस हो आप उसमें आंख बंद करके खींच लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इस क्वेश्चन का क्रक्स एक ही ध्यान रखना कि लास्ट में 1.2 शेयर बेचोगे, वो गलती आप मत कीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन भी LDR ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन हम अच्छे से करेंगे। मैं नारियल पानी पी रहा हूं ताकि एनर्जी आ जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 14 अब हम देखते हैं। यहां पर ध्यान रखना 8% डिबेंचर और 10% बॉन्ड दोनों डेट फंड है 175 का। हालांकि इसमें रेट दिया हुआ अलग अलग, बट अभी आप इतना समझिए, अगर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आपको दिया हुआ रहे 8% का, आप ये 8 और 10 को कंसीडर नहीं करोगे, आपके लिए इफेक्टिव रेट 8% ही होगा। तो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट कितना लगेगा, टोटल 175 का आपका लोन है डेट और बॉन्ड मिला के, उस पे 8% आपको लेना है। 175 का 8% आपका कितना आ रहा है, 14, यानी हम मानेंगे 14 लाख का आपका इंटरेस्ट का खर्चा है, 14 लाख का आपका इंटरेस्ट का खर्चा है, बात खत्म। अब देखो यहाँ पर इक्विटी शेयर्स दिया हुआ है, रिजर्व सरप्लस दिया हुआ है, टोटल एसेट, एसेट टर्नओवर रेशियो एसेट बाय टर्नओवर नहीं होता, ये ध्यान रखना। जैसे डेट इक्विटी रेशियो डेट बाय इक्विटी होता है, एसेट टर्नओवर रेशियो टर्नओवर बाय एसेट होता है, एसेट बाय टर्नओवर नहीं होता है। तो एसेट टर्नओवर रेशियो ने टर्नओवर बाय एसेट 1.1 दिया हुआ है आपको यहाँ पर, और एसेट भी दिया हुआ है आपको, तो टर्नओवर आ जाएगा इससे, टर्नओवर बाय एसेट 1.1 है ये देखो, और एसेट की वैल्यू दी हुई है, तो टर्नओवर हमारा आ गया 660 का। अब टर्नओवर आपका 660 का है, और इन्होंने यहाँ पर ऑपरेटिंग मार्जिन दे दिया, मतलब आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट 90% है, तभी तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10% दिया हुआ है। तो 660 का टर्नओवर में इसका 10% आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी 66 ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब EBIT भूलना मत, EBIT आपका। तो EBIT मैंने निकाल दिया कितना, 66 निकाल लिया, 666 आया ना, टर्नओवर 660 था, 660 का 10% 66 मेरा EBIT आया,
अब इन्होंने पूछा क्या हमसे, बोले इनकम स्टेटमेंट बने। इनकम स्टेटमेंट क्या होता है? जिसमें हम रेवेन्यू से ईबीआईटी निकालते हैं, ईबीआईटी से ईबीटी निकालते हैं, फिर टैक्स देख के ईएटी निकालते हैं, और फिर अगर कुछ डिविडेंड बाटा प्रेफरेंस वगैरह को डिविडेंड भी माइनस करके रिटेन प्रॉफिट निकालते हैं, दैट इज इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट देखिए आप इस प्रकार होता है, मैंने यहाँ पर बना के रखा है। रेवेन्यू से आपने ऑपरेटिंग खर्चा, डेप्रिसिएशन भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही होता है या फिर अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये सारा आप ऑपरेटिंग माइनस कर दोगे। ऑपरेटिंग खर्चा इस क्वेश्चन में 90% है क्योंकि 10% ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, तो इससे आपका ईबीआईटी आएगा। इंटरेस्ट माइनस करोगे ईबीटी आएगा, टैक्स माइनस करोगे ईएटी आएगा, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड नहीं बोलना मैं, प्रेफरेंस डिविडेंड आप माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा, नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आएगा। और उसमें फिर आप इक्विटी डिविडेंड भी अगर माइनस कर दोगे आप, तो आपका आ जाएगा रिटेन अर्निंग। मतलब ये ध्यान रखना, पैट में अगर प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस का भी हक होगा, और इक्विटी का तो लास्ट में हो गई, तो पहले प्रेफरेंस माइनस करोगे फिर इक्विटी का डिविडेंड माइनस करोगे तब रिटेन अर्निंग आएगा। हालांकि मैं बता दूं इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस है ही नहीं, तो मैं प्रेफरेंस का कुछ काम ही नहीं, पेट में सीधा इक्विटी डिविडेंड माइनस कर देंगे, रिटेन अर्निंग आ जाएगा हमारा। तो आप देखिए यहां पर मैंने कैसे बनाया इनकम स्टेटमेंट, टर्नओवर तो मैंने निकाला था, एसेट टर्नओवर रेशियो एसेट दिया हुआ था, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 90% है क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10% बताया दिया, मैंने ईबीआईटी को 66 बताया था, तो ईबीआईटी हमारा 66 है, उसमें इंटरेस्ट माइनस करेंगे, इंटरेस्ट जस्ट हमने निकाला था 14 लाख का, तो इंटरेस्ट निकाला तो ईबीटी आ गया। अब टैक्स माइनस कर दो, कितना टैक्स कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, ये रहा 40% टैक्स दिया हुआ है, तो 40% टैक्स माइनस किया तो मेरा क्या आ गया, पैट आ गया। अब हम इक्विटी डिविडेंड माइनस करेंगे अगर कुछ दिया हुआ है, देखिए डिविडेंड पे आउट रेशियो 16.67% है, यानी जो कमाओगे उसका 16.67% बांटोगे, तो हमने कितना कमाया टोटल इक्विटी के लिए 31.2। पैट जो है ना, क्योंकि प्रेफरेंस है नहीं, अगर प्रेफरेंस होता तो पहले प्रेफरेंस माइनस करते, हालांकि प्रेफरेंस नहीं है तो बोलेंगे हमने 31.2 कमाए इक्विटी वालों के लिए और इसी का 16.67% हम डिविडेंड बांटेंगे, डिविडेंड पे आउट रेशियो, तो आपका 5.20 आप डिविडेंड बांट रहे है ना, 5.20 विल बी द डिविडेंड। और मैं आपको बता दूं ये सब जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है ये फॉर द ईयर 2008 का एक्चुअल डेटा दिया हुआ है, मतलब ये करेंट ईयर का डेटा है, करेंट ईयर का डेटा से आपका करेंट ईयर का डिविडेंड आएगा, मतलब डी जीरो आएगा, ये ध्यान रखना डी वन नहीं, क्योंकि करंट ईयर की इन्फॉर्मेशन है। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो माइनस किया तो मेरे पास रिटेन अर्निंग आ गया, यही मेरा इनकम स्टेटमेंट होता है। तो पहला वाला हमने कर लिया, उसके बाद पूछा कि ग्रोथ बताइए, ग्रोथ कैसे निकलेगा, मैंने क्या बताया था, मैंने बोला था जितना आप कमा रहे हो रिटर्न ऑन इक्विटी में रिटेंशन रेशियो लगाइए, ग्रोथ का मतलब क्या, आरओई इनटू रिटेंशन रेशियो। तो यहाँ पर इन्होंने है ना, यहाँ पर इन्होंने ग्रोथ पूछा, उसके लिए पहले हमें आरओई निकालना होगा। आरओई का मतलब ही क्या है कि आपने इक्विटी में कितना कमाया रिटर्न, मतलब आरओई का मतलब होता है पेट बाई इक्विटी, पेट कितना आपका 31.2 आपने कमाया है ना, इक्विटी डिविडेंड माइनस नहीं होता है इसमें, टोटल कितना कमाया उसके बाद ही तो डिविडेंड बांटेंगे। तो हमने 31.2 का पेट हमने कमाया था, ये देखिए तो 31.2 पेट कमाया डिवाइडेड बाय इक्विटी फंड कितना है, इक्विटी फंड रे आपका 100 और रिजर्व मिला के 300 400 इंटू 100 आई थिंक ये 7.8% आएगा, तो 7.8% का आपका रिटर्न ऑन इक्विटी है। अब इसी में से आपने क्या किया, 16.67% डिविडेंड बांटा था, मतलब 83.33% बचाया था, इसी प्रॉफिट का 83.33% जो आपने बचाया था दैट इज ग्रोथ, यानी 6.5% आपका ग्रोथ आ जाएगा, यानी ये कुछ नहीं है, ग्रोथ मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी इनटू रिटेंशन रेशियो, तो आपका ग्रोथ आ गया 6.5%। इसी के साथ मैंने ये सेकंड पार्ट भी आपको करवा दिया। फिर थर्ड पार्ट में पूछा फेयर प्राइस बताओ, तो फेयर प्राइस मतलब क्या, पी जीरो इक्वल डी वन बाय आर ई माइनस जी होगा, तो ये तो हमारे पास डी जीरो आया ये जो आया, और हमें प्राइस पूछा तो प्राइस पर शेयर पूछा है, ये तो सारे वैल्यूज हम लाख में बता रहे हैं, तो ये जो 5.20 है ना ये 5.20 लाख से आपका, नंबर ऑफ शेयर्स कितना यहाँ पर ये देख लेते हैं पहले, ताकि पर शेयर डिविडेंड आ जाए हमारा, नंबर ऑफ शेयर्स कितना 100 लाख, 10 रुपीज का 10 लाख होगा, यानी 0.52 आपका, मेरे ख्याल से 0.52 आपका डी जीरो होगा, तो डी वन क्या होगा 0.52 में ग्रोथ लगाई, जो ग्रोथ आपने 6.5% निकाला था, आप देखिए 0.52 में हम ग्रोथ लगाएंगे 1.065 जो 6.5% का ग्रोथ था। आर ई आपका कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, यस 15% है, और ग्रोथ कितना है 0.065, इससे आपका जो वैल्यू आएगा वही आपका प्राइस है, बस बात खत्म। वही देखो मैंने यहाँ पर निकाला हुआ है, मैंने टोटल करके निकाला, आप यहाँ से भी निकाल सकते हो 0.52 इंटू 1.065 0.5538 डिवाइड बाई 8.5% होगा क्या, आप देख लीजिए 6.515 पर सेट आपका प्राइस आ गया।
ये भी हो गया। चौथे वाले में पूछा आपका ओपिनियन क्या करंट प्राइस में, तो देखो करंट प्राइस आपका कोटेड प्राइस यहाँ पर दिया हुआ इन्होंने, करंट मार्केट प्राइस इन्होंने दिया हुआ कोटेड जो है 14, पर होना चाहिए 6.515, मतलब ये तो ओवर प्राइस है। और ओवर प्राइस में हम क्या करते हैं, मतलब 14 रुपीज ओवर प्राइस है, ओवर प्राइस में आप क्या सजेशन दोगे, आप बोलोगे सर ये ओवर प्राइस है, खरीदना तो नहीं है 14 में, अगर आपके पास शेयर पहले से पड़ा तो 14 में बेच के निकल, समझ में आया, क्योंकि ये ओवर वैल्यूड है। तो ये हमसे पूछा ओपिनियन बताइए, हम बोलेंगे ओपिनियन हमारा ये है कि इंट्रेंसिक वैल्यू जबकि आपके कोटेड प्राइस से कम है, मतलब कोटेड प्राइस आपका ओवर वैल्यूड है। तो बताओ ये क्या बात करते हो, इससे इजी इजी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है पहले जहां तक मुझे याद है। तो ये क्वेश्चन बताओ हो गया एकदम अच्छे से, हाँ या ना, टेलीग्राम चल रहा है अच्छे से, अब टेलीग्राम अब चलने लग गया ना, एक जन ने लिखा है, तो चलो अगर टेलीग्राम चलने लग गया तो मैं अब भेज देता हूँ। चलो तो यहां तक परफेक्ट है, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, ये वाले क्वेश्चन में आपको पता है इन्फ्लेशन प्रीमियम दिया हुआ है, मतलब जैसे आरएफ 9% दिया हुआ है, आरएम 13% दिया हुआ है, ग्रोथ आपका 7% दिया हुआ है, और लास्ट डिविडेंड डी 0 भी आपको दे दिया, और बोला कि इक्विलिब्रियम प्राइस पूछो, तो आराम से निकालोगे हमें पर आरएफ है, आरएम है, बीटा भी है आपके पास, बीटा का है, बीटा ये रहा 1.2 का बीटा भी है, तो रिक्वायर्ड निकल के आ जाएगा। तो पहले देखिए मैंने रिक्वायर्ड निकाला 13.8% आया मेरा रिक्वायर्ड, और फिर मेरे पास D1 भी है, D0 में ग्रोथ लगा देंगे D1 आ जाएगा, D1 बाय आर ई माइनस जी करके P0 निकालते, तो पहले वाले तो इजीली निकलेगा। दूसरे वाले में इन्होंने क्या बोला कि बताओ प्राइस चेंज होगा क्या अगर इन्फ्लेशन प्रीमियम 2% से बढ़ेगा, तो अभी मैं लॉजिक देने का तो कोई काम करूंगा नहीं, उम्मीद ही मत रखना आप, अभी उम्मीद ही मत रखना क्योंकि अभी समय कम है हमारे पास, आप बस ये ध्यान रखना इन्फ्लेशन प्रीमियम आरएफ को भी बढ़ाएगा आरएम को भी बढ़ाएगा, अगर इन्फ्लेशन प्रीमियम 2% है तो आपका आरएफ जो 9% है ना, ये 9+2 कितना हो जाएगा 11% हो जाएगा, और आरएम कितना है 13% है, 13+2 ये 15% हो जाएगा, बस ये ध्यान रखना, अभी लॉजिक नहीं देने वाला मैं आपको। तो यहाँ पर आपका आरएफ और आरएम बदल जाएगा 2% से बढ़ जाएगा इन्फ्लेशन प्रीमियम की वजह से, बोला ग्रोथ जो है वो 3% से बढ़ जाएगा, फिलहाल ग्रोथ 7% है तो ग्रोथ हो जाएगा आपका 10%, और बीटा आपका कितना 1.3 है, मतलब पहले 1.2 था बीटा आपका 1.3 हो जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे इस पर्पज के लिए हम रिक्वायर्ड निकालेंगे, रिक्वायर्ड होगा आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इनटू बीटा 1.3, कितना आ रहा है 11+4 × 4 2.6 5.2 16.2% आएगा, ये आ गया आर ई आपका। अब पी जीरो डी वन बाय आर ई माइनस जी लेंगे, डी तो 2 है, डी 0 1, ग्रोथ आपका कितना 10% है, 1.10 लगाएंगे इस बार नया वाला 10%, और आर ई कितना है 16.2% है, माइनस ग्रोथ कितना है 10% है, तो इससे आएगा 2.2 डिवाइड बाय 6.2% डिवाइड बाय 6.2% यानी 35.48 आपका प्राइस आ जाएगा। देखो कितना फटाफट करा रहा हूं आपको, इससे ज्यादा फटाफट हो सकता है क्या, हैं 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 सही आया ना, ये 35.48% आपका आ गया। अब मैं बता दूं आईसीए ने ऐसे भी सॉल्व किया है, और ऑल्टरनेटिवली आईसीए ने एक और बात बोला है यहाँ पर इसी क्वेश्चन में कि अगर आप एक एक फैक्टर को सेपरेटली लेके चलो तो आप 3 सॉल्यूशन निकालोगे, मतलब एक क्वेश्चन में आप क्या करना, बाकी इन्फॉर्मेशन को सेम रखना, इन्फ्लेशन प्रीमियम को खाली कंसिडर करना, दूसरे में बाकी इन्फॉर्मेशन को सेम रखे सिर्फ ग्रोथ को कंसिडर करना, तीसरे में बाकी इन्फॉर्मेशन को सेम रखे सिर्फ बीटा को चेंज करना, पर ऐसा थोड़ी ना होगा एक साथ ही हम करते हैं। तो इन्होंने ये कुछ गजब भी इन्होंने नौटंकी करी है, मेरे हिसाब से ये आंसर परफेक्ट है, पर आईसीए ने एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी दिया, मेरा फर्स्ट था मैं बता दूं, बट मेरे ख्याल से इसकी जरूरत नहीं है, आप सीधा एक सिंगल आंसर बताओगे बस बात खत्म। तो इस क्वेश्चन में क्या था, बस ये ध्यान रखना है कि इन्फ्लेशन प्रीमियम आरएफ को भी बढ़ाएगा 2% से, आरएम को भी बढ़ाएगा अगर इन्फ्लेशन प्रीमियम 2% है। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी हमारा खत्म होता है। ये वाला क्वेश्चन में बस एक ही चीज आपको ध्यान में रखना है, लीनियरली वर्ड जो लिखा हुआ वो ध्यान में रखना, और इस क्वेश्चन में कोई जान नहीं है लिनियरली का मतलब क्या है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ने ये बोला कि आपका डी जीरो जो है प्रपोजिंग है डिविडेंड, डी जीरो नहीं ये पकड़ में आ गया, देखो कंपनी प्रपोज कर रहा है डिविडेंड 6 नेक्स्ट ईयर का, मतलब ये 6 जो है ना ये D1 है, डी जीरो नहीं, पता चलेगा आपको क्वेश्चन से डी जीरो है कि डी वन है। फिर बोला कि आने वाले 4 साल तक 18% से ग्रो करेगा, उसके बाद लीनियरली डिक्लाइन करेगा 14% से, मतलब पहला 4 साल तो 18% ग्रोथ होगा, फिफ्थ ईयर में ऐसा नहीं डायरेक्टली 14% आ जाएगा, फिफ्थ ईयर में 18 से 17 होगा,
ईयर में 16 ग्रोथ होगा, सेवेंथ ईयर में 15 का ग्रोथ होगा, एट ईयर में 14 होगा, फिर आगे जाके भी 9, 10, 11, 12 सब में 14 होगा। तो आपका स्टेबिलिटी कब से आ रहा है? एट ईयर से आ रहा है। पहला सेवन ईयर्स में स्टेबिलिटी नहीं है, तो पहला सात साल का मुझे डिविडेंड चाहिए। तो आप देखो डी वन तो सीधा ही 6 ले लेंगे मैं, पर ये तो प्रेजेंट वैल्यू, इसको भूल जाओ। डी वन हम 6 लेंगे, डी टू में हम 18% का ग्रोथ लगाएंगे, फिर 18% का 18% चार साल तो 18% ही रहेगा, पांचवें साल में 17%, छठे साल में 16, फिर 15, फिर 14% आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। तो देखिए ये जो है ना डी एट जो आया आपका 17.54, इसको हम पहले कैपिटलाइज करेंगे क्योंकि यहाँ से स्टेबिलिटी आ रही है। इन सबको तो इंडिविजुअली खींच दो प्रेजेंट वैल्यू से। आप एट ईयर को क्या करोगे, पहले आर ई माइनस जी करोगे, तब ये पी सेवन आएगा, फिर प्रेजेंट वैल्यू में खींचोगे। तो ये देखिए पहले पी सेवन बनेगा, फिर प्रेजेंट वैल्यू में खींचोगे और आपका प्राइस आ जाएगा, आपको पीवी अच्छे से आता है। तो जो मेन क्रक्स था वो मैंने आपको बता दी यहाँ पर, और मैंने आई थिंक आपको याद होगा वाल्टर्स मॉडल यहाँ पर फिर से आ गया, मैंने आपको वाल्टर्स मॉडल पढ़ा दिया तो ऊपर है, अभी उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि क्लास में तो मैं उस तरीके से पढ़ाता हूँ ना, और बहुत सारी चीजें पढ़ाता हूँ, अभी मैं वो सब नहीं पढ़ाऊंगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्राइस डिविडेंड से निकाल देता, अभी तक पी जी इक्वल डी वन बाय आर ई माइनस जी से निकाला था डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में, गॉर्डन मॉडल भी वैसे ही फॉर्मूला वही सेम ही है समझ, और वाल्टर्स मॉडल में हमने क्या किया था, वाल्टर्स मॉडल का फॉर्मूला याद है, डी वन बाई आर ई यानी के ई बोल दीजिए प्लस ई माइनस डी इंटू आर ओ ई, उसको दो बार के ई से पुल करेंगे तो आपका प्राइस आएगा। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना, हम अर्निंग अप्रोच से भी प्राइस निकाल सकते हैं, यानी ई पी एस इंटू पी रेशियो से भी प्राइस निकलेगा, पी मल्टीपल यानी ई पी एस में पी मल्टीपल लगा दो आपका प्राइस आ सकता है, वो भी प्राइस चलता है। और एक अर्निंग ग्रोथ मॉडल होता है जहां पर हम पता है डी वन बाई आर ई माइनस डी नहीं लेते, E1 by RE minus G लेते, यानी E0 में ग्रोथ लगाओ, E1 निकालो, E1 by RE minus G भी आप ले दो। तो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में D1 by RE minus G होता है, अर्निंग ग्रोथ मॉडल में E1 by RE minus G होता है, ये बस आप ध्यान में रखोगे तो हो जाएगा आपका काम। देखिए गॉर्डन्स मॉडल भी अल्टीमेटली D1 by RE minus G निकाल के देगा आपको। बाकी ये फॉर्मूला यहाँ पर क्या, EPS 1 minus retention ratio, अब 1 minus retention ratio मतलब डिविडेंड पे आउट रेशियो, EPS में डिविडेंड पे आउट रेशियो लगाओगे तो आपका D1 ही तो आएगा, D0 D1 जो भी आपका D0 आएगा तो उसमें ग्रोथ लगाना फिर, और नीचे KE और यहाँ पर ग्रोथ ही तो है ये, ROE में रिटेंशन रेशियो लगाओगे तो ग्रोथ ही आएगा आपका ऐसे भी। तो ये आपका D1 बाय RE माइनस G आपका यूज होने वाला है। बस अब ये ध्यान रखना ग्रोथ कैसे निकलेगा, ROE में रिटेंशन रेशियो लगाओगे और EPS में डिविडेंड पे आउट रेशियो लगा दोगे, डिविडेंड आ जाएगा, बात खत्म। तो ये सारा आप आराम से कर लोगे यहाँ पर। अब मुझे आपको समझाने एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट राइट शेयर्स का, राइट शेयर्स का मैं कंसेप्ट आपको समझाऊंगा, इसमें एक दो अच्छे क्वेश्चन भी है वो कराने का, एक सरप्लस लिमिटेड का क्वेश्चन है, और फिर इसके बाद मेरे ख्याल से इक्विटी में कुछ खास नहीं है, इक्विटी में बस ये ध्यान रखने का पी मल्टीपल का भी क्वेश्चन आपको मैं करवा दूंगा, पी रेशियो वाला क्वेश्चन भी आपको करवा दूंगा। तो अभी तक क्या परफेक्ट जा रहा है, अभी तक परफेक्ट जा रहा है ना हमारा। चलो तो क्वेश्चन नंबर 16 अब अगर हम देखें यहाँ पर, करेंट प्राइस आपका 13 रुपीज है, 10 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, तो 10 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग है 13 रुपीज करेंट प्राइस से, मतलब इससे पता चला कि 130 लाख आपका नेट एसेट, तो नेट एसेट मेरा कितना हुआ 130 लाख का हुआ। कैसे पता चला, 10 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग है और एक शेयर का मार्केट प्राइस 13 है, तो 10 लाख शेयर्स इंटू 13 ये तो शेयर होल्डर वेल्थ हुआ, और जो शेयर होल्डर वेल्थ होता है वही आपका नेट एसेट होता है, क्योंकि एसेट माइनस लाइबिलिटी से नेट एसेट आता है वही शेयर होल्डर वेल्थ होता है। तो यहाँ पर 130 लाख का नेट एसेट आप देख लीजिए, क्योंकि जितने का शेयर की वैल्यू 130 लाख का नेट एसेट। अब अगर हम आके 120 लाख पैसा और उठा ले तो हमारा नेट एसेट्स कितना हो जाएगा, 130 लाख में 20 लाख उठा लोगे तो आपका नेट एसेट्स 150 लाख हो जाएगा, ये ध्यान में रखेगा। अब आगे क्या हुआ, कंपनी ये 20 लाख उठाएगी कैसा पैसा, क्या फ्रेश इशू करेगी कि क्या करेगी, यहाँ पर राइट इशू करके कंपनी पैसा उठा रही है, राइट इशू ऑफ शेयर्स हो रहा है। तो पॉइंट नंबर वन में क्या बोला, व्हाट आर द एक्स राइट प्राइस, यानी एक्स राइट प्राइस का मतलब आफ्टर एक्सरसाइज शेयर का प्राइस क्या होगा, राइट का एक्सरसाइज करने के बाद शेयर का प्राइस क्या होगा, और राइट की वैल्यू भी पूछा है। अगर फर्म ऑफर कर रही है 1 राइट शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स, दो शेयर के बदले 1 शेयर, इसका मतलब क्या है, आपका अभी 10 लाख शेयर है ना, आप यहां पर 5 लाख शेयर इशू करोगे, मतलब जो 20 लाख रुपीज आप पैसे उठाओगे उसके बदले आप कितने शेयर इशू करोगे, 5 लाख शेयर इशू करोगे। कैसे पता चला, क्योंकि एग्जिस्टिंग होल्डर को ही राइट शेयर दिया जा रहा है, तो 10 लाख शेयर 1:2 है तो 5 लाख शेयर दिया जाएगा। तो आप मुझे बता सकते हो सब्सक्रिप्शन प्राइस क्या होगा, सब्सक्रिप्शन प्राइस मतलब एक शेयर उठाने पर आप कितना पैसा लोगे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से, टोटल 20 लाख लेना है, 5 लाख शेयर इशू करोगे 20/5 यानी 4 रुपीज आपका सब्सक्रिप्शन अमाउंट होगा, बात खत्म। अब एक्स राइट प्राइस हम कैसे निकालेंगे, तो एक्स राइट प्राइस का मतलब सिंपल सी बात है कि आफ्टर एक्सरसाइज ऑफ राइट आपका टोटल नेट एसेट्स कितना रहेगा, 130 लाख पहले से, 20 लाख पैसा उठा है, 150 लाख का टोटल नेट एसेट है, और शेयर कितना होगा पहले,
पहले 10 लाख शेयर्स ऑलरेडी था, 5 लाख शेयर्स और इशू कर दिया, मतलब 15 लाख शेयर्स हो चुका है। तो सिंपल सी बात है, 150 लाख डिवाइड बाई 15 लाख आपका 10 रुपया होगा। तो मतलब आगे जाके क्योंकि आप सस्ते दाम में शेयर्स इशू करो तो ऑब्वियस सी बात है आपका प्राइस गिरेगा, आफ्टर एक्साइज ऑफ राइट प्राइस गिरेगा। तो 13 से प्राइस कितना हो गया, 10 रुपीज में आ गया। तो अब यहाँ पर आप समझिए राइट की वैल्यू कैसे निकालेंगे। मैं आईसीए वाला तरीका आपको बता देता हूँ, देखिए बहुत सारे तरीके हैं। तो यहाँ पर आप देखो सब्सक्रिप्शन अमाउंट आप 4 रुपीज हम दे रहे हैं, हम 4 रुपीज दे रहे हैं लेकिन इसका शेयर का दाम 10 रुपीज हो जाएगा। तो देखा जाए तो 6 रुपए की कमाई हो रही है और उसके बदले 2 शेयर के बदले हमें राइट मिल रहा है, 2 शेयर के बदले हमें 1 राइट मिल रहा है और ओवरऑल हमारा फायदा कितना, 6 रुपीज का है। क्योंकि 4 रुपए में मार्केट से शेयर खरीद सकते हैं सब्सक्रिप्शन अमाउंट में कंपनी से, और मार्केट में इसको 10 रुपए में बेच सकते हैं, 6 रुपया कमाए ना 6 रुपीज, और 2 शेयर के बदले अगर आप 1 राइट आपको मिलता है तो यहाँ पर 6 रुपया आपका वैल्यू ऑफ राइट हुआ। पर शेयर अगर हम बोले वैल्यू ऑफ राइट वो कितना आएगा, 3 रुपीज है। मेरा एक और तरीका भी है कि 13 रुपीज शेयर का दाम था अब 10 हो चुका है, मतलब 3 रुपीज पर शेयर गिर रहा है, तो मतलब राइट की वैल्यू 3 रुपीज हो। आप ऐसे भी कर सकते हो, बट आईसीए वाला तरीका आप रखिए और इस हिसाब से अगर आईसीए वाला तरीका अगर आप रखोगे तो अब एक फॉर्मूला भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। वैल्यू ऑफ राइट क्या होगा आपका पता है, यहाँ पर हम लिखोगे ऊपर आप लिखोगे प्राइस एक्स राइट प्राइस माइनस सब्सक्रिप्शन अमाउंट, या 10 माइनस 4 6 डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर इशूड फॉर ईच शेयर, एक शेयर के बाद दो कितने शेयर के बदले नंबर ऑफ शेयर दिया जा रहा है। तो नंबर ऑफ शेयर जैसे यहाँ पर 2 है तो वो आपको पता चल जाए, 2 है तो 2 से डिवाइड करोगे, 4 है तो 4 से डिवाइड करोगे, है ना। यानी एक्स राइट प्राइस माइनस सब्सक्रिप्शन अमाउंट डिवाइड बाई 2 है तो 2। तो ऐसे करके आपने निकाल लिया वैल्यू फॉर राइट, बात खत्म। तो यहाँ पर मैंने क्या निकाला, यहाँ पर हमसे क्वेश्चन ने पूछा एक्स राइट प्राइस बताओ, हमने बता दिया। वैल्यू फॉर राइट पूछो, हमने बता दिया। अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट वाला पॉइंट नंबर 2 में बोला 4 शेयर के बदले 1 शेयर दिया जाएगा, मतलब 10 लाख के बदले कितना शेयर दिया जाएगा, 2,50,000 शेयर दिया जाएगा। तो आप देखो नेट एसेट तो वही रहेगा, पहले से 130 लाख नेट एसेट है, 20 लाख हम फंड उठाएंगे तो 150 लाख का नेट एसेट है। लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा, पहले से 10 लाख है अभी हम 2,50,000 शेयर दे रहे हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स रहेगा 12.5 लाख शेयर्स। यहाँ पर आपका आएगा एक्स राइट प्राइस 12 आएगा। तो अभी वैल्यू पे रेट क्या होगा, एक्स राइट प्राइस तो मैंने 12 निकाल लिया, सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितना है, पर इस बार सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितना बता सकते हो, 20 लाख रुपीज आप उठा रहे हो, 20 लाख रुपीज आप उठा रहे हो और 2.5 लाख शेयर आप इशू करो, 1:4 है ना। तो आपका सब्सक्रिप्शन अमाउंट आपका 8 रुपीज आ रहा है इस बार। तो सेकंड वाले केस में आपका सब्सक्रिप्शन अमाउंट ध्यान रखिएगा 8 रुपीज आपका सब्सक्रिप्शन अमाउंट है सेकंड वाले केस में, और एक्स राइट प्राइस मैंने 12 निकाल ही लिया आराम से। तो यहाँ पर आप बताइए 12 रुपीज एक्स राइट प्राइस होगी पर सब्सक्रिप्शन अमाउंट है 8, मतलब 4 रुपीज आपका क्या होगा राइट की वैल्यू, 4 रुपीज नहीं होगा। अब एक 4 शेयर के बदले 1 शेयर दे रहे, 10 लाख शेयर होल्डर को 2,50,000 शेयर देने का मतलब 4 के बदले 1 शेयर देना, यानी 4 को डिवाइड बाय 4 करोगे आपकी राइट की वैल्यू 1 आएगी। और या फिर मेरे तरीके से बोलोगे पहले शेयर का दाम 13 था अभी एक्स राइट प्राइस 12 हो गया, 13 माइनस 12 कितना होता है 1 डायरेक्टली भी आ, कि पहले जो शेयर का दाम था 13 था अभी 12 हो गया, मतलब 1 रुपीज का गिरावट है, मतलब वही वैल्यू फिर राइट। ये मेरा तरीका, और आईसीए का तरीका भी मैंने आपको बता दिया, एक्स राइट प्राइस माइनस सब्सक्रिप्शन डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कितने के बदले आप 1 शेयर दे रहे, उस हिसाब से हमने कर लिया। अब यहाँ पर एक और चीज पूछा इन्होंने, इन्होंने हमसे पॉइंट नंबर 1 2 तो पूछा, पॉइंट नंबर 3 में इन्होंने क्या बोला कि क्या वेल्थ चेंज होगा आपका। तो हम ये बताएंगे, मान लो फॉर एग्जांपल कोई शेयर होल्डर है वो 100 शेयर्स होल्ड करता है, तो अगर वो 100 शेयर्स होल्ड करता है तो पहले 13 रुपीज करके उसकी वैल्यू थी शेयर होल्डर फंड 1300 रुपीज, बट अगर वो 100 शेयर होल्ड करता है केस 1 में उसको 2 शेयर के बदले 1 शेयर यानी उसको 50 शेयर और मिल गए, क्योंकि पहले केस में बोला राइट शेयर दिया जाएगा 2 के बदले 1, तो 100 शेयर होल्डर को कितना मिलेगा 50 शेयर मिलेगा राइट शेयर, और 50 शेयर के बदले वो पैसे कितना देगा, पहले वाले में सब्सक्रिप्शन अमाउंट आया था 4 रुपया, मतलब वो 200 रुपया देगा, तो उसके पास 150 शेयर हो जाएगा और आफ्टर राइट आपका एक्साइज प्राइस क्या होगा 10 रुपीज होगा, तो उसकी वैल्यू 1500 हो रही है, लेकिन उसने 200 रुपये खर्च भी तो किया सब्सक्रिप्शन अमाउंट। तो ऐसे देखा जाए तो 1300 ही नेटवर्थ है, ऐसे भी 1300 था वैसे भी 1300 ही होने वाला है, क्योंकि पहले 1300 का नेटवर्थ था अभी इसके शेयर बढ़ गए तो 1500 हो गया, लेकिन 200 रुपये इसने पॉकेट से भी लगाए तो अल्टीमेटली 1300 ही आने वाला। सेकंड वाले केस में देखोगे 1300 है, पहले 100 शेयर था, 4 के बदले 1 मिला तो 25 शेयर मिला, मतलब 125 शेयर मिला, और एक्स राइट प्राइस सेकंड केस में हुआ था 1500 ही आ रहा है। अब उसने जो 25 शेयर है उसको खरीदने के लिए सब्सक्रिप्शन अमाउंट 8 रुपीज करके दिया, मतलब 200 दिया, तो यहाँ पर भी 1300 ही हो रहा है। तो दोनों में वैल्यू तो सेम ही आएगा आपका, सेम ही आ रहा है, देख लीजिए। तो आपका अल्टीमेटली शेयर होल्डर वेल्थ में कोई भी प्रकार का चेंज नहीं, मैंने फटाफट बताया। बताइए क्या आपके भेजे में घुसा,
आपके दिमाग में घुसा क्वेश्चन नंबर 17 सेम क्वेश्चन है, कराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन नंबर 18 में जरूर से कराऊंगा आपको। और इसके बाद बस एक दो टॉपिक एक दो क्वेश्चन कराना है, फिर इक्विटी वैल्यूएशन हमारा खत्म हो जाएगा, फिर हम बॉन्ड वैल्यूएशन में आ जाएंगे। करा तो रहा हूँ सिक्योरिटी एनालिसिस का भी क्वेश्चन, सिक्योरिटी एनालिसिस का क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा अलग से, सिक्योरिटी एनालिसिस अभी नहीं करूंगा आज के वीडियो, उसमें जैसे एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस रन टेस्ट वगैरह ये सब है, ऐप में मैंने वो सिक्योरिटी एनालिसिस का वीडियो प्रोवाइड किया, वो वहां से आप देख लीजिए, ठीक है। नहीं तो अगर प्रैक्टिकल पोर्शन आप बोलोगे तो मैं प्रैक्टिकल पोर्शन यूट्यूब में अलग से एक्स्ट्रैक्ट करके डाल दूंगा अगर आप बोलोगे तो। तो अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18, वो भी एग्जाम तक डालूंगा फिर हटा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 अगर हम देखते हैं यहाँ पर, द स्टॉक ऑफ सोनी पीएलसी इज सेलिंग फॉर पाउंड 50 पर कॉमन स्टॉक, द कंपनी देन इश्यूज राइट टू सब्सक्राइब टू वन न्यू शेयर फॉर एट पाउंड 44 ईच फाइव शेयर हेल्ड, फाइव राइट हेल्ड, यानी पांच शेयर के बदले एक शेयर देगा, पांच के बदले एक शेयर देगा। और यहाँ पर पता टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग बताया नहीं, तो हम ये मान के चलेंगे फाइव शेयर ही आउटस्टैंडिंग, और पहले फाइव शेयर की प्राइस क्या थी 50 पाउंड, तो 50 × 5 पहले 250 का आपका नेट एसेट था, ये समझ लीजिए। अब ये मान के चलिए पांच शेयर ही आउटस्टैंडिंग, तो फाइव शेयर टोटल पहले था 50 रुपीज करके 50 पाउंड, मैं पाउंड की जगह पर रुपीज बोलूंगा बार बार, आप पाउंड ही समझना उसको, ठीक है, मैं रुपीज ही बोलूंगा। तो 5 × 50 250 रुपीज की वैल्यू थी यहाँ पर नेट एसेट था। अब हमने क्या बोला, पांच के बदले एक शेयर देंगे, तो आपका आगे जाके फ्यूचर में एक शेयर देंगे कितने प्राइस में, 40 रुपीज में, तो नेट एसेट्स कितना 40 बढ़ जाएगा, तो 290 आपका नेट एसेट हो, 250 पहले से नेट एसेट था, 40 रुपए का और शेयर एक दे दिया, 290 नेट एसेट हो गया। नंबर ऑफ शेयर कितना होगा, पहले 5 थे, अभी एक शेयर और दिया पांच के बदले तो 6 हो गए, तो 290/6 हम करेंगे, हमारा आ गया क्या थ्योरेटिकल एक्सराइट प्राइस 48.33। अब मुझे बताइए राइट की वैल्यू क्या है, सिंपल आप बोलोगे एक्सराइट प्राइस 48.33 है, सब्सक्रिप्शन अमाउंट है 40, यानी 8.33 डिवाइडेड बाय 5 के बदले, यानी डिवाइड बाय 5, 8.33 डिवाइड बाय 5 यानी 1.67 वैल्यू ऑफ राइट होगी आपके, आई थिंक ये भी क्लियर। और मेरे स्टाइल से अगर आप करोगे तो आप देखिए 50 रुपीज पहले था, अभी 48.33 हो गया, डिफरेंस कितना 1.67 राइट की वैल्यू होगी, तो ये भी आपको एकदम अच्छे से क्लियर है। पॉइंट नंबर 1 में ये पूछा आपका राइट की वैल्यू पूछा 1.67 निकाल दिया, दूसरे वाले में एक्स राइट प्राइस पूछा ये भी हमने निकाल दिया, फिर थर्ड वाले में पूछा व्हाट इज द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ राइट अगर एक्स राइट प्राइस 50 होगी, अगर एक्स राइट प्राइस 50 होगी सब्सक्रिप्शन अमाउंट 40 है तो 50 - 40 10 रुपीज वैल्यू ऑफ राइट होगा, डिवाइड बाय 5 करो यानी 2 रुपीज होगा, क्योंकि इस बार 48.33 की जगह इन्होंने बोला कि 50 आप पकड़िए एक्स राइट प्राइस, तो आप आराम से निकालोगे यहाँ पर भी। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 3 में एक्स राइट प्राइस 50 - सब्सक्रिप्शन अमाउंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर आपका 2 आ गया यहाँ पर। तो पॉइंट नंबर ए बी सी आपका क्लियर हो चुका, पॉइंट नंबर डी में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पॉइंट नंबर डी में ध्यान दीजिएगा अच्छे से, और ये क्वेश्चन आने का चांस भी रहेगा आपका। जॉन स्पेक्यूलेटर ने 1000 इसके पास पाउंड है, और इसने क्या किया, इसके पास 1000 पाउंड है अभी हाथ में, और इस वक्त एक्सराइट प्राइस 50 चल रहा है, ही फील्स दैट द प्राइस ऑफ द स्टॉक विल राइज टू पाउंड 60 बाय द टाइम राइट एक्सपायर, कंप्यूट हिज रिटर्न अगर ये बाई करता है पाउंड 50 करके। तो आप बताइए 1000 इसके पास पैसा है, 50 पाउंड पर स्टॉक का दाम, ये कितना स्टॉक खरीद पाएगा, 20,000 × 50, तो 20 स्टॉक ये 50 में खरीदेगा, और इन्होंने बोला कि माँ इसका रिटर्न बताओ अगर ये 50 में खरीदता है, एज्यूमिंग कि जो इसने सोचा वो प्राइस वैलिड हो, और इसने क्या जो सोचा 60 हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर इसने खरीदा कितना, 20 स्टॉक खरीदा 50 करके, 1000 पाउंड दे दिया, अब आगे 60 हो जाएगा तो 20 × 60 ये 1200 में बेच देगा, इसका प्रॉफिट कितना आएगा, 200 आएगा, सिंपल सी बात, सिंपल सी बात है, 50 में खरीदेगा 60 में बेचेगा, बात खत्म, 200 का प्रॉफिट है। लेकिन सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या बोला कि मान लो ये शेयर नहीं खरीदेगा, ये राइट खरीदेगा, अगर ये राइट खरीदेगा कब, जब पाउंड 50 होगा तब ये राइट खरीदेगा, तो पाउंड 50 में राइट की वैल्यू क्या रहेगी, एक्स राइट प्राइस माइनस सब्सक्रिप्शन अमाउंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, यानी 50 - 40 डिवाइड बाय 5 यानी 2 रुपीज होगा, यानी 2 रुपीज करके ये राइट खरीदेगा, कितना राइट मिलेगा इसको, इसको 1000 डिवाइड बाय 2 500 राइट्स इसको मिलेगा, तो इसने 500 राइट्स खरीद लिए 2 रुपीज करके, ये देखिए 500 इसने राइट्स खरीद लिए 2 रुपीज करके, 1000 पाउंड इसने लगा दिया। अब आगे जाके आप मुझे बताइए अगर 60 पाउंड इसकी वैल्यू हो जाएगी तो राइट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, अब 60 पाउंड होने से राइट की वैल्यू क्या होगी, एक्स राइट प्राइस माइनस सब्सक्रिप्शन अमाउंट डिवाइड बाई 5, एक्स राइट प्राइस अब 60 है, 60 माइनस सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितना है 40 डिवाइड बाई 5, यानी इस बार 4 आ रहा है, तो राइट की वैल्यू जब 4 होगी तब ये बेच देगा, 2 थी जब इसने खरीदा था, अब 4 होगी तब ये बेच देगा, तो 500 राइट्स 2 करके 1000 में खरीदा था, 500 राइट्स 4 करके बेच देगा, 2000 इसने प्रॉफिट 1000 कमा लिया।
तो देखो जो ये शेयर खरीदता तो प्रॉफिट 200 कमाता, राइट खरीदने पर इसने प्रॉफिट कमाया 1000 का। इसी के साथ ही क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। तो आप बताइए कि आपको ये समझ में, ये वाला क्वेश्चन आपके एमटीपी में भी ध्यान रखिएगा। और इन्होंने क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन में एमटीपी के क्वेश्चन में इन्होंने इसको बोला ये ईपीएस जीरो तीयर का, वहां पर इन्होंने क्लैरिफिकेशन देके मेंशन भी किया ईपीएस जीरो तीयर का। मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है, आईसी ने क्या कि जैसे मैं आपको बता देता हूं पी रेशियो जो होता है ना वो इन्वर्सली रिलेटेड होता है यूजुअली अर्निंग कैपिटलाइजेशन रेट का, अर्निंग कैपिटलाइजेशन रेट का इनवर्स रिलेशन होता है पी रेशियो के साथ में। अब इन्होंने अर्निंग कैपिटलाइजेशन रेट नहीं दिया हुआ, ये आरओई दिया हुआ है, बट आईसीए ने इसको पता है क्या माना, अर्निंग कैपिटलाइजेशन रेट यानी रिक्वायर्ड जैसा अर्निंग कैपिटलाइजेशन रेट मान लिया 9%, और उस हिसाब से पी रेशियो कितना आएगा, अगर अर्निंग कैपिटलाइजेशन रेट 9% है पी रेशियो उसका उल्टा होगा यानी 1/9% होगा। 1/9% मतलब कितना, 1/9% यानी 11.11, तो हमारा पी रेशियो आएगा 11.11। तो ये आप बस ध्यान रखिएगा। अभी अब मैं आपको कराता हूँ, पहले वाले में पूछा डी जीरो दिया हुआ है, ग्रोथ दिया हुआ है आपका, डिस्काउंट रेट दिया हुआ है आपको, आपको प्राइस निकाला आप आराम से निकालोगे, 2.50 में ग्रोथ लगाया, आर ई माइनस ग्रोथ लगाया, बात खत्म, तो आपका प्राइस आ जाएगा पहले वाले में, तो कोई टेंशन नहीं है। दूसरे वाले में पूछा कि क्या बताइए स्टॉक प्राइस 35 ओवर वैल्यू होगी क्या, अगर मान लीजिए ये आर ओ ई गलत लिखा, एग्जाम में भी गलत लिखेगा, आप इसको समझना ये रिक्वायर्ड, ये अर्निंग कैपिटलाइजेशन रेट है जिससे हमने पी रेशियो निकाला। इन्होंने बोला डिटेल कैलकुलेशन बताइए यूजिंग पी मल्टीपल अर्निंग ग्रोथ मॉडल, पी मल्टीपल मतलब ईपीएस को पी रेशियो से मल्टीप्लाई कीजिए, ईपीएस हम पी मल्टीपल में ईपीएस जीरो तेर के लेते हैं क्योंकि कोई ग्रोथ वगैरह का काम नहीं, ईपीएस ही जीरो तेर कम लेंगे क्योंकि पी मल्टीपल में ग्रोथ का कोई रोल नहीं, ग्रोथ ही तो ईपीएस को बढ़ाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए पी मल्टीपल में अगर हम बोले ईपीएस है 2.25 और पी रेशियो मैंने निकाला था 11.11, तो 2.25 × 11.11 कितना होगा, 25 होगा आपका, पी मल्टीपल से आपका प्राइस 25 आ जाएगा। अर्निंग ग्रोथ मॉडल यानी यहाँ पर क्या होगा पता है, E1/RE-G होगा, E1/RE-G, E1 कितना होगा, E0 आपका 2.25 है, 1 ग्रोथ लगा देंगे 2% का 1.02 का, RE आपका कितना है, RE आपका कितना है, RE वही लेंगे जो पहले से दिया हुआ 10.5% 0.105 और इधर 2% ले लेंगे यानी 0.02 ले लिया हमने, आपका निकल के आ जाएगा, बस बात खत्म। तो यहाँ पर आप देखिए आपका प्राइस आ गया आराम से, ये E0 था, ग्रोथ लगाया, रिक्वायर्ड माइनस ग्रोथ, आपका प्राइस आ गया, बात खत्म। तो यहाँ पर हमने प्राइस क्या निकाला, पी मल्टीपल में तो प्राइस 25 आया और अर्निंग ग्रोथ मॉडल में प्राइस 32 आया। तो आप देखिए इन्होंने बोला कि 35 ओवर वैल्यू, क्या बोलेंगे, यस ये ओवर वैल्यू है, ये ओवर वैल्यू है 35, बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है ना 35, तो बस बात खत्म, बोलेंगे 35 ओवर वैल्यूड है। तो इसी के साथ हमारा इक्विटी वैल्यूएशन खत्म होता है, बट रुको जरा अभी खत्म नहीं होता है, एक और क्वेश्चन मुझे कराना है राहुल लिमिटेड सरप्लस वाला, वो क्वेश्चन कोई भी छोड़ के मत जाना। और मैं एक कन्फेशन करना चाहूंगा, अभी जो रिसेंट बैच है शायद गलती से ये क्वेश्चन मेरे से छूट गया था कराना, मुझे माफ करना, और अभी देख के कर लेना, आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा, मैंने कल ही नोटिस किया, सिर्फ यही क्वेश्चन हमारा मिस्टेकनली, बाकी सारे क्वेश्चन हमने कराए थे, रेगुलर बैच का जो नया फ्रेश बैच था उसमें मैंने ये क्वेश्चन गलती से स्किप कर दिया था। तो कोई भी रेगुलर बैच वाले स्टूडेंट है आपको आई थिंक ये क्वेश्चन नया लग सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने शायद नहीं करा है, मुझे ऐसा फील आ रहा है, तो कन्फेस करने में कोई बुरा नहीं, कभी हमसे भी गलती हो जाती है। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 48 अब हम डिस्कस करते हैं, सन लिमिटेड वाला भी करवा दीजिए, सन लिमिटेड इसमें थोड़ा, वो तो फॉरेक्स में है मेरे ख्याल से, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। अभी तक समझ में आ रहा है ना, अच्छे से आ रहा है तो लाइक करने में कमी मत छोड़ना, बता दे रहा हूं मैं अभी आपको, समझ नहीं आ रहा डिसलाइक कर देना, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 48, राहुल लिमिटेड के पास 100 लाख का सरप्लस फंड पड़ा हुआ है और इसका 27% डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, मतलब 27 लाख ही उड़ाना चाहता है, 100 लाख का 27% 27 लाख ही उड़ाना चाहता है, और ये उड़ाएगा ऐसे वैसे नहीं, बोनस वगैरह नहीं देगा, ये शेयर्स का बाईबैक करेगा, पुराने शेयर्स खरीद लेगा। फाइनेंस मैनेजर ने एस्टिमेट किया कि शेयर प्राइस आफ्टर बाईबैक यानी रीपर्चेस करने के बाद जो रिमेनिंग शेयर बचेंगे ना वो 10% से बढ़ जाएगा, मतलब मान लो करेंट प्राइस अगर एक्स है, मान लो करेंट प्राइस एक्स है, रीपर्चेस करने के बाद जो रिमेनिंग प्राइस, जो रिमेनिंग शेयर रहेंगे, करेंट प्राइस एक्स है आपका, रीपर्चेस करने के बाद जो रिमेनिंग शेयर्स रहेंगे उस रिमेनिंग शेयर्स की प्राइस कितनी हो जाएगी पता है, एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स यानी 1.10x हो जाएगी। ये क्वेश्चन बोलना चाहता है कि आफ्टर बाईबैक 10% से प्राइस बढ़ जाएगा। आगे देखिए, इफ द बाईबैक रूट इज टेकन द नंबर ऑफ, चलो बाईबैक रूट लेंगे तो 10% से गिरेगा, नंबर ऑफ शेयर्स फिलहाल आउटस्टैंडिंग कितना 10 लाख है, करंट ईपीएस है 3, प्राइस आपको डिटरमाइन करने को बोला, प्राइस एट विच द शेयर्स कैन बी रीपर्चेस्ड,
इफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन इज 210 लाख आफ्टर बायबैक आपका मार्केट कैप 210 लाख होगा। तो मैं इसको आपको रफ में एक बार सॉल्व करा देता हूँ। देखिए 27 लाख हम टोटल अमाउंट खर्चा करेंगे बायबैक करने, कितना शेयर्स बायबैक करेंगे मान लो नहीं पता, और हमें ये भी नहीं पता किस प्राइस में बायबैक करेंगे। तो लेट द बायबैक प्राइस बी एक्स। तो आप मुझे बताइए अगर बायबैक प्राइस एक्स है, ठीक है, 27 लाख मुझे अमाउंट खर्चा करना है, टोटल अमाउंट डिवाइड बाय बायबैक प्राइस करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स नहीं आ जाएगा। मान लो 27 लाख हम खर्चा करेंगे एक शेयर का दाम 27, तो पता चल जाएगा 1 लाख शेयर्स हम बायबैक कर रहे हैं। वैसे हमें नहीं पता एक शेयर्स का दाम कितना, मान लेते हैं एक्स है, तो ये हमारा इससे आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक। तो नंबर ऑफ शेयर्स आप बायबैक कितना करोगे, 27 लाख डिवाइड बाय एक्स, वही मैंने यहाँ पर किया। मैंने बोला रीपर्चेस प्राइस आपका एक्स है मान लीजिए, तो नंबर ऑफ शेयर्स आप कितना बायबैक करोगे, टोटल अमाउंट डिवाइड बाय बायबैक प्राइस यानी 27 लाख डिवाइड बाय एक्स। आप इतना बायबैक कर लेंगे शेयर्स तो रिमेनिंग शेयर्स कितना बचेगा, हमारे पास 10 लाख शेयर्स है, इतना बायबैक कर लेंगे तो रिमेनिंग शेयर्स बचेगा 10 लाख माइनस 27 लाख बाय एक्स, क्या आएगा रिमेनिंग शेयर्स हमारा, तो इतना रिमेनिंग शेयर्स है। और इसी रिमेनिंग शेयर्स की प्राइस कितनी हो जाएगी आफ्टर बायबैक, 1.10x। तो इक्वेशन क्या बनेगा कि आफ्टर बायबैक ये जो रिमेनिंग शेयर्स है हमारा इसका प्राइस हो जाएगा 1.1x, और रिमेनिंग शेयर्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बता दिया 210। तो ये जो पूरा इक्वेशन है ये इक्विवेलेंट टू क्या होगा, 210 लाख होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने बोला बायबैक प्राइस मान लीजिए एक्स है और 27 लाख खर्चा करना, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना बायबैक होगा, 27 लाख डिवाइड बाय एक्स, और आपके पास टोटल सेट से 10 लाख, तो 10 लाख में से आप इतना माइनस कर दो कि रिमेनिंग सेट्स आपका इतना रहेगा। इस रिमेनिंग सेट्स का प्राइस होगा 1.10x क्योंकि 10% से बढ़ा हुआ रहेगा, और इसी का मार्केट कैप भी दिया हुआ आपको 210 लाख। तो आपका इससे x का वैल्यू आ गया 21.79, x आपने तोड़ लिया, x का वैल्यू निकाल लिया आपने, अब x का वैल्यू इतना आ चुका है, मतलब बायबैक प्राइस है 21.79। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, पूछा बायबैक प्राइस बताओ, हमने बता दिया 21.79। फिर बोला नंबर ऑफ शेयर्स कितना रिपर्चेस होगा, निकालो 27 लाख डिवाइड बाय 21.79 कर लो, आपका आ रहा 123910 शेयर्स आ जाएगा। मतलब आउट ऑफ 10 लाख आपने क्या किया, 10 लाख शेयर्स में से कितना शेयर्स आपने खरीद लिया, तो रिमेनिंग शेयर्स आपका बचा कितना, 876090 आपका रिमेनिंग शेयर्स बचा। फिर उन्होंने बोला कि ईपीएस का इंपैक्ट बताइए आप, एज्यूमिंग नेट इनकम सेम रहेगा, नेट इनकम आपका कितना है, ईपीएस 3 है, और पहले 10 लाख शेयर्स था, मतलब पहले आप 30 लाख कमाते थे टोटल 3 to 10, अभी भी 30 लाख ही कमाओगे, तो पहले 30 लाख को 10 लाख से डिवाइड करते थे 3 रुपीज का आपका ईपीएस आता था, अभी आप 30 लाख को डिवाइड करोगे किससे पता है, 876090 शेयर्स है, क्योंकि आपने तो शेयर्स कुछ बायबैक कर लिए ना, तो इससे डिवाइड करने पर आपका ईपीएस आ रहा 3.42। तो ईपीएस तो बढ़ाना, 3 से 3.42 हो गया, मतलब 0.42 आपका ईपीएस बढ़ गया, तो इम्पैक्ट ऑन ईपीएस हम क्या बोलेंगे, 0.42 से आपका ईपीएस जो है बढ़ गया। तो आई थिंक ये क्वेश्चन अब आप आराम से कर लोगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, इसी के साथ इक्विटी का सारा क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। अब हम बॉन्ड करेंगे, बोलो तैयार है, बॉन्ड बहुत सिंपल है, बॉन्ड वैल्यूएशन बहुत सिंपल है, आप लोग यू ही टेंशन लेते, बहुत ही सिंपल है। बॉन्ड वैल्यूएशन अब हम करेंगे, राजेश जी बोले फास्ट ट्रैक में कराया था, यस फास्ट ट्रैक में कराया था, रेगुलर में मुझे की ला रहा, मैंने सब छोड़ दिया था गलती से। कैपिटल गेयरिंग वाला छूटा नहीं आकांक्षा जी, देखिए आरटीपी एमटीपी सेक्शन में क्वेश्चन कराया, वो कैपिटल गेयरिंग वाला मैंने अलग से आरटीपी एमटीपी में भी 8-10 क्वेश्चन दिए ना चैप्टर, हर चैप्टर के उस सेक्शन में कैपिटल गेयरिंग वाला क्वेश्चन कराया, चाहे फास्ट ट्रैक हो या रेगुलर हो। अभी नहीं कराऊंगा, बस अभी वो मत पूछे, अभी नहीं करूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन कराने, वो कैपिटल गेयरिंग खुद कर लेना, मैंने कराया भी वहां पे, ठीक है, और बाकी बच्चों को भी देखना, तो आरटीपी एमटीपी में वो क्वेश्चन करवाया हुआ, मैं टेंशन की कोई बात नहीं, वही सन लिमिटेड वाले बोल रहे हो ना आप, हाँ वो अगर वही क्वेश्चन बोल रहे हो, अगर आप कैपिटल गेयरिंग वाला जो है वो आरटीपी एमटीपी में करवाया, वो अभी हम नहीं पकड़ेंगे, वो पकड़ेंगे 15 मिनट मिनिमम खा जाएगा वो, और उतना टाइम अभी हम नहीं देंगे, हम बॉन्ड स्टार्ट करेंगे। अभिषेक जी मैंने हाँ वो नहीं करा, ये वाला आरटीपी एमटीपी में मिल जाएगा, कैपिटल गेयरिंग सन लिमिटेड वाला, नीचे आरटीपी एमटीपी सेक्शन के क्वेश्चन है ना उसमें मिल जाएगा, सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर में देखिए जाके, मैं 100% श्योर हूँ। चलो तो बॉन्ड वैल्यूएशन अब हम स्टार्ट करते हैं। आपकी उधर गर्मी है, बहुत गर्मी है, गर्मी है, मैंने अपने कमरे रूम को चेंज किया ना अभी तक, यहाँ पे एसी नहीं लगाया, बुरी हालत हो जाती।
चलो बॉन्ड स्टार्ट करते हैं। तो बॉन्ड वैल्यूएशन में बस आप ये समझ लीजिए कि बॉन्ड वैल्यूएशन के अंदर रिडम्पशन होता है, जैसे इक्विटी में हमारे इन्फिनिटी तक चलता है रिडम्पशन वगैरह कुछ नहीं, बॉन्ड में रिडम्पशन होता है ना। और यहाँ पर बॉन्ड में बेसिकली यील्ड या YTM का हम नाम लेते हैं, जैसे वहां पर रिक्वायर्ड बोलते थे ना, यहाँ पर रिक्वायर्ड की जगह हम YTM बोलते हैं या यील्ड बोलते हैं। YTM और यील्ड से खींचते हैं, यानी मैच्योरिटी तक आपका क्या यील्ड आपको चाहिए, उस यील्ड से हम क्या करेंगे, कैश फ्लो खींचेंगे। अच्छे से समझ में आएगा, टेंशन की कोई बात नहीं। एक एग्जांपल पहले करा देता हूँ, फिर अपने आप फ्लो बैठेगा आपका। तो आप देखिए बॉन्ड वैल्यूएशन के अंदर हम बॉन्ड को वैल्यू करते हैं, और उसका वैल्यू कैसे होगा हम ये देखते हैं फ्यूचर में ये बॉन्ड हमें कितना कैश फ्लो देगा। बेसिकली मैं आपको बता दूं, मोस्टली सारे क्वेश्चन फिक्स रेट बॉन्ड से रिलेटेड ही है, फिक्स रेट डिबेंचर या फिक्स रेट बॉन्ड का एक क्वेश्चन यहाँ पर है। क्योंकि फ्लोटिंग रेट बॉन्ड में ऐसे भी प्राइसिंग में बदलने वाला कुछ खास बदलने का स्कोप नहीं रहता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बदलता है तो आपका फ्लोटिंग रेट का भी इंटरेस्ट रेट बदल जाता है। तो मेन ऑफ फिक्स रेट बॉन्ड्स के ही सारे क्वेश्चन हम करते हैं प्राइस सारे के सारे। तो आप देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने लिया, मान लीजिए 10% बॉन्ड इशू हुआ 100 रुपीज में। 10% बॉन्ड का मतलब ये 10% इंटरेस्ट देगा मार्केट में, बाकी जाके कोई भी प्राइस कोई भी रेट मतलब नहीं है, ये आपको 10% इंटरेस्ट ही देने वाला। मैच्योरिटी 5 साल की, 5 साल के बाद रिडम्पशन होगा पार में, ये प्रीमियम में भी हो सकता है, डिस्काउंट में भी हो सकता है, पार में भी हो सकता है, ये लाइन ध्यान रखना। यहाँ पर रिडम्पशन पार में बोला है और YTM कितना है 10% है। तो आप देखिए 10% बॉन्ड है, फेस वैल्यू 100 है, और इंटरेस्ट कभी भी मार्केट प्राइस में नहीं मिलता, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू में मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। तो 100 का 10% यानी 10 रुपीज आपको 5 साल तक इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि मैच्योरिटी 5 ईयर्स है, और आगे जाके 100 रुपीज मिल जाएगा। मान लीजिए अगर यहाँ पर बोलता कि 10% प्रीमियम में रिडीम होगा, तो 100 + 10% यहाँ पर 110 होता। मान लीजिए बोलता 10% डिस्काउंट में रिडीम होगा, तो 100 - 10% यानी 90 रुपीज यहाँ पर आता। तो वो आप बस ध्यान रखिएगा, हम इसे क्या करेंगे सभी को रिक्वायर्ड यानी YTM से खींच देंगे। YTM से खींचा तो प्रेजेंट वैल्यू 100 आए, यानी इसकी प्राइस क्या होगी, 100 होगी आपकी इसकी प्राइस, बात खत्म। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर बहुत सारा चीज करा, अभी इसकी नीड ही नहीं है, क्वेश्चन के साथ ही आपके सारे अपने आप ही हो जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर, मैंने यहाँ पर बॉन्ड में नहीं डाल रखे क्या, तो इसमें नहीं डाल रखे, चलो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक और PDF है, मैं उससे भी पढ़ा सकता हूँ चाहूँ तो। आप बहुत सारे क्वेश्चन उससे भी हो जाएंगे, ये PDF लास्ट टाइम का यूज किया हुआ है, ये बहुत बढ़िया PDF है, इसे भी करा सकता हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये सारा क्लियर भी होते रहेगा। देखो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 58 मास्टर एग्जांपल है आपका, इससे बॉन्ड के कई सारे एस्पेक्ट आपके क्लियर होंगे, मास्टर एग्जांपल है, समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर 58। तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ से आपको करा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। फेस वैल्यू इसका 1000 है, कूपन रेट 11% है, YTM आपका 15% है, ये मास्टर क्वेश्चन जैसा, और रिडम्पशन वैल्यू 1000 रुपीज है, मैच्योरिटी 6 साल की है, हमें बोला पहले मार्केट प्राइस निकालो। तो मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे, 1000 का 11% यानी 110 हर साल आपको कूपन मिलेगा 6 साल तक, और लास्ट में पार में 1000 आपको मिल जाएगा। तो इन सभी को हम क्या करेंगे, YTM से खींचेंगे, YTM कितना हमारा 15% है, तो इन सभी को YTM से जो खींच के प्राइस आएगा वही करेंट मार्केट प्राइस होगा। अब मार्केट प्राइस तो निकालिए, अब यहाँ पर ड्यूरेशन का भी खेला है, ड्यूरेशन भी हमें निकालना होता है। तो ड्यूरेशन कैसे निकालना होता है, मैं सीधा एग्जाम ओरिएंटेड आपको मैं कराता हूँ। तो आप यहाँ पर ड्यूरेशन के लिए टेबल बनाओगे, एग्जाम ओरिएंटेड ही बता रहा हूँ, हालांकि मैंने पहले बहुत सारे तरीके बताए थे आपको एग्जाम में क्या करना वही मैं बता रहा हूँ। तो आप यहाँ पर कैश फ्लो लिखोगे, तो आपको कैश फ्लो मिलेंगे, देखो फर्स्ट ईयर में 110 मिलेगा, सेकंड ईयर में 110, ऐसे करके हर साल 110 मिलेगा, सिक्स ईयर में 1000 प्रिंसिपल भी मिलेगा और 110 का इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो ये कैश फ्लो आपके, अब इसको आप क्या करोगे, प्रेजेंट वैल्यू में खींचोगे, पीवी फैक्टर 3.3 decimal places का पीवी फैक्टर लीजिएगा यहाँ पर, उस पीवी फैक्टर से आप खींचोगे। देखो 3 decimal लिखा हुआ अभी, हालांकि आजकल क्वेश्चन में अच्छी बात क्या हो गई है, आईसीए ज्यादातर क्वेश्चन में बता देता है कितना डेसिमल प्लेसेस में आपको खींचना है, तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा मोस्टली सारे क्वेश्चन में, आप उतने ही डेसिमल प्लेसेस करके आना जितना क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो आप देखिए 3 decimal places दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, रिक्वायर्ड कितना, 1 divided 1.15 आपका पी फैक्टर 869 यानी 8695 है, मतलब 5 या उससे अबव होगा तो मैं 0.869 नहीं मानेंगे, 0.870 मानेंगे, फिर 0.756, 0.658, 0.572 होगा, ये 0.497 होगा। तो ये सारे आपके पीवी फैक्टर यहाँ पर होंगे, उससे मल्टीप्लाई करोगे आपका प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा।
इसका मतलब क्या पता है, ये 110 मुझे एक साल बाद मिलेगा, उसके लिए मैं इतने पैसे फंसा रहा हूँ, तो ये पैसा मेरा एक साल के लिए फंसेगा, इसकी मेच्योरिटी एक साल है, क्योंकि ये पैसा मैं इस 110 के लिए फंसा रहा हूँ, ये 110 मुझे एक साल के बाद मिल जाएगा। ये पैसा जो मैं फंसा रहा हूँ दूसरा 110, इसकी मेच्योरिटी 2 ईयर्स है। ये जो मैं पैसा फंसा रहा हूँ इसकी मेच्योरिटी 3 ईयर्स है। ये पैसा मैं ब्लॉक कर रहा हूँ उसकी मेच्योरिटी 4 ईयर्स है। ये पैसा जो मुझे 110 पांच साल के बाद मिलेगा, इसके लिए मैं इतना पैसा लगा रहा हूँ आज प्रेजेंट वैल्यू में, इसकी मेच्योरिटी 5 ईयर्स है। और ये मुझे पैसा मिलेगा 6 साल के बाद, और उसके लिए आज मैं इतना पैसा लगा रहा हूँ, इसकी मेच्योरिटी 6 साल है, मतलब 6 साल के बाद मिलेगा। तो ड्यूरेशन अलग अलग, कैश फ्लो अलग अलग, पैसा पार्ट वाइज का अलग अलग ड्यूरेशन आ रहा है, पर हमें एवरेज ड्यूरेशन बताना होता है, वही ड्यूरेशन निकाल रहे हैं। एवरेज ड्यूरेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, एक तो ये तरीका है कि आप बोलोगे एक साल लग रहा है इतना पैसा में, आउट ऑफ इतना पैसा आपका इतना प्रोपोर्शन में एक साल का मैच्योरिटी लग रहा है। तो वेटेड एवरेज कैसे निकाल सकते हो, 1 ईयर इंटू 95.7 डिवाइड बाई 848.35, फिर 2 ईयर इंटू 83.16 डिवाइड बाई 848.35, यानी वेट निकाल लो सबका, वेट इंटू ड्यूरेशन कर दो, आपका ड्यूरेशन आ जाएगा। बट एग्जाम में वैसे मत करना, एग्जाम में आप प्रोडक्ट करना वो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप क्या करना, जो आप पैसे फंसा रहे हो प्रेजेंट वैल्यू, इसको मैच्योरिटी से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालो। जो पैसे फंसा रहे हो कैश फ्लो को मल्टीप्लाई मत कर देना, जो पैसे फंसा रहे हो उसको मैच्योरिटी से मल्टीप्लाई करना। जो पैसे ब्लॉक कर रहे हो, जो आपका प्रेजेंट वैल्यू है, आपका प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल प्राइस कर दीजिए, आपका आ जाएगा ड्यूरेशन। टोटल प्रोडक्ट सारे का मिला के टोटल प्रोडक्ट और डिवाइड बाय टोटल प्रेजेंट वैल्यू, यानी डिवाइड बाय टोटल प्राइस, तो ड्यूरेशन क्या होगा आप कहीं पर लिख लेना, या फिर मैं आपको एक पीडीएफ दूंगा उसमें लिखा हुआ रहेगा, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाई प्राइस, इससे आपका ड्यूरेशन निकल के आ जाएगा। बात खत्म, ड्यूरेशन निकल के आ गया। अब वॉलेटिलिटी, वॉलेटिलिटी आप कैसे निकालोगे, यहाँ पर वॉलेटिलिटी देखो, ऐसे तो निकालने का एक तरीका होता है लंबा चौड़ा तरीका, वो अभी आपको डिस्कशन नहीं करना, एग्जाम में करना भी नहीं आपको। आप एग्जाम में वॉलेटिलिटी जितना सीधा शॉर्टकट तरीके से निकालोगे कैसे, ड्यूरेशन बाय YTM का फैक्टर, ध्यान रखना। तो वॉलेटिलिटी के लिए मैंने देखो ये लिखा हुआ, ड्यूरेशन डिवाइड बाय 1+ yield, 1+ yield मतलब YTM का फैक्टर, जैसे 13% है तो उसको 1.13 मानना, 15% तो 1.15 मानना, और ड्यूरेशन तो आपने जस्ट अभी निकाले ही है, तो 4.575 डिवाइड बाय यील्ड कितना था इस क्वेश्चन में, 15% था मतलब 1.15, यानी आप क्या करोगे 4.575 डिवाइड बाय 1.15 वॉलेटिलिटी आ जाएगा। और ये वॉलेटिलिटी का मतलब क्या पता है, इसका मतलब ये कि 1% से अगर आपका YTM अप एंड डाउन होगा तो प्राइस आपका इतना परसेंट से अप एंड डाउन होगा। आपका मतलब ये, मतलब कहने का मतलब ये, जब आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो प्राइस गिरता है, ये ध्यान रखना। जब YTM बढ़ेगा प्राइस गिरेगा, जब YTM गिरेगा प्राइस बढ़ेगा। इसके पीछे का लॉजिक फटाफट बता देता हूँ। मान लीजिए 10% कूपन आपको मिल रहा है और मार्केट में रेट 12% हो गया, फोन तो बेकार हो गया ना, तो रेट बढ़ा प्राइस गिर जाएगा। कूपन आपको 10% दे रहा है, मार्केट में रेट 8% हो गया, तो आपका तो अच्छा है, कूपन आपको 10% दे रहा है, तो रेट गिरेगा तो प्राइस बढ़ेगा। तो ये इनवर्स रिलेशन होता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। बात खत्म यहाँ पर, तो ये हमने ध्यान में रख लिया। और 3.98% का मतलब, अगर मैं आपको बोलूं 1% से YTM गिरा है तो मतलब 3.98% से प्राइस बढ़ेगा, 1% से YTM बढ़ा है तो 3.98% से प्राइस गिरेगा, ये हमने क्लियरली समझ लिया। अगर 2% से YTM बढ़ा है तो प्राइस 3.98 × 2 तो आएगा, यानी अप्रोक्सीमेटली 7.96% समथिंग, उतना से आपका प्राइस गिरेगा अगर YTM बढ़ा है तो। तो अब देखिए यहाँ पर इन्होंने पार्ट नंबर 3 भी मैंने वॉलेटिलिटी भी बता दिया, अब इन्होंने बोला कि मार्केट प्राइस बताओ, अगर 100 basis points से आपका यील्ड बढ़ेगा, यील्ड 100 basis points मतलब 1%, तो 1% से यील्ड बढ़ेगा मतलब 3.98% से गिरेगा, तो प्राइस आप क्या करोगे, जो आपका करंट प्राइस है ना 848.35 माइनस 3.98% कर देना, वही आपका प्राइस होगा। फिर वापस बोला अगर यील्ड 75 basis points से गिरेगा, 0.75% से गिरेगा, तो प्राइस बढ़ेगा कितना से, 3.98 का 0.75, 3.98 का 0.75, यानी 2.985% से आपका प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि YTM आपका गिरा है यहाँ पर, तो वो आप कर लोगे आराम से, 2.985% से प्राइस बढ़ेगा, ये आपने निकाल लिया। तो आप मुझे बताइए क्या ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 बस इसी से करा, ऐसा सेम यहाँ पर भी प्रेजेंटेशन है जो मैं PDF आपको देने वाला हूँ, मैं इसी में स्टिक रहता हूँ, मैं सोच रहा हूँ वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्वेश्चन में 58 मैंने आपको एकदम अच्छे से करवा दिया, यहाँ पर करा हुआ अच्छे से प्रेजेंटेशन आप देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर अलग ये वाला मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, जब मैं कॉन्वेक्सिटी पढ़ाऊंगा ना तब एक और तरीके से वॉलेटिलिटी निकालता हूँ, वो भी मैं कॉन्वेक्सिटी में आपको पढ़ा दूंगा, अभी जरूरत नहीं उसकी। तो अभी मुझे बताइए क्या ये वाला चीज़ आपको क्लियर हुआ, हाँ या ना।
ये वाला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब इसकी बात, एक और बात मुझे आपको बताना, YTM हम कैसे निकालेंगे। देखिए YTM तो IRR के तरीके से भी निकाला जाता है, जैसे yield to maturity, बट अब एग्जाम में अगर YTM निकालना है तो वैसे मत निकालना, आप फॉर्मूला से निकालना। और फॉर्मूला एकदम सिंपल सी बात है, YTM का फॉर्मूला क्या पता है, एवरेज इनकम आपने YTM मतलब yield to maturity, पूरा मैच्योरिटी का क्या yield है, ये कैसे निकलेगा। आप ये देखो कि पूरे मैच्योरिटी तक आपका एवरेज कितना इनकम हो रहा है और एवरेज आपने पैसा कितना फंसा है, एवरेज इनकम डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट से आपका YTM आ जाता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, बढ़िया बढ़िया रहेगा हमारे लिए। ये देखो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पर, कूपन रेट 10% है, मैच्योरिटी 5 ईयर्स है, YTM 12% यहाँ पर दे दिए। तो एग्जाम्पल नहीं चाहिए मुझे, एक कोई बुक का ही क्वेश्चन कराता हूँ आपको, ज़्यादा बेहतर रहेगा। यस ये देखो ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, ये क्वेश्चन से आपको YTM पूरा क्लियर करा दूंगा एकदम अच्छे से। आप देखो 9% का बॉन्ड है, 9% का कूपन का 5 ईयर्स का बॉन्ड है, इशू प्राइस 90 है, रिडेम्पशन प्राइस 105 है, फॉरेन इन्वेस्टर विद मार्जिनल इनकम टैक्स रेट ऑफ 30% और कैपिटल गेन रेट 10%, यानी इनकम टैक्स लगेगा 30%, कैपिटल गेन पे टैक्स लगेगा 10%, व्हाट इज द पोस्ट टैक्स इल टू मैच्योरिटी YTM पूछा आपसे। तो आप सबसे पहले कैश फ्लो बताइए मुझे, आपको कैश फ्लो कितना मिलेगा, 9% मुझे मिलेगा इंटरेस्ट, किसमें मिलेगा, इशू प्राइस में कि रिडेम्पशन प्राइस में, दोनों मिली फेस वैल्यू में मिलते हैं और फेस वैल्यू इसका ऑब्वियसली 100 ही होगा। तो 100 का फेस वैल्यू पे 9% आपको इंटरेस्ट मिलेगा, यानी 9 रुपीज का आपको इंटरेस्ट मिलेगा हर साल, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर 9 रुपीज मिलेगा। पर 9 आप घर लेके नहीं जाओगे, 9 में 30% टैक्स देना पड़ेगा, मतलब 6.3 आपका इनकम। तो आपका हर साल का इनकम कितना है, 6.3 है 5 साल तक, और एंड में आपको 105 मिलेगा ना रिडेम्पशन अमाउंट। तो वहां पर देखो कैपिटल गेन हो रहा है क्या, यस 90 में आपने खरीदा था, इशू प्राइस 90 था, 105 अब रिडेम्पशन प्राइस है, तो 15 का कैपिटल गेन दिख रहा है, 15 का कैपिटल गेन में भी 10% टैक्स लग जाएगा, यानी 1.5 का टैक्स लग जाएगा। तो टैक्स आपका 1.5 का लगेगा, बच्चे एग्जाम में क्या गलती करेंगे, सीधा 105 का 10% ले लेंगे तो बर्बाद हो जाओगे। अब ये समझो 15 का आपका कैपिटल गेन हो रहा है, उसका 10%, 1.5 का टैक्स होगा, तो 105 नहीं मिलेगा आपको, 103.5 मिलेगा। तो आपका कैश फ्लो क्या होगा, 6.3 और 103.5। तो मुझे बताइए एवरेज कितना कमाई हो रहा है, क्योंकि हर साल तो 6.3 तो एवरेज कमाई हो ही रहे, 5 साल है हर साल 6.3 कमाई होगा, एक तो 6.3 का कमाई हो रहा है हर साल, और एक आपका वन टाइम कमाई हो रहा है 90 और 103.5, यानी 13.5 का कैपिटल गेन हो रहा है वन टाइम। तो अगर मैं एवरेज बोलूँ, एवरेज कैपिटल गेन कितना होगा, तो मैं बोलूँगा 13.5 तो वन टाइम कमा रहा हूँ, मैच्योरिटी 5 साल है, डिवाइड बाई 5 कर दो, तो ऑन एन एवरेज एक साल का कैपिटल गेन है 2.7 और एक साल का आपका इंटरेस्ट इनकम है 6.3। एवरेज इनकम नहीं बता सकते आप, आप बोल दोगे सर एवरेज इनकम क्या है, 6.3 प्लस 2.7 एवरेज कैपिटल इनकम, यानी 9 आ रहा है। और एक और तरीका करने का, आप सारा इनकम को प्लस कर दो, ये आ रहा आपका 31.5 आ रहा है इधर, और इधर आ रहा 13.5, यानी 45 आ रहा है, 45 डिवाइड बाई 5 करोगे तब भी 9 आएगा, यानी ऑन एन एवरेज सालाना आप कितना कमा रहे हो, 9 रुपीज कमा रहे हो। तो एवरेज इनकम आपकी क्या होगी, 9 होगी, और एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या है, हालांकि क्लास में तो मैंने लॉजिकली बताया था, अभी आपको इतना लॉजिक नहीं जाना है। एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या होगा आपका, इशू प्राइस और रिडेम्पशन का एवरेज, दोनों का, इन दोनों का बीच का, इन दोनों का बीच का कैसे पता चलेगा, इशू प्लस रिडेम्पशन डिवाइड बाय 2, तो इन दोनों का बीच का क्या होगा पता, 96.75 होगा मेरे ख्याल से, देख लीजिए 90 प्लस 103.5 डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, तो आपका 96.75 आ जाएगा। तो 9 डिवाइड बाय 96.75 × 100 YTM आ गया, इसी को फॉर्मूला बना दिया है, फॉर्मूला भी ऐसा ही और कुछ नहीं, सिंपल है, याद अपने आप होगा, कूपन ले लेते क्योंकि कूपन तो एवरेज रहता है, कूपन अमाउंट ले लिया, प्लस हम लेंगे कैपिटल गेन, कैपिटल गेन कैसे आएगा, रिडेम्पशन अमाउंट माइनस इशू प्राइस, इससे कैपिटल गेन आएगा, डिवाइड बाय मैच्योरिटी करना, ये एवरेज कैपिटल गेन आ जाएगा। तो ऊपर आपका देखिए कूपन अमाउंट हमारा 6.3 था और इसमें हमारा आया था 2.7, इशू और रिडेम्पशन में फर्क कितना था, 13.5 डिवाइड बाय मैच्योरिटी 5 किया था, ये आपका एवरेज इनकम हो गया। एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकलता है, इशू प्लस रिडेम्पशन डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला अपने आप बन रहा है, याद थोड़े ना करना पड़ता है, फॉर्मूला अपने आप याद होगा अगर लॉजिक क्लियर रहेगा तो आपको। तो आपको ये ध्यान रखना है एवरेज इनकम बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, बात खत्म। इसी के साथ मैंने YTM भी आपको एकदम अच्छे से भरपूर अच्छी तरीके से आपको मैंने YTM भी समझा दिया। एक क्वेश्चन नंबर 61 बहुत ही अच्छा है, ड्यूरेशन के हिसाब से आपको सॉल्व करना है, ये मैं फटाफट आपको इसका क्रक्स बता देता हूँ। देखिए फेस वैल्यू दोनों में 10,000, एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड, दोनों का कूपन रेट दिया हुआ है, दोनों का मैच्योरिटी पीरियड दिया हुआ है, आपको एक्स लिमिटेड का मार्केट प्राइस दे दिया और बोला कि दोनों का YTM सेम है, YTM बताया नहीं उन्होंने, इन्होंने गेम खेल दिया, इन्होंने YTM बताया नहीं है। तो आप एक काम कर सकते हो, एक्स का तो आप निकाल ही सकते हो YTM कैसे, आप ये देखिए एक्स का कूपन कितना है, 6% है,
10,000 का 6% यानी कूपन कितना आएगा, 600 आएगा कूपन अमाउंट आ गया। और एवरेज कैपिटल गेन कितना हो रहा है, तो आप देखिए यहाँ पर इसके प्राइस है 1,0796.80 में खरीदा जा रहा है, ये इशू प्राइस है। और रिडम्पशन हम मानेंगे पार में होगा, फेस वैल्यू में होगा, तो 10,000 में रिडम्पशन होगा, तो यहाँ पर कैपिटल लॉस आ रहा है। 796.80 का कैपिटल लॉस आ रहा है, डिवाइड बाय 5 कर दो, 159.36 का कैपिटल लॉस है एवरेज। और इनकम कितना, इंटरेस्ट का 600 माइनस करना पड़ेगा, यानी 440.64 आप देख लीजिए यहाँ पर आपका ऊपर आएगा, 440.64 का एवरेज इनकम है। और एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना होगा इसका और 10,000 का इशू और रिडेम्पशन का एवरेज कितना आएगा, 10,000 प्लस 1,0796.8 डिवाइड बाय 2, 10,398.4 200 कर दीजिए, बस बात खत्म। तो इसी से आपका देखिए 4.24 आ जाएगा YTM। अब ये X का YTM आ चुका है, Y का भी ये YTM होगा, क्योंकि क्वेश्चन ने बोल ही दिया दोनों का YTM सेम है, तो हमने X का YTM निकाला और बोले यही Y का YTM होगा। अब क्वेश्चन क्या चाहता हमसे, क्वेश्चन बोला कि मिस्टर ए कंसीडर कर रहा है ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड को बेसिस बनाना चाह रहा है ये सिलेक्ट करने के लिए कि कौन सा बॉन्ड अच्छा है, ड्यूरेशन जिसका कम होगा उसी को हम अच्छा बॉन्ड मान लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ड्यूरेशन का खेल खेलेंगे। तो आप देखिए पहले वाले में आपको 5 साल तक 6% कूपन मिलेगा, यानी 600 करके 5 साल तक मिलेगा, यानी फिफ्थ ईयर में 10,600 मिलेगा। 4.24 आपका YTM है, उसे प्राइस आप निकाल लोगे, प्राइस इंटू ड्यूरेशन इंटू मैच्योरिटी, ड्यूरेशन मतलब इंटू मैच्योरिटी, प्राइस इंटू मैच्योरिटी करके आप क्या निकालते हो, आप निकालोगे प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय प्राइस करोगे, आपका ड्यूरेशन आ जाएगा, आपको आता है अच्छे से। सेम वैसे ड्यूरेशन वाई का भी ऐसे निकालोगे, कैश फ्लो आपका कितना है 4% यानी 400 हर साल, और 10,400 4.24% ही आपको लेना है YTM, तो उसी से आपने प्राइस निकाल के आप आराम से ड्यूरेशन निकाल दो, प्रोडक्ट निकाले। ये तरीका आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, तो वापस से बताने की आवश्यकता नहीं है, आप आराम से फिर आप देखो कि ड्यूरेशन किस में कम है, पहले वाले में ड्यूरेशन कम है तो पहले वाला एक्स बॉन्ड को आप सिलेक्ट कर लीजिए, बस बात खत्म। तो बताइए क्या समझ में आ रहा है ना, मैं बस आपको क्रक दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में सब रिकॉल हो जा रही है, यस हाँ ये ऐसे करना था ये वैसे करना था। तो अगर हमारा 2-2.25 घंटे में सिक्योरिटी वैल्यूएशन पूरा खत्म होता है अलोंग विद क्वेश्चन, कंसेप्ट भी आ रहे क्वेश्चन भी आ रहे, तो इससे फास्ट और आपका क्या होगा, सारा रिकॉल हो रहा है, बताइए मजा आ रहा है ना नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो मैं अभी बंद करता हूँ सेशन को, मैं जाता हूँ सोने के लिए, ऐसे भी रात बहुत हो चुकी है, रात के 12 बज चुके हैं, अभी भूत भी आने वाला है, देख लेना आप लोग ये घर कहीं भूत ना आ जाए, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, कोई डर मत जाना, ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ सोने, मजा नहीं आ रहा तो बोलो मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। सर आप बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हो हमें पढ़ने में, थैंक यू वेरी मच सर, यू आर जस्ट वाओ, थैंक यू सो मच प्रिंस जी। आ रहा है चिल्ला के बोलो, चैट बॉक्स में तोड़ो, बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, फिर नहीं पढ़ाऊंगा मैं, फिर क्यों इतना परेशान होऊंगा मैं, जाता हूँ सोने के लिए। फिर रात की 12 बजे पढ़ रहे, जोश दिखाओ आप लोग भी जैसे मैं जोश दिखा रहा हूँ, मजा आ भी गए हो, चलो बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है ना सभी को, अरे नहीं नहीं सर बहुत मजा आ रहा है, मजो मजो भैया, चलो ठीक है मजेदार, सबको मजा आना चाहिए, नहीं आएगा तो मैं भाग जाऊंगा, हम तो खुद ही भूत बन चुके, एकदम सही कहा आकाशी ने, सच में हम लोग खुद ही भूत बन चुके हैं, डरने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, डराने का तरीका कैजुअल है क्या, अच्छा अच्छा सच में देखना भूत आएगा आपके पीछे में, देखो कौन था ये जगत जी, आप पीछे घूम के देखो कौन है, भूत या भूतनी है, गुस्सा नहीं कह रहा पराग जी, मैं तो एकदम मूड में हूँ आज सर, मैंने वाशरूम जाना था, डरा रहे आप, देखना वाशरूम में कौन होगा पता नहीं चलेगा, ठीक है आपका इंतजार कर रहा है शायद कोई वहाँ पे, आपकी लाइफ ने उठा के रखा, चलो बहुत बढ़िया, बिंदास जबरदस्त जिंदाबाद फुल जोश, हाँ एकदम, तो गुड नाइट बोल रहे, काफी सारे लोग भाग रहे, जाओ जाओ भागो भागो, जिसको भागना है भागो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जिसको भागना है, थोड़े जितने भी बच्चे होंगे उसको मैं पढ़ाऊंगा। ये सवाल मुझे एकदम पसंद नहीं है सर, क्लास कब तक होगी, भूत का नाम है ICI, ये बात भी सही है, नहीं पास हो जाओगे जितेंद्र जी, चलिए पास हो जाओगे। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या बोले इस क्वेश्चन में, एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, बोला करेंट मार्केट प्राइस है, आपको करेंट मार्केट प्राइस बॉन्ड का निकालने को बोला, बोला फेस वैल्यू 1,00,000 रुपीज है, रिडीम होगा 6 साल के बाद, YTM दे दिया 16% और ड्यूरेशन भी दे दिया मेरे भाई, ड्यूरेशन भी दे दिया आपको, जान नहीं दिया कूपन अमाउंट नहीं दिया, कूपन रेट को सस्पेंस में रख दिया उन्होंने, तो हम क्या मान लेंगे, चलो कूपन अमाउंट एक्स है, यहाँ पर एक्स एक्स खेलेंगे हम बोलेंगे कूपन अमाउंट एक्स है, 6 साल की मैच्योरिटी, तो हर साल आपको कूपन एक्स मिलेगा,
6 साल तक, और छठे साल में आपको 1 लाख रुपीज प्रिंसिपल भी मिल जाएगा, छठे साल में 1+X होगा। जबकि आपका YTM 16% है, तो प्रेजेंट वैल्यू 16% से मैंने प्राइस निकाल लिया, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया, 0.862x आया, 0.743x आया, 0.641x आया, ऐसे करके टोटल प्राइस कितना है 3.684x प्लस 41,000 आपका आया। तो हमने एक्स लेके हमने निकाला, और सबके ड्यूरेशन मैच्योरिटी दिया हुआ, तो प्रोडक्ट निकालेंगे और प्रोडक्ट डिवाइड बाय प्राइस से हमें पता है ड्यूरेशन आता है, पर इस बार आएगा नहीं क्योंकि प्रोडक्ट में भी एक्स है और प्राइस में भी एक्स है, लेकिन हमें ये पता प्रोडक्ट डिवाइड बाय प्राइस इक्वल ड्यूरेशन होता है। तो टेंशन की बात नहीं, उन्होंने ड्यूरेशन दे रखा हमें, तो ड्यूरेशन हमें दे रखा, ड्यूरेशन की वैल्यू डाला और प्रोडक्ट डिवाइड बाय प्राइस का इक्वेशन डाला, हमारा एक्स का वैल्यू आ चुका है 14983। हालांकि कूपन हमेशा राउंड ऑफ में रहता है, तो हम इसको मान रहे 14983 नहीं है, 15,000 है, राउंड ऑफ का डिफरेंस है क्योंकि राउंडिंग ऑफ करा भी हमने, तो एक्स आ गया 15,000, मतलब एक्स हमने लिया ही क्या था, हमने कूपन को एक्स माना था, तो एक्स 15,000 आ चुका है। अब हमसे प्राइस पूछा है, प्राइस ये तो है, ये देखो ये रहा प्राइस, तो एक्स की वैल्यू बैठा दो आपका प्राइस आ जाएगा इसमें, और या फिर आपको इतना लंबा करना है तो फिर आप हर साल का कूपन आपका 15,000 ही सबको खींचना और 1 लाख को खींचना, 16% प्राइस आ जाएगा आपका। तो प्राइस निकालने को बोला, लेकिन आप क्या करना, इसी को लगा देना ना, ये तो प्राइस है, ये जो पीवी हमने निकाला है ये तो प्राइस है, इसमें एक्स का वैल्यू बैठा देना। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आपको करना आना चाहिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगर ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है तो एक और क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, डेट इज क्लीन प्राइस एंड डर्टी प्राइस, और ये कराने के बाद बाद में मैं आपको बॉन्ड रिफंडिंग का भी कंसेप्ट कराऊंगा। क्लीन प्राइस डर्टी प्राइस का कंसेप्ट कराना है, बॉन्ड रिफंडिंग कराना है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कराना है, कॉन्वेक्सिटी कराना है, बॉन्ड इम्यूनाइजेशन कराना है, उसका भी क्वेश्चन कराना है। तो ये मेरे ख्याल से ये सब टॉपिक अब हमारे अभी पेंडिंग है। इसके अलावा एक और कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट, वो भी उसका भी क्वेश्चन करा दूंगा, कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट भी आपका रिवाइज हो जाएगा। चलो तो फिर हम स्टार्ट करते हैं, चलिए क्लीन प्राइस एंड डर्टी प्राइस अभी हम देखते हैं। एमपी लिमिटेड ने नया सीरीज ऑफ बॉन्ड इशू किया January 1, 2010 को, बॉन्ड्स जो है वो सोल्ड हो रहा है पार में, हैविंग ए कूपन रेट ऑफ 10% और मैच्योर होगा 31 December 2025। कूपन पेमेंट सेमी एनुअली दिया जाएगा, यानी कूपन पेमेंट 10% नहीं होगा, 5% होगा, क्योंकि सेमी एनुअली दिया जाएगा 6-6 महीना में। एज्यूम डेट यू परचेज एन आउटस्टैंडिंग एमपी लिमिटेड बॉन्ड ऑन 1st March 2018, जब रेट चल रहा था आपका 12%, वेन द गोइंग इंटरेस्ट रेट वॉज 8%, आपने तब परचेज किया था। What was the YTM of the MP Limited bond on January 1, 2010? बोला January 1, 2010 को आपका क्या YTM होगा? आप देखिए January 1, 2010 को बॉन्ड जो है ना वो पार में सोल्ड हो रहा था, और पार में पता कब सोल्ड होता है, जब कूपन ही YTM होगा तभी तो पार में सोल्ड होगा। 1000 का फेस वैल्यू में अगर कूपन सोल्ड हो रहा, मतलब आप समझ जाइए आपका कूपन एट सेलिंग एट पार, मतलब समझ जाइए कूपन इक्विवेलेंट टू YTM। तो आपका YTM यहाँ पर क्या होगा, जो कूपन का रेट है ना 10% वही होगा। अब देखो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, मान लो आपने एक बॉन्ड, ये बॉन्ड खरीदा 1st March 2018 को, जब YTM चल रहा था 12%, तो आपको ये पूछा गया कि कितना अमाउंट आप दोगे ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, हम 1st March 2018 को हम खरीदना चाहते हैं, और हमें कूपन कब मिलेगा, जून और दिसंबर में, यानी 30 June 2018, 31 December 2018, फिर 30 June 2019, 31 December 2019, ऐसे कर करके हमें 31 December 2025 तक कूपन मिलेगा 5%, और एंड में हमें अपना प्रिंसिपल अमाउंट 1000 मिल जाएगा। तो आप देखिए ऐसे कर करके 50 कितना आ रहा है पता है, जब आप खरीदोगे उसके बाद आपको कूपन कितना मिलेगा पता है, 7 साल तक मिलेगा, और मेरे ख्याल से 14 बार मिलेगा, 7 नहीं 8 साल तक, 18, 19, 20, 16 बार मिलेगा। आप देख लीजिए 16 times आपको 50 मिलेगा और लास्ट में 1000 मिलेगा। इन सभी को हम क्या करेंगे पता है, हम 1st March में नहीं खींच सकते, क्योंकि 1st March से आप देखोगे 6-6 महीने का गैप नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक जगह स्टॉपेज लगा रहे हैं, बोले 30 June में हम खींच लेते हैं, क्योंकि यहाँ से 6-6 महीने का फर्क रहेगा, आराम से आप खींच पाओगे। तो आप क्या करो, पहले आप इसको मत निकालो, आप प्राइस निकालो 30 June का। तो 30 June का हम प्राइस निकालेंगे, तो इसको भी एक बार नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे, यहाँ से लेके सारा 54,000 को हम खींचेंगे, कौन से रेट से, 6% से, 12 मत लेना, सेमी एनुअली है तो 6% लेना। तो इन सबको आप 6% से खींचोगे, आपका आएगा वैल्यू 952.87। 952.87 आपका प्राइस कब का आएगा पता है, 30 June का आएगा, 30 June का आएगा। मुझे तो 1st March का चाहिए, तो मुझे 1st March का अगर प्राइस निकालना है तो मुझे 30 June का प्राइस भी लेना, और 30 June का जो डिविडेंड मैंने अभी तक नहीं लिया ये भी लूंगा, क्योंकि अभी मैंने जो ये प्राइस निकाला 952.87 इस पे, इसको नहीं लिया था, बाकी सबको लिया था। तो अब मुझे 30 June में दो चीज दिख रहे हैं, एक तो 30 June में मुझे 50 दिख रहा है, और एक 30 June में मुझे 952.87 का प्राइस दिख रहा है। तो मतलब कितना हो गया ये, आई थिंक 1002.87 हो गया, ये 1002.87 का हमारा प्राइस है। कब है, 30 June 2018 को, मुझे चाहिए 1st March को, कितना महीना बैक, जून
मई अप्रैल और पूरा मार्च का महीना, 4 months बैक करना है। तो ऐसे नहीं, यहाँ पर ऐसा कि आप भी कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो। देखो एक तो तरीका आपके पास ये है कि 1,002.87 को आप सीधा 1.04 से पुल कर दीजिए 6 महीने का। जैसे आपने 6 महीने का 6% माना, 4 महीने का 4% मान लो, एक तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप 1,002.87 को 1.06 6 महीने का रेट है 4/6 लेके भी कर सकते हो। और ये 4/6 करना आपको कैलकुलेटर में आता है, ठीक है, 4/6 करना आता है। कैसे करोगे, कैलकुलेटर में डालोगे 1.06 रूट करोगे 12 बार, माइनस 1 करोगे, फिर इंटू 4 डिवाइड बाय 6 जो है वो कर दोगे आप, फिर प्लस 1 करोगे, फिर इंटू इक्वल आप कर दोगे 12 बार। या फिर आप ऐसे कर दीजिएगा 1.06 रूट करना 12 बार, माइनस 1 करना, डिवाइड बाय 6 कर देना डिनोमिनेटर वाला, फिर प्लस कर देना, फिर इंटू इक्वल कर देना 12 बार, फिर आपका जो पावर 4 है ना उसको आप 4 बार पावर 4 वैसे करके कर दीजिए। तो आपको ये आता है अच्छे से, मुझे पता है, ठीक है। तो आपने पहले क्या करना, मतलब यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको जो प्राइस निकालना है आपको क्या करना, फर्स्ट मार्च का प्राइस मत निकालना, अब उसके नेक्स्ट जो है आपका रिसेट डेट है 30 जून का प्राइस निकालना। 30 जून का प्राइस आएगा और 30 जून का डिविडेंड, ये दोनों मिला के फिर आप खींच लेना फर्स्ट मार्च में 4 महीना बैक। तो यहाँ पर भी मैंने वही क्या, देखिए एक बार मैंने, अच्छा रुको, ये 50 इंक्लूसिव है, रुको रुको गलती हो गई, ये आपका जो 50 है ना ये 952 में इंक्लूसिव है, इसको छोड़ दे तो 982 आ रहा था क्या, सॉरी मेरे से गलती हो गई, सब मिला के 952.87 है। तो 952.87 को खींचना है, 1,002.87 को नहीं खींचना है, मेरे से गलती हो गई। मतलब इन सब का प्रेजेंट वैल्यू 902.87 था और 50 अलग से था, मैंने सोचा इन सब का 952 था, नहीं ये मिला के है। तो 952.87 को आप देखिए सीधा 1.04 से खींच दो या 1.06 टू दी पावर 4/6 से खींच दो, आपका जो आंसर आएगा वो क्या डर्टी प्राइस है, वो आपका वही एक्चुअल प्राइस है, वही डर्टी प्राइस है। अब मैं आपको बता दूं क्लीन प्राइस क्या होता है, क्लीन प्राइस वो होता है जहां पर आप एक्रूड इंटरेस्ट को नहीं लेते, मतलब यहां पर आप क्या करोगे पता है, फर्स्ट मार्च का जो प्राइस है उसके बाद 4 महीना जो होल्ड किया उसको कंसीडर नहीं किया जाता है। पर आपको इतना दिमाग नहीं लगाना, अभी आपने अभी डर्टी प्राइस निकाला है, आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। डर्टी प्राइस आपने निकाला कितना, 916.22, डर्टी प्राइस में एक्रूड इंटरेस्ट को माइनस कर दीजिए, आपका आ जाएगा क्लीन प्राइस। एक्रूड इंटरेस्ट आप कैसे निकालोगे, आप देखिए यहाँ पर 4 महीने का इंटरेस्ट एक्रू हो रहा है, कैसे पर 4 महीने का इंटरेस्ट एक्रू हो रहा है क्या, नहीं 4 महीने का नहीं, 2 महीने का इंटरेस्ट एक्रू हो रहा है, क्योंकि लास्ट आपको December 31, 2017 को किसी को लास्ट मिला था कूपन, वहां से लेके 1 मार्च तक 2 महीना बीत चुका, 2 महीने तक हम भूखे हैं, 2 महीने तक हम भूखे, तो 2 महीने का एक्रूड इंटरेस्ट यहाँ पर है, तो जो 2 महीने का एक्रूड इंटरेस्ट है वो हमें माइनस करना है। तो 2 महीने का एक्रूड इंटरेस्ट क्या होगा, फेस वैल्यू 1000 है, फेस वैल्यू 1000 है, एक्रूड इंटरेस्ट मतलब कूपन रेट ही लेंगे यहाँ पर 5% 6 महीने का इंटू 2/6, या फिर 10% लोगे तो 2/12 लेना 2 महीने का, तो 2 महीने का एक्रूड इंटरेस्ट 16.67 आएगा। तो डर्टी प्राइस में सब एक्रूड इंटरेस्ट माइनस कर दोगे वही क्लीन प्राइस आता है, है ना। और ये मैंने एग्जाम प्रेजेंटेशन दिखा, आप कैसे भी प्रेजेंट करो आपका आंसर आपको नंबर मिलेगा। ये डर्टी प्राइस हो गया, एक्रूड इंटरेस्ट आप माइनस कर दोगे आपका क्लीन प्राइस आ जाएगा, बस बात खत्म। तो इस क्वेश्चन में आप बस ये ध्यान रखना, क्लीन प्राइस जो होता है डर्टी प्राइस में से एक्रूड इंटरेस्ट माइनस कर दो क्लीन प्राइस आएगा, और क्लीन प्राइस प्लस एक्रूड इंटरेस्ट डर्टी प्राइस होता है। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी मैंने फटाफट कराया, मैं एग्री करता हूँ समझ में आया ही नहीं है मुझे बता दीजिए, मैंने थोड़ा स्पीड में कराया, फटाफट ही कराया मैंने, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। चलो बहुत बढ़िया विश्वास जी, कॉन्फिडेंस आ रहा, तो कॉन्वेक्सिटी समझ नहीं आता मुझे, अभी आ जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। तो अब यहाँ पर ये सब सारे क्वेश्चन तो आराम से ऐसे संभालोगे, सिंपल क्वेश्चन है, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वही मैं अभी आपको करवाना प्रेफर करूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 33 एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप सेल्फ कर लीजिएगा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आप सेल्फ कर लीजिएगा। अभी हम बात करेंगे बॉन्ड रिफंडिंग डिसीजन की। देखो बॉन्ड रिफंडिंग डिसीजन में बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारा 300 मिलियन का लोन था, इसी क्वेश्चन से आ जाएगा सर इंटरेस्ट एक्रूड 4 months का होगा, नहीं होगा, 1 जनवरी से 1 मार्च तक, क्योंकि आपको इंटरेस्ट लास्ट कब मिला था, 31 दिसंबर को, अभी चल रहा है 1 मार्च, तो 2 महीने के तो इंटरेस्ट एक्रू हुआ है, 2 महीने का तो इंटरेस्ट एक्रू हुआ है जनवरी और फरवरी का। अब मार्च से लेके जून मत देखिए, लास्ट आपको जब मिला इंटरेस्ट वहां से लेके अभी तक कितना टाइम बीता है, 2 महीना, तो 2 महीने का इंटरेस्ट एक्रू होगा। आकाश जी आप गलत बोल रहे हो, आंसर सही है, 2 महीने का एक्रूड इंटरेस्ट।
तो आप देखिए बॉन्ड रिफंडिंग टैक्सेशन हम क्वेश्चन नंबर 46 हम करेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है, अभी मैंने एमटीपी में भी देखा था ऐसा क्वेश्चन। दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन अच्छे से करा दूंगा, दूसरे में आपको ओवरलैपिंग वाला बात बता दूंगा मैं आपको। तो आप देखिए हाँ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा बाद में। आप देखो 300 मिलियन का मेरा लोन था, 12% में इंटरेस्ट भर रहा हूँ और अभी 6 ईयर्स और इसको मैच्योरिटी, यानी आने वाले 6 साल तक भी मैं 12% इंटरेस्ट भरूंगा। लेकिन आपको पता है मार्केट में इसका इंटरेस्ट रेट गिर गया, मार्केट में इसका इंटरेस्ट रेट अब 10% चल रहा है, पर मैं पागल होकर रखा, मुझे तो 12% भरना है। तो मैंने क्या सोचा, ये ओल्ड बॉन्ड को रिफंड कर देता हूँ, नया बॉन्ड से पैसे उठा लेता हूँ 10%। तो अब रिफंड करने पर आपका ट्रांजेक्शन कॉस्ट वगैरह वगैरह भी खर्चा होना है, तो हमें ये देखना है कि वायबल है या नहीं ये बॉन्ड को रिफंड कराना, यानी पुराना बॉन्ड को रिफंड करा देना और नया बॉन्ड को इशू कराना वायबल है या नहीं। तो आप देखिए एबीसी क्या सोच रहा है कि वो रिफंड करा देगा 300 मिलियन का बॉन्ड को बाय इशू विद 3 मिलियन बॉन्ड 6 इयर्स की मैच्योरिटी का 10% में नया से इशू कर देगा। तो 300 मिलियन ये बॉन्ड पैसे उठा लेगा मार्केट से, किस रेट पे 10% में उठा लेगा और 12% वाले को रिफंड कर देगा। यहाँ पर इससे क्या होगा, आने वाले 6 साल तक इसका इंटरेस्ट में फायदा होगा, 2% का इंटरेस्ट सेविंग होगा। हम यहाँ पर सारा इंक्रीमेंटल चीज देखेंगे कि क्या इंक्रीमेंटल खर्चा लगेगा, क्या इंक्रीमेंटल फायदा होगा हमारा। तो पहला फायदा तो मुझे ये नजर आया कि 12% की जगह मेरा 10% इंटरेस्ट का खर्चा लगेगा। अब इशू कॉस्ट मेरा लग जाएगा नया बॉन्ड में 6 मिलियन। ध्यान रहे इशू कॉस्ट में जो भी टैक्स सेविंग मिलेगा वो रिमेनिंग मैच्योरिटी में मिलेगा, नया बॉन्ड का इशू कॉस्ट है तो पुराना बॉन्ड का जो भी इशू कॉस्ट है वो तुरंत मैच्योर हो जाएगा क्योंकि पुराना बॉन्ड हमने मैच्योर कर दिया। तो नया बॉन्ड का जो 6 मिलियन का इशू का खर्चा है वो आपका क्या होगा, वो उस पर टैक्स सेविंग आपको तोड़ तोड़ के मिलेगा। अब देखिए आगे कॉल प्रीमियम भी लग रहा हमारा 4%, यानी कहने का मतलब पता है हम जब रिफंड कराएंगे तो 300 × 1.04 हमें 312 देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि रिफंड ही नहीं लेंगे वो लोग, हम रिफंड कराने के लिए इंड्यूस करें, लालच दे रहे 4% का प्रीमियम दे रहे, तो 312 हम पैसा देंगे। हम कितना पैसा देंगे, मैं सीधा आईसीए का आंसर यहाँ पर देखता हूँ। ये देखो आप, हम 312 का पैसा देंगे बट हमें 300 ही मिलेगा, तो हमारा तो 12 का कॉल प्रीमियम खर्चा लग गया ना। अब खर्चे में टैक्स सेविंग मिलता है, ये खर्चा ओल्ड बॉन्ड से रिलेटेड है, ओल्ड बॉन्ड को रिफंड कराने का खर्चा ही है ना, प्रीमियम उस पे दिया ओल्ड बॉन्ड पे, इसका टैक्स सेविंग तुरंत मिल जाएगा। तो आप देखिए 12 का देखो 300 मेरा नया पैसा आया, पुराना 312 चुकाया, मेरे 12 का एक्स्ट्रा लग रहा है मतलब ये कॉल प्रीमियम, और इस पे मुझे टैक्स सेविंग भी 12 का 30% 3.6 आज ही मिल जाएगा। अब मेरा साथ साथ नया इशू कॉस्ट लगा, नया बॉन्ड का इशू कॉस्ट कितना लगा, 6 मिलियन लगा, तो 6 मिलियन मेरा जीरो ईयर में लग रहा है, जीरो ईयर में मेरा 6 मिलियन लग रहा है, इस पे मुझे 30% यानी 1.8 का टैक्स सेविंग मिलेगा, पर ये तोड़ तोड़ के रिमेनिंग ईयर्स में मिलेगा, 6 सालों में मिलेगा, मतलब 0.3 करके मुझे टैक्स सेविंग 6 सालों में मिलेगा मुझे, डन। इसके बाद एक और चीज यहाँ पर है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या पता, यहाँ पर ये लाइन 9 मिलियन बिंग द अनएमोटाइज पोर्शन ऑफ इशू कॉस्ट ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स कैन बी रिटर्न ऑफ नो सूनर द ओल्ड बॉन्ड्स आर कॉल्ड ऑफ। मतलब आपको पता है आपका पुराना जो बॉन्ड था ना उसमें 9 मिलियन का जो पुराना इशू कॉस्ट वगैरह था वो अभी तक एमोटाइज नहीं हुआ, मतलब इसका टैक्स सेविंग आपने अभी तक लिया नहीं है। तो 9 का 30% टैक्स सेविंग, 2.7 आपने अभी तक लिया नहीं, ये 2.7 आपको अगर आप बॉन्ड को रिफंड नहीं कराते तो आपको मिलता, यस मिलता और अभी भी मिलेगा। फर्क क्या, अगर बॉन्ड को रिफंड नहीं कराते तो ये 2.7 6 सालों में तोड़ तोड़ के मिलता 0.45 6 सालों में, लेकिन जबकि हम रिफंड करवा दे रहे तो पुराना बॉन्ड मैच्योर हो जा रहा है तो ये आपको एक साथ इकट्ठा आज ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर डिफरेंस ये आ रहा है कि आपको जो 0.45 करके आपको हर साल मिलता ना, 0.45 करके आपको हर साल मिलता, अब ये हर साल नहीं मिलेगा, मतलब माइनस हो गया, हर साल नहीं मिलेगा क्योंकि आपको इकट्ठा आज ही मिल जाएगा। ये आपको एक प्रकार से फायदा है, जो फ्यूचर में मिलता तोड़ तोड़ के वो आपको आज ही मिल जाएगा। तो फ्यूचर में बोलेंगे नहीं मिलेगा, ब्रैकेट में डालो और आज ही पूरा का पूरा मिल जाएगा, ये फायदा है। ये ओल्ड बॉन्ड से रिलेटेड है, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया एकदम अच्छे से, ठीक है, डन। इसके बाद आपका इंटरेस्ट सेविंग कितना हो रहा है, आप बोलो सर इंटरेस्ट सेविंग हमारा 12% की जगह 10% 2% हो रहा है, पर मैं बता दूं नेट ऑफ टैक्स 2% नहीं हो रहा है, 30% टैक्स रेट है, तो नेट ऑफ टैक्स आपका 1.4% होगा। 300 मिलियन का 1.4% आई थिंक कितना होगा, 4.2 होगा क्या, यस 4.2, मैंने अलग अलग तोड़ के लिखा, मैंने देखा 300 का 2% पहले लिखा और टैक्स सेविंग अलग से दिखाया, आप अलग से नहीं दिखा के सीधा भी दिखा सकते हो कि 4.2 का आपका सेविंग होगा हर साल। तो आपको इससे पता चल गया, आपको सिनेरियो पता चल गया कि जीरो टियर में मेरा सब कुछ मिला के 12 मिलियन का कॉल प्रीमियम लग रहा है, टैक्स सेविंग इतना मिलेगा, इशू कॉस्ट मेरा लग रहा है, यहाँ पर आपको 2.7 मिल रहा है, यानी अल्टीमेटली 11.7 आपका इनिशियल आउटले हो रहा है और हर साल आपका इतना नेट टैक्स सेविंग हो रहा है।
एक तो नया बॉन्ड में इशू कॉस्ट का टैक्स सेविंग हो रहा है, एक ये आपको मिलेगा नहीं, और आपका एक इंटरेस्ट सेविंग 4.2 का हो रहा है। ऐसे करके आपका ये इन्फॉर्मेशन आपका आ जाएगा, जिसको प्रेजेंट वैल्यू में सारे कैश फ्लो को खींचोगे तो सेविंग सारा 19.30। इनिशियल आउटले भले 11.7 है, लेकिन जो फ्यूचर की सेविंग है उसका प्रेजेंट वैल्यू आ रहा 19.3, इन्हें नेट बेनिफिट 7.6 का आ रहा है। इसको प्रेजेंटेशन आप इस प्रकार आराम से दे सकते हो, एग्जाम में प्रेजेंटेशन आपको मार्क्स मिलेंगे। आईसीए का प्रेजेंटेशन देखोगे तो उसमें आपको उतना अच्छे से क्लैरिटी नहीं मिलेगी। आप ऐसा कर सकते हो, लास्ट में आप ऐसे प्रेजेंटेशन दिखा देना कि फ्यूचर सेविंग रिफंडिंग की वजह से इतना हो रहा है उसका प्रेजेंट वैल्यू। इनिशियल आउटले हमारा 11.7 है, मतलब नेट आपका बेनिफिट 7.6 का, मतलब बॉन्ड्स को आप रिफंड करा दीजिए, आपका फायदा ही हो रहा है। एक बार आप फिर से बोलोगे रिपीट कराना, मैं करा दूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ हो क्या रहा है। एक तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर इसके जगह पे, हमारा इंटरेस्ट सेविंग हर साल 4.2 का हो रहा है, 300 का 1.4% नेट ऑफ टैक्स, तो 4.2 का आपका हर साल सेविंग हो रहा है, ये आपको पता चला। फिर आपको मैं बता देता हूँ, इनिशियली 300 आपने पैसे उठाए, 312 दिए, तो 12 का आपका एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा है, उस पर आपको टैक्स सेविंग भी आज ही मिल जाएगा ओल्ड बॉन्ड से रिलेटेड। नया इशू कॉस्ट लगा, आज ही पैसे लग गए, पर इसका टैक्स सेविंग 1.8 तोड़ के मिलेगा। अब पुराना ओल्ड बॉन्ड का इशू कॉस्ट आपको फ्यूचर में जो मिलता फ्यूचर में नहीं मिलेगा, इसलिए फ्यूचर में माइनस करोगे, आज ही पूरा का पूरा मिल जाएगा 2.0। तो यही तो सिर्फ मैंने लिखा है, इतना लिखा और मैंने सारे फ्यूचर सेविंग को प्रेजेंट वैल्यू में खींचा, नेट बेनिफिट मैंने बता दिया, बस डेट्स ऑल, ये हो गया क्वेश्चन आराम से। तो यहाँ पर अब किसी को भी रिवीजन करने में अगर परेशानी आ रही है तो आप मुझे बताइए, मेरे साथ इतना फटाफट आप कर पा रहे हो तो आपका आराम से रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम यही क्वेश्चन है, यहाँ पर भी सेम एक क्वेश्चन है, बस एक यहाँ पर एक फर्क क्या आ रहा है पता है, कि आपका 2 महीने का ओवरलैपिंग इंटरेस्ट लग रहा है, बाकी क्वेश्चन सेम है, आप खुद से कर लेना। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ, नया एक्स्ट्रा से लाइन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इन्होंने वही रिफंडिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पर इन्होंने ये बोला आपका ओवरलैपिंग इंटरेस्ट लग रहा है। जैसे रेंट लग जाता है ना, कभी कभी हम घर पुराना घर खाली करके नए घर में जाते हैं तो पुराना घर का सारा सामान खाली करने में समय लगने की वजह से 1 महीने का रेंट दोनों जगह में भर देते हैं। वैसे यहाँ पर ये हुआ कि इनका 2 महीने का हमने नया बॉन्ड स्टार्ट कर दिया है, पर पुराना बॉन्ड को मैच्योर करने के चक्कर में, रिफंड करने के चक्कर में पुराना बॉन्ड का एक्स्ट्रा 2 महीने का पैसा लग जा रहा है। नया बॉन्ड का पीरियड स्टार्ट कर दिया पर पुराना बॉन्ड का 2 महीने का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट का खर्चा लग गया, तो वो जो 2 महीने का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट का खर्चा लग गया वो भी आपका दिखाना आपको। अब 2 महीने का 0-13 में दिखा देना, तो 2 महीने का इंटरेस्ट का खर्चा कितना लगेगा, पुराना रेट पे लगेगा 14%, पुराना बॉन्ड का पुराना रेट पे लगेगा, तो 3 करोड़ का 14% इंटरेस्ट का खर्चा, 0.42 करोड़ आपका इंटरेस्ट का खर्चा लग गया। नेट ऑफ टैक्स अगर हम बोले 40% टैक्स रेट है तो आपका 0.252 आ रहा है क्या, 40% ही तो, हाँ, तो 0.252 आपका नेट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट का खर्चा आपका एक्स्ट्रा लग जाएगा 2 महीने का, है ना। तो ये जो 2 महीने का लगा ये सही है ना, एक बार रुक जाओ, 3 करोड़ का 14% का 14% और इंटू 0.6, यस 25,20,000, 25,20,000 मेरा एक्स्ट्रा से मैं दिखाऊंगा, रुक जाओगा, ये देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये नेट करने से 4,20,000 आएगा। क्या रिकनेक्ट सक्सेसफुल आपका रुक गया है क्या, लैग हुआ क्या, ये थोड़ा सा लैग हुआ, मैं लैग हुआ टेंशन की बात नहीं, मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, मैंने ये बोला ये ओवरलैपिंग इंटरेस्ट आपका 2 महीने का एक्स्ट्रा लग रहा है पुराने बॉन्ड पे, है ना, 3 करोड़ का 14% इंटू 2/12 2 महीने का, इंटू 0.6 करना मत भूलना नेट ऑफ टैक्स, तो 4,20,000 आपका एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा जो 0-13 में आएगा। बाकी सब कुछ सेम तरीके से आप करोगे आपका आराम से हो जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं यहाँ पर, ये क्वेश्चन आप बाद में खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आराम से हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं रिडीमेबल ई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की, फीड में जा रहा हूँ, सही है ना, जाना ही पड़ेगा, उपाय क्या हमारे पास, कोई दूसरा रास्ता है तो बता दीजिए, है ना। और डिटेल वाला मैंने ऑलरेडी बताया, डिटेल वाला वीडियो ऑलरेडी है मैराथन में, वो अलग से पड़ा हुआ रहेगा, उसको देखना उसको देख लीजिएगा, अभी तो मैं फास्ट ही करूंगा ये मानते हुए कि आपको आता है, आप बस मेरे साथ रिकॉल करो चीज़ों को। तो रिडीमेबल ई रिडीमेबल में क्या होता है, देखिए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो रहता है ना, वो मान लीजिए उसका पीरियड रहता है 3 साल में रिडीम हो जाएगा, तो 3 साल का कैश फ्लो 3 साल का डिविडेंड को प्रेजेंट वैल्यू में खींचो और रिडेम्पशन अमाउंट को खींचेंगे। लेकिन ई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में इनडेफिनेट पीरियड रहता है, तो प्रेफरेंस शेयर्स में चेक करना होगा रिडीमेबल की इरिडीमेबल है, रिडीमेबल है तो लिमिटेड पीरियड होगा, सभी कैश फ्लो को खींच दो, और ई रिडीमेबल है तो आपको पूरा कैपिटलाइज करना पड़ेगा क्योंकि वो जिंदगी भर तक चलेगा। इसलिए देखिए 100 जिंदगी भर तक आपको डिविडेंड मिलेगा, उसको कैपिटलाइज किया हमने यहाँ पर, तो रिडीमेबल में कैपिटलाइज नहीं होता, ई रिडीमेबल में आपका कैपिटलाइज होता है, बस बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 41 आप सेल्फ करना, ठीक है अभी नहीं कराऊंगा, ये हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन।
एक बार गो थ्रू करोगे हो जाएगा ना, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो करा रहा हूँ मैं यहाँ पर। अब मैं आपको कराऊंगा कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट कंसेप्ट कराऊंगा, एक क्वेश्चन कराऊंगा उससे पूरा कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट आपको रिवाइज हो जाएगा। क्वेश्चन में 55 से कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा। और इसके बाद हमें क्या करना है, कन्वेक्सिटी करना है इसके, इसके बाद कन्वेक्सिटी कराऊंगा और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कराऊंगा। पहले कन्वेक्सिटी करा दूंगा फिर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट करा दूंगा। तो चलिए पहले कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट हम देखते हैं, बहुत ही सिंपल है कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट, लोग ऐसे टेंशन लेते पता नहीं क्यों लेते। तो अब देखिए यहां पर आप देखिए क्वेश्चन में 54 अगर हम देखें यहां पर ये क्या है, फुल्ली कन्वर्टिबल बॉन्ड है, मतलब ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू शेयर्स। फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड है 1000 रुपीज का, कूपन है, इंटरेस्ट रेट है 8.5%, रिमेनिंग टाइम टू मैच्योरिटी 3 ईयर्स का, इंटरेस्ट पेमेंट एनुअली होगा, प्रिंसिपल रीपेमेंट एंड में मिलेगा, कन्वर्सन रेशियो दिया हुआ यानी एक बॉन्ड 25 शेयर में कन्वर्ट होगा, करेंट मार्केट प्राइस 45 है शेयर का और मार्केट प्राइस कन्वर्टिबल बॉन्ड का 1175 है। पूछा स्ट्रेट वैल्यू, पूछा स्ट्रेट वैल्यू मतलब प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू मतलब क्या करोगे, पीवी फैक्टर आपको दिया हुआ देखिए, तो जो कैश फ्लो है आपको उसके पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना एग्जाम में। हालांकि मैंने सॉल्यूशन डायरेक्ट किया कैलकुलेटर में, पर आपको मैं बता दूं पीवी फैक्टर दिया हुआ तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कूपन क्या आएगा, 1000 है 8.5% नहीं 85 और 1000 आएगा, तो ये 85 को मल्टीप्लाई करना, इसको इस 85 को इससे मल्टीप्लाई करना, 1085 को इससे मल्टीप्लाई करना, जो आपका स्ट्रेट वैल्यू बॉन्ड आएगा वो ये आएगा। पर यहाँ पर कुछ अलग आ सकता है, चलो हमने एक बार मान लिया ये स्ट्रेट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड है, आप पी फैक्टर का इस्तेमाल करना तो आपका 1974.96 स्ट्रेट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड आ गया। अब कन्वर्सन वैल्यू ऑफ द बॉन्ड क्या होगा, अब देखिए एक बॉन्ड आपका 25 शेयर में कन्वर्ट होगा और एक शेयर की मार्केट प्राइस है 45, तो कन्वर्सन वैल्यू क्या होगा, 45 × 25 मतलब प्राइस ऑफ शेयर इंटू कन्वर्सन रेशियो, है ना, ये तो प्रैक्टिकली छोड़िए, आप फॉर्मूला याद करना चाहते हो क्या, बताओ तो करा दूंगा यार, बेकार का फॉर्मूला याद करना ही नहीं है। आप लॉजिकली सोचिए कि आपका मार्केट प्राइस 45 है और 25 शेयर्स मिलेंगे आपको, तो एक बॉन्ड की कन्वर्सन वैल्यू क्या होगी अगर वो शेयर में कन्वर्ट होगा, तो 25 × 45 बात खत्म। कन्वर्सन प्रीमियम क्या होगा, अब आप देखिए यहाँ पर 25 × 45 कितना आ गया, 1125 आ रहा है। अब मेरी बात सुनो, 1125 का आपको शेयर का वैल्यू मिलेगा, उसके बदले आप कुर्बान क्या करोगे, अपने बॉन्ड को कुर्बान करोगे, बॉन्ड को कुर्बान करोगे, बॉन्ड की प्राइस कितना 1175, मतलब आप 1175 कंसीडरेशन दे रहे हो, तो आप मुझे बताइए प्रीमियम कितना दे रहे हो, मुझे बता सकते हैं, आपको सोचिए 1125 का शेयर मिलेगा मुझे और बदले में मैं पैसा नहीं दे रहा हूँ, मैं बदले में बॉन्ड दे रहा हूँ जिसकी वैल्यू है 1175, मतलब 1175 में पैसा दे रहा हूँ, मतलब मैं प्रीमियम कितना दे रहा हूँ, मैं ज्यादा पैसा दे रहा हूँ ना, सामान मिल रहा है 1125 का और पैसा दे रहा हूँ 1175 का बॉन्ड दे रहा हूँ कन्वर्सन करते समय, तो मैं 50 रुपीज एक्स्ट्रा प्रीमियम दे रहा हूँ, ये 50 रुपीज जो मैं एक्स्ट्रा प्रीमियम दे रहा हूँ किसके ऊपर दे रहा हूँ, 1175 के ऊपर की 1125 के ऊपर, ऐसे कई बार गड़बड़ी करते आप मत करो, आप बताइए ये 50 रुपीज प्रीमियम मैं किसके ऊपर दे रहा हूँ, 1125 ओरिजिनल प्राइस कितना शेयर का 1125 है, तो 1125 के ऊपर मैं प्रीमियम दे रहा हूँ, तो कन्वर्सन प्रीमियम का परसेंटेज आप वैल्यू और परसेंटेज दोनों बता देना, कन्वर्सन प्रीमियम 50 है और परसेंटेज क्या होगा 50 हम दे रहे हैं 1125 के ऊपर, है ना, शेयर का प्राइस जो हमें मिल रहा है क्योंकि 1175 तो कंसीडरेशन है, 1125 के ऊपर ही तो 50 दे रहे हैं और प्रीमियम दे रहे हैं, मतलब आप सिंपल सी बात समझिए, प्रीमियम मतलब छोटा के ऊपर ही तो पड़ेगा, तो प्रीमियम वर्ड आने का मतलब ही पता चला कि छोटा वाला लेना है क्योंकि 1125 से 1175 हो रहा है, यानी 50 दे रहे हैं 1125 के ऊपर, तो आपका 4.44% आ जाएगा कन्वर्सन प्रीमियम हमारा आ चुका। अच्छा ये क्वेश्चन कराना नहीं था, दूसरा क्वेश्चन था, चलो ये भी आपका हो जा रहा है, एक और क्वेश्चन कराना पड़ेगा आगे, परसेंटेज ऑफ डाउनसाइड रिस्क। अब मुझे बताइए आपको पता है इसके स्ट्रेट वैल्यू तो 974.96 ही है प्रेजेंट वैल्यू, पर इसकी मार्केट प्राइस 1175 क्यों हो रही है पता है, क्योंकि इसमें शेयर का फ्यूचर अटैच है, जैसे जैसे शेयर का दाम बढ़ेगा ना वैसे वैसे आपका कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट का दाम बढ़ रहा है, लेकिन कल को अगर शेयर जीरो हो जाएगा तो कोई मुझे बता सकता है बॉन्ड का प्राइस कितना होगा, बॉन्ड का प्राइस भी गिरेगा लेकिन बॉन्ड का प्राइस जीरो नहीं होगा, फिर बॉन्ड का प्राइस इक्विवेलेंट टू स्ट्रेट वैल्यू बॉन्ड होगा, तो यहाँ पर डाउनसाइड रिस्क कितना है, आपका जो 1175 करेंट मार्केट प्राइस है गिर के ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेट वैल्यू में आएगा, तो इसकी गिरने की चांस कितना है, 1175 से गिरेगा 974.96, यानी इतना ही गिरेगा, कहाँ से गिरेगा 1175 से गिरेगा, बात खत्म, गिर तो कहाँ से, मतलब डाउनसाइड मतलब बड़ा से नीचे हो रहा है ना, तो 1175 से गिरेगा इंटू 100 आपका परसेंटेज ऑफ डाउनसाइड रिस्क आ गया। अब कन्वर्सन पैरिटी प्राइस का मतलब सिंपल सी बात है कि शेयर का प्राइस ऐसा क्या हो कि हमारा पैरिटी रहे प्रीमियम ना है, तो आप एक काम कर लो, जो बॉन्ड की प्राइस है
डिवाइडेड बाय कन्वर्सन रेशियो कर दीजिए, पैरिटी प्राइस आ जाएगा। मतलब शेयर का प्राइस 47 अगर होगा तो हमारा कोई प्रीमियम का नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका सिंपल सी बात है, कन्वर्सन पैरिटी प्राइस में आप क्या बोलोगे, बॉन्ड का प्राइस हमारा उतना हमें मिले, यानी 1175 को कन्वर्सन रेशियो से डिवाइड कीजिए, आपका कन्वर्सन पैरिटी प्राइस आ जाएगा, बात खत्म। ये क्वेश्चन मुझे कराना था, मैंने गलती से वो करा दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये भी क्वेश्चन फटाफट करा दे तो 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा और क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा है ना, उससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। तो आप देखिए यहाँ पर भी 8.5% है, 1000 है, यानी 85 का कूपन होगा। कितने साल तक होगा आपका, मैच्योरिटी पीरियड नहीं दिया हुआ मेरे भाई नहीं दिया हुआ, चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कन्वर्सन वैल्यू पूछा हमसे, तो एक कन्वर्सन रेशियो 30 है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर है 25, तो 25 × 30 है ना, यानी 750 आपका कन्वर्सन वैल्यू हो गया, बात खत्म। मार्केट कन्वर्सन प्राइस मतलब कन्वर्सन पैरिटी प्राइस पूछ रहा है, मतलब मार्केट कन्वर्सन प्राइस कितना होना चाहिए। तो आपको ये याद कर लेना है, कन्वर्सन पैरिटी प्राइस, मार्केट कन्वर्सन प्राइस एक ही मतलब, ये आप याद कर लीजिए है ना, मार्केट कन्वर्सन प्राइस मतलब कन्वर्सन पैरिटी प्राइस क्या होना चाहिए, कन्वर्सन पैरिटी प्राइस 900 मार्केट प्राइस है डिवाइड बाय कन्वर्सन रेशियो 30 होना चाहिए। तो कन्वर्सन पैरिटी प्राइस यानी मार्केट कन्वर्सन प्राइस 30 होना, फिर कन्वर्सन प्रीमियम कितना दे रहे हैं, तो आप मेरी बात सिंपल सी बात समझो। यहाँ पर आप देखो हमें 750 का शेयर मिलेगा, हम तो कुर्बान करेंगे 900 का डिबेंचर, 750 का कन्वर्सन वैल्यू ऑफ शेयर मिलेगा, हम कुर्बान करेंगे 900 का, यानी 150 हम दे रहे हैं प्रीमियम इसके ऊपर, 750 के ऊपर × 100, यानी हम 20% प्रीमियम दे रहे हैं। और इन्होंने कन्वर्सन प्रीमियम पर शेयर पूछा है, तो हम बोलेंगे 150, देखो वैल्यू वाइज 150 का प्रीमियम दे रहे हो और टोटल 30 शेयर मिलेंगे, यानी 5 रुपीज, तो टोटल कन्वर्सन प्रीमियम कितना दे रहे हो, 150 दे रहे हो, और एक शेयर का बोलेंगे तो 150 डिवाइड बाय 30 कर दीजिए, आपका आ गया रेशियो ऑफ कन्वर्सन प्रीमियम, ये परसेंटेज ही हो गया, रेशियो मतलब परसेंटेज ही, जो मैंने 20% निकाला। अब प्रीमियम ओवर स्ट्रेट वैल्यू, स्ट्रेट वैल्यू के ऊपर प्रीमियम क्या है, तो स्ट्रेट वैल्यू कितना है आपका, स्ट्रेट वैल्यू दिया हुआ है कि ये 700 और मार्केट प्राइस 900 है, तो स्ट्रेट वैल्यू के ऊपर कितना प्रीमियम में चल रहा है, मार्केट प्राइस 200 ऊपर चल रहा है, 200 × 700 × 100 देख के पता चल रहा है क्वेश्चन से, 200 × 700 × 100 यानी स्ट्रेट वैल्यू के ऊपर कितना प्राइस चल रहा है, 200 चल रहा है, कहाँ से 700 के ऊपर, परसेंटेज आ गया आपका। फिर आपका आगे क्या है, प्रीमियम निकाल दिया, फिर ये दोनों में ध्यान रखना, फेवरेबल इनकम डिफरेंशियल परसेंट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आप इसको बॉन्ड में रहने दोगे आप 85 रुपीज कमाओगे, अगर इसको कन्वर्ट नहीं कराओगे आप 85 रुपीज कमाओगे, लेकिन अगर इसको आप कन्वर्ट कर दोगे तो आपको 1 रुपये ही डिविडेंड मिलेगा और टोटल आपको 30 शेयर मिलेगा, मतलब शेयर रखोगे तो 30 रुपीज मिलेगा, 30 कन्वर्सन रेशियो है, 1 रुपी पर शेयर डिविडेंड मिलेगा, 30 रुपीज नहीं मिलेगा, लेकिन बॉन्ड रखा तो ज्यादा फायदा है ना, तो बॉन्ड रखने पर 85 कमाएंगे, शेयर पे तो 30 कमाएंगे, तो कितना एक्स्ट्रा कमाएंगे, 55 रुपीज एक्स्ट्रा कमाएंगे, और पर शेयर कितना एक्स्ट्रा, 55/30, तो फेवरेबल इनकम डिफरेंशियल कितना, पर बॉन्ड रखे तो फेवरेबल है 55 रुपीज पर शेयर पूछेगा, तो डिवाइड बाय 30 कर देना, 55 / 30 आपका कितना आएगा, 1.833 आ जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया, लॉजिकली याद करना तो फिर आपके ऊपर, लॉजिकली समझ में आ गया। प्रीमियम पे बैक पीरियड, तुम ये बोलेंगे जो प्रीमियम एक्स्ट्रा से है ना फेवरेबल, इसको कमाना पड़ेगा ना, कितना टाइम होल्ड करें, प्रीमियम पे बैक पीरियड मतलब बॉन्ड को कितना टाइम होल्ड करो कि ये जो आपका प्रीमियम है वो रिकवरी हो जाए। तो आप देखिए 150 का प्रीमियम दे रहा हूँ, 150 का प्रीमियम दे रहा हूँ, अगर हम बॉन्ड को एक साल होल्ड करते तो एक्स्ट्रा 55 कमाते। मैं बस इसको लॉजिक के हिसाब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप यहां पर अगर आप चाहो तो याद भी कर सकते हो। प्रीमियम पे बैक पीरियड में आप फॉर्मूला लिख दीजिएगा, प्रीमियम टोटल प्रीमियम डिवाइडेड बाय फेवरेबल इनकम डिफरेंशियल, टोटल प्रीमियम डिवाइड बाय फेवरेबल इनकम डिफरेंशियल भी आप रख सकते हो। पर मैं लॉजिक ये देना चाहता हूँ कि 150 हम प्रीमियम भरेंगे और एक साल अगर हम रखेंगे बॉन्ड को तो फेवरेबल इनकम हमारा आ रहा 55 का, तो कितना साल रखिए पे बैक आपका 150/55 यानी 2.7। तो ये प्रीमियम पे बैक पीरियड आप ध्यान रखना, याद करना तो याद कर लो, प्रीमियम डिवाइडेड बाय फेवरेबल इनकम डिफरेंस है, और लॉजिक तो लॉजिक एकदम से, ये प्रीमियम आपका 150 और एक साल में हम 55 रुपीज बचा रहे, इतना टाइम पीरियड हमें वेट करना चाहिए, दैट इज प्रीमियम पे बैक पीरियड, बात खत्म। और आपका इनकम डिफरेंशियल तो आपने निकाल ही लिया, पर से मतलब डिवाइड बाय आप कर दो नंबर ऑफ रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मैं आपको कराऊंगा नहीं, बस मैं आपको इतना बता देता हूँ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होगा, EBIT पे इंटरेस्ट एक्सपेंस, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पुराना पीएम में क्वेश्चन आपके मटेरियल में नहीं है जहां तक मुझे याद है, और आपका इसका बस ये रखो, और अगर आप चाहो तो ये क्वेश्चन कर लीजिए। तो इसी के साथ मैंने ये सारा पार्ट तो आपको मैंने करा दिया, अभी मुझे आपको क्या कराना पता है, मुझे अभी आपको करवाना है बॉन्ड इम्यूनाइजेशन, कॉन्वेक्सिटी,
चलो पहले इम्यूनाइजेशन ऑफ बॉन्ड कराता हूँ। हालांकि इम्यूनाइजेशन ऑफ बॉन्ड पढ़ाने के लिए बहुत समय लगता है, और इम्यूनाइजेशन ऑफ बॉन्ड का लॉजिक अभी देने वाला हूँ भी नहीं, क्योंकि वो पॉसिबल भी नहीं है, है ना, टाइम उतना है नहीं। अभी मैं एग्जाम ओरिएंटेड आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज इसका पीछे का बैकग्राउंड बहुत बड़ा है, तो वो अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते। मैं सीधा एग्जाम ओरिएंटेड आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम में इम्यूनाइजेशन ऑफ बॉन्ड का क्वेश्चन आएगा, कैसे संभालोगे। इम्यूनाइजेशन ऑफ बॉन्ड का मतलब ये है कि आपको अलग अलग बॉन्ड में आप पैसे लगाइए, क्योंकि मान लीजिए आप जितना पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उतना पीरियड का मान लीजिए या तो बॉन्ड नहीं होगा, और या फिर मान लीजिए आपका मतलब जो आप छोड़ो उसमें नहीं जाते, वो नहीं जाते बेहतर रहेगा आपका। एग्जाम ओरिएंटेड करते वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा लंबा खींच जाएगा नहीं तो। अभी अब यहाँ पर देखो 1 लाख रुपीज हमें चाहिए 2 साल के बाद। सबसे पहले ध्यान से सुना, मिस्टर ए को 1 लाख रुपीज चाहिए आफ्टर 2 ईयर्स, फॉर विच ही वांट्स टू मेक वन टाइम नेसेसरी इन्वेस्टमेंट। ये ऐसे चॉइस ऑफ टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड एक्स बॉन्ड वाई। बॉन्ड एक्स की मैच्योरिटी 1 साल, बॉन्ड वाई की मैच्योरिटी 4 साल बॉन्ड वाई की। और यूजुअली ये तभी होता है जब आपका मैच्योरिटी मान लीजिए 2 साल का नहीं मिल रहा है, 1 साल का मिल रहा है और 4 साल का मिल रहा है, तो इसका मिलन करा के हम कुछ ऐसा करते ताकि हमारा नुकसान ना हो, 2 साल के बाद हमें हमारा डिजायर पैसा मिल जाए। तो आप देखिए दोनों में अगर आप देखोगे यील्ड कितना है, 10% है। मतलब आप बॉन्ड में पैसे लगाओगे ये आपको यील्ड कमा के देगा 10% का। तो मुझे बता सकते हो आज हमें पैसा कितना लगाना चाहिए? अगर हमें 1 लाख रुपये 1 लाख रुपीज 2 साल के बाद चाहिए, यील्ड है 10%, तो 2 साल के बाद हमें 1 लाख चाहिए, तो आज हमें लगाना चाहिए कितना? 82644 क्या हमें आज लगाना चाहिए? यस भाई, है ना, मुझे बता दीजिए। और मैंने 0.826 का अगर पी फैक्टर लूँ तो 82600 मुझे आज लगाना चाहिए, मैंने पहले ये बता दिया। अब मुझे ये जानना है कि 82600 मुझे लगाना है कहाँ लगाना है। अब देखो बॉन्ड एक्स में भी लगाऊंगा ये मुझे 10% का इल्ड देगा, बॉन्ड वाई में भी लगाऊंगा ये मुझे 10% का इल्ड देगा। जाइए जेरी जी, कोई बात नहीं, आप जाइए आराम से, ठीक है, टाटा बाय बाय। चलो तो अब यहाँ पर आप देखिए बॉन्ड एक्स भी मुझे 10% इल्ड देगा, बॉन्ड वाई भी मुझे 10% इल्ड देगा। तो यहाँ पर हम आज लगाएंगे 82600, हम ये जानने एक्स में कितना लगाएंगे वाई में कितना लगाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना है? ड्यूरेशन पता करना है, हमें ड्यूरेशन पता करना है, और ड्यूरेशन के बेसिस में हम लगाएंगे। तो अब बॉन्ड एक्स में तो 1 साल की मैच्योरिटी है, एक ही कैश फ्लो मिलेगा 1 साल के बाद, उसके लिए आज हम लगाएंगे पैसा, तो इसकी ड्यूरेशन तो 1 साल ही होगी। बट यहाँ पर बॉन्ड वाई में आपको कूपन मिलेगा हर साल, और 4 साल तक मिलेगा, 4 साल के बाद प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा। तो बॉन्ड वाई का ड्यूरेशन निकालना पड़ेगा आपको। तो बॉन्ड एक्स का ड्यूरेशन 1 साल का 1 साल ही रहेगा, बॉन्ड वाई का ड्यूरेशन क्या होगा पता है? ये देखो ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड वाई, ईयर 1, 2, 3, 4 आपको बॉन्ड वाई में हर साल कूपन मिलेगा 8%, यानी 80 रुपीज आपको हर साल मिलेगा। लास्ट ईयर में आपको 1080 मिलेगा, तो ये आपको कूपन मिल गया, ठीक है। हम क्या करते हैं ड्यूरेशन निकालने के लिए, इसको पी फैक्टर से पुल करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू में लेके आते हैं, और इसका टोटल प्राइस आया इसको मल्टीप्लाई करते हैं मैच्योरिटी पीरियड से, प्रोडक्ट आ जाता आपका, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल प्राइस निकालेंगे, हमारा ड्यूरेशन आ गया। ये मैंने पहले आपको बता दिया था, अभी बस मैं फटाफट आपको करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर ड्यूरेशन आपका आ चुका है। तो बॉन्ड एक्स का ड्यूरेशन 1 साल है, बॉन्ड वाई का ड्यूरेशन 3.562 ईयर्स है। अब बहुत सिंपल है, अब आपका ड्यूरेशन क्या है? आपको चाहिए 2 ईयर्स। मतलब आप ये जानना चाहोगे कि इसमें कुछ वेट लगाए, इसमें कुछ वेट लगाए कि 2 ईयर्स का हमारा ड्यूरेशन बन जाए। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा पता है? हम मान लीजिए एक्स में पैसा लगाएंगे W इंटू 1 ईयर प्लस रिमेनिंग वेट क्या होगा 1 माइनस W, क्योंकि टोटल वेट 1 होता है, इंटू हम क्या करेंगे 3.562 ईयर्स लिखेंगे, और टोटल हमारा निकल के आ जाना चाहिए 2 ईयर्स। टोटल हमारा निकल के आ जाना चाहिए 2 ईयर्स। तो बात सिंपल सी इतनी, हमें एक इक्वेशन बनाना है जिसमें हमें ये पता करना है कि एक्स में कितना पैसा लगा है, वाई में कितना पैसा लगा है। नहीं पता तो W ले लिया, एक में W ले लिया, एक में 1 माइनस W ले लिया। W का ड्यूरेशन है 1 साल, और Y का 1 माइनस W का ड्यूरेशन है 3.562 ईयर्स, और हमें चाहिए हमारा डिजायर ड्यूरेशन है 2 ईयर्स। तो मैंने वही क्या इक्वेशन बनाया, 1 ईयर इंटू W 3.562 ईयर्स, 1 माइनस W इक्वल 2 ईयर्स। तो मेरा W और 1 माइनस W आ गया 61% और 39% मेरा आ चुका। तो ये वेट मेरा आ चुका, अब मुझे पता चल चुका है कि 82600 जो मैंने पैसा लगाना चाहिए आज की डेट में, वो पैसा मैं कैसे लगाऊंगा? इस रेशियो में लगाऊंगा, एक्स में लगाऊंगा 61% और वाई में लगाऊंगा 39%। तो आप देखिए 82600 का 61% इतना पैसा एक्स में लगाओगे, और इसका 39% पैसा इतना वाई में लगाओगे। अब एक्स का एक शेयर खरीदने का प्राइस कितना है? 972.73 है। तो इतना पैसा डिवाइड बाय 972.73 कर दीजिए, 52 बॉन्ड्स आएगा ग्रॉस राउंडेड ऑफ में। और इधर वाई का एक शेयर का एक बॉन्ड का पैसा है 936.52 प्राइस है,
तो आपको इतना पैसा लगाना है डिवाइड पे 936.52 कर दीजिए, आपको पता चल गया राउंडेड ऑफ में 34 बॉन्ड्स आपको खरीदना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए उसको 2 साल के लिए पैसा लगाना है तो 52 बॉन्ड्स और 34 बॉन्ड आपको इतना खरीदना चाहिए। पर एक में इसमें एक और बात है जो आपको नोट लिखना है, बॉन्ड एक्स 1 साल के बाद मैच्योर हो जाएगा, तो 1 साल के बाद आपको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जो पैसा है आपके पास 1 साल के बाद ही बॉन्ड एक्स मैच्योर हो जाएगा आपका, तो 2 साल का पीरियड है, तो आपको 1 साल के बाद जो पैसा मिलेगा ना बॉन्ड एक्स में वो फिर से री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 2 साल के हिसाब से हमने प्रेजेंट वैल्यू में खींचे। तो इस क्वेश्चन में आपको मैं बता रहा हूँ, याद ही करा रहा हूँ एग्जाम के लिए, अभी समझाने का तो समझा दिया, अभी याद ही करा रहा हूँ कि आप पहले ड्यूरेशन निकालोगे, एक्स का ड्यूरेशन तो 1 साल होगा, वाई का ड्यूरेशन आप निकाल लोगे आराम से, टेंशन की बात नहीं है। अब आप वेट लगाइए, अब ये बताइए कि इसमें कितना पैसा, इसमें कितना पैसा, टोटल आपको ड्यूरेशन 2 ईयर्स ही, वेट इंटू 1 ईयर, 1 माइनस वेट इंटू दिस इक्वल टू, इससे डब्ल्यू आ जाएगा, डब्ल्यू आते टेंशन फ्री खत्म। 1 लाख का प्रेजेंट वैल्यू 82,600 लगाना है, मतलब इसमें इतना पैसा लगाना है, डिवाइड बाय प्राइस कर दीजिए, नंबर ऑफ बॉन्ड आ गया, बस बात खत्म, क्वेश्चन खत्म, ये वाला खत्म। तो बॉन्ड इम्यूनाइजेशन भी मैंने आपको करा दिया। अब सिक्योरिटी वैल्यूएशन में मुझे सिर्फ आपको 2 ही टॉपिक कराना है, एक मुझे आपको कराना है कॉन्वेक्सिटी और एक मुझे आपको कराना है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। पहले मैं आपको ले चलता हूँ कॉन्वेक्सिटी की तरफ, मैंने एक्स्ट्रा सा सेपरेट वीडियो डाला हुआ भी है कॉन्वेक्सिटी का, ठीक है, मैं यहाँ पर भी फिर भी आपको करवा दे रहा हूँ, नोट्स मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, टेंशन की कोई बात नहीं। कॉन्वेक्सिटी में यहाँ पर आपको कराऊंगा, देखिए क्वेश्चन के साथ साथ आपका अपने ये क्वेश्चन को आप एग्जाम्पल समझिए, आपका क्वेश्चन के साथ साथ टॉपिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, इसी को आप एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए और आपका आराम से हो, क्वेश्चन के साथ साथ आपका हो जाएगा कॉन्वेक्सिटी। चलिए हम देखते हैं अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, ऐसे प्रैक्टिकली समझाने के लिए तो बहुत कुछ होता है, कॉन्वेक्स जैसे होता है, वो सारी चीज़ अभी हम बात नहीं करेंगे, अभी हम एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कस करेंगे, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए। तो इसके लिए मैं क्वेश्चन उठाता हूँ, आप देखो यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, फेस वैल्यू दिया हुआ 10,000, ठीक है, पार में रिडीम होगा, कूपन रेट 8.5%, 10,000 का 8.5% 850 रुपीज का कूपन होगा, 5 साल होता है, YTM आपका 10% दिया हुआ, बोला करेंट मार्केट प्राइस बताओ, निकाल लेंगे, मैक्यूलस जो ड्यूरेशन है वही मैक्यूलस ड्यूरेशन, ठीक है, वॉलेटिलिटी आपको ये सारा आता निकालना, ये क्या पहला तीनों आप नहीं निकाल सकते, ये सब आराम से निकाल सकते हो। यहाँ पर क्या करना है, कैश फ्लोस को देखिए, कैश फ्लोस को खींचेंगे हम, अगर पीवी फैक्टर दिया हुआ तो इसका इस्तेमाल करना एग्जाम में, मैंने हालांकि सीधा 10% से खींचा, ये आपका अलग आएगा, आप एग्जाम में पीवी फैक्टर दिया हुआ, आप एग्जाम में पीवी फैक्टर से ही खींचना, ठीक है। तो आप पीवी फैक्टर से खींचोगे, आपका प्राइस आ गया पहला वाला। अब ड्यूरेशन आपको निकालना आता है, कैश फ्लो आपका, इसका प्रेजेंट वैल्यू आया, इस पे आप ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट प्रोडक्ट डिवाइड बाय प्राइस करोगे, ड्यूरेशन आ जाएगा। वोलेटिलिटी क्या था, ड्यूरेशन बाय यील्ड का फैक्टर, ड्यूरेशन बाय 1 प्लस यील्ड, है ना, 1 प्लस YTM, तो वोलेटिलिटी आया ड्यूरेशन बाय 1 प्लस YTM, आपका ये आ गया, ये आ गया 3.865% आपका वोलेटिलिटी भी आपका आ चुका है। और यहाँ पर अब मैं बता दूं, यहाँ पर आपको वोलेटिलिटी एक और तरीके से भी निकलता है, वो आपको उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वही चीज के लिए कॉन्वेक्सिटी के लिए उसी चीज का इस्तेमाल करना पड़ता है। मतलब हम ये मानते हैं यहाँ पर, फॉर द पर्पस ऑफ कन्वेक्सिटी, आप एग्जाम में क्या करोगे, आप दो अलग अलग वैल्यू निकालोगे, एक वी प्लस निकालोगे, एक वी माइनस निकालोगे। कैसे निकालोगे मैं बताता हूँ, आप एक काम करना, YTM 10% ना, एक बार 2% से YTM को आप देखना, 2% से YTM को गिराने पर हमारा क्या प्राइस आता, और एक बार आप बोलना 2% से YTM को बढ़ाने पर हमारा क्या प्राइस, वो आपको निकालना है। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने एक बार YTM को 2% से गिराया, तो आपका YTM कितना हो जाएगा, 10% YTM था, 2% से गिराया, आपका YTM 8% है, तो 8% का आपको डेटा दिया हुआ है यहाँ पर, यस 8% का डेटा दिया हुआ, उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो एक बार मैंने 8% से गिरा के मैंने निकाला, प्राइस आ रहा है 10,200, और एक बार मैं YTM को 2% से बढ़ाऊंगा, तो 2% से बढ़ाएंगे तो YTM कितना होगा, 12% से भी आपका प्राइस आ जाएगा। तो जो बड़ा वाला प्राइस है उसको V प्लस बोलेंगे, जो छोटा वाला प्राइस है V माइनस। तो आप बोलो सर V प्लस V माइनस हमने कैसे निकाला, V प्लस V माइनस हमने कैसे निकाला, हम बोलेंगे YTM को 2% से गिराओगे तो प्राइस बड़ा वाला आएगा, वो V प्लस। YTM को 2% से बढ़ाओगे तो प्राइस गिरा हुआ आएगा, वो V माइनस है। तो V प्लस V माइनस हमने निकाल लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर V प्लस V माइनस निकाल लिया, अब यहाँ पर बाकी चेंज वगैरह समझाना को कोई सेंस नहीं बनता है। मैं सीधा आपको वोलेटिलिटी याद ही करा रहा हूँ, क्योंकि मतलब नहीं, टाइम बहुत खराब होगा हमारा समझाने जाऊंगा, तो आप अगर समझना चाहते हो तो मैं भी नहीं बताता हूँ, मतलब नहीं है। आप ये देखो, वोलेटिलिटी का मतलब ही कहीं होता है चेंज। चेंज कैसे पता चलेगा, आप देखो प्राइस, ओरिजिनल प्राइस क्या था, ये जो ओरिजिनल प्राइस है ना आपका 10% में, इसको हम वी जीरो बोलते हैं, ओरिजिनल जी वी जीरो ओरिजिनल प्राइस। तो हम ये देखते हैं चेंज कितना हो रहा है, चेंज कैसे पता चलेगा। आप देखो यहाँ पर चेंज कितना हो रहा है,
आपका 12% यानी 2% से 12 नहीं 8% जब 10 से आपका 8% हुआ तो प्राइस बढ़ा ना, कितना प्राइस बढ़ा 9431.4 से 10,200 हो गया। ये जो प्राइस बढ़ा ना वही हम फॉर्मूला में लेंगे यहाँ पर, कितना प्राइस बढ़ा वी प्लस माइनस वी जीरो, ये चेंज आ जाएगा हमारा। और दूसरा वाला भी लेंगे हम यहाँ पर, दूसरा वाला भी हम क्या लेंगे बताए कि अगर आप 2% से बढ़ाओगे तो प्राइस गिरेगा ना, कितना प्राइस गिरेगा 9431.4 से आपका 8738 हो गया तो प्राइस कितना गिरा, यहाँ पर हम लेंगे प्लस वी माइनस माइनस वी जीरो, हमने ले लिया। मतलब ऊपर हम क्या लेंगे दोनों का चेंज इन प्राइस देखेंगे, प्राइस में कितना चेंज आ रहा है, मैं नीचे आंसर भी बता रहा हूँ। देखिए आपका 10,200 हो गया जो आपका प्राइस था 9431.4, ठीक है। ये कहां से हुआ मुझे एक बार ये बताइए, कहां से हुआ ये 9431.4 से हुआ है, कहां से हुआ 9431.4 से आपका 10,200 हो गया। और एक बार जब आपने 2% से बढ़ाया तो प्राइस गिरा, गिरा कितना 8738 हो गया, कहां से हुआ 9431.4 से हुआ, है ना। ये भी कहां से हुआ 9431.4 से हुआ, तो दो बार हो गया ना 9431.4, क्योंकि 10,200 भी बढ़ा कहां से 9431.4, 8738 गिरा कहां से गिरा 9431.4 से गिरा, तो इसलिए मैंने नीचे 9431.4 into 2 लिखा है। और इनटू हम लिखते हैं जो आपने चेंज आपने लिया ना यील्ड, यील्ड में चेंज कितना लिया 2%, तो आपका चेंज इन यील्ड मतलब 2% मतलब 0.02, और इसको स्क्वायर लेंगे क्योंकि दो बार कर रहे ना अलग अलग, तो इसलिए स्क्वायर कर दिया हमने। तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बैठता है पता है, वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी नहीं ये सी स्टार है, वोलेटिलिटी नहीं सी स्टार है, सी स्टार का आपका फॉर्मूला क्या बैठता है V प्लस माइनस V जीरो प्लस V माइनस माइनस V जीरो डिवाइडेड बाई 2 इंटू V जीरो इंटू चेंज इन यील्ड का स्क्वायर, ये आपका C स्टार आपको बताएगा। तो C स्टार आप ऐसे निकालोगे, यहाँ पर इसको तोड़ के आप निकालोगे, देखिए मैंने यहाँ पर निकाल के भी दिखाया, ये देखिए C स्टार आपने निकाला है, मैं अभी स्पीड में बताऊंगा। V प्लस माइनस V जीरो प्लस V माइनस माइनस V जीरो, 2 V जीरो हो गया क्योंकि वहीं से चेंज हो रहा है, इंटू चेंज इन यील्ड स्क्वायर, ये 0.2% यानी 0.02 होता है आपका स्क्वायर, क्या मेरा आ गया सी स्टार इतना। तो सी स्टार अभी तक कॉन्वेक्सिटी नहीं आया, अब मुझे कॉन्वेक्सिटी निकालना है, अब मुझे क्या निकालना है कॉन्वेक्सिटी, तो कॉन्वेक्सिटी कैसे आएगा पता है, कॉन्वेक्सिटी आएगा सी स्टार इंटू चेंज इन यील्ड का स्क्वायर, पहले जो आपने डिवाइड किया था ना इंटू कर दीजिए, आपका ऐसे याद आएगा आपको एग्जाम में, डिवाइड किया था इंटू कर दीजिए और इंटू 100 कर दीजिए क्योंकि हम परसेंट में निकालते हैं कॉन्वेक्सिटी। तो सी स्टार हमारा आया कितना था 9.887 into 0.02 square into 100 कर देंगे, हमारा कॉन्वेक्सिटी आ जाएगा। तो आपको दो ही चीज करना है, दो ही चीज आपको ध्यान में रखना, फिर से मैं रिपीट करके बार बार आपको लिखवा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। आप बताइए सी स्टार कैसे निकालेंगे सर, वी प्लस यानी 2% से वाई टी एम गिरेगा तो क्या प्राइस होगा, माइनस वी जीरो ओरिजिनल प्राइस 10% वाला प्लस वी माइनस, जब 2% से बढ़ाओगे तो प्राइस क्या होगा, वी माइनस आएगा माइनस वी जीरो ओरिजिनल प्राइस डिवाइड बाय 2 वी जीरो ले लिया इनटू चेंज इन यील्ड स्क्वायर, इसे सी स्टार आएगा। और कॉन्वेक्सिटी कैसे आएगा, सी स्टार इनटू कर दीजिए चेंज इन यील्ड स्क्वायर जो डिवाइड किया था इनटू 100 कर दीजिए। कॉन्वेक्सिटी वंस आपका आ गया उसके बाद अब टेंशन खत्म, कॉन्वेक्सिटी हमने निकाल दिया। अभी कॉन्वेक्सिटी का यूज क्या वो भी बताना मुझे आपको, वो भी मैं बताऊंगा, एक बार इतना तो समझ लीजिए कॉन्वेक्सिटी हमने निकाल लिया। इस क्वेश्चन में तो सिर्फ कॉन्वेक्सिटी ही पूछा, तो कॉन्वेक्सिटी हमारा क्या है 0.395% हमारा कॉन्वेक्सिटी आ गया। अब इसके बारे में आगे बताऊंगा मैं, पर इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं। पॉइंट नंबर 5 में इन्होंने क्या पूछा, बोला मार्केट प्राइस बताइए अगर YTM 200 बेसिस पॉइंट से गिरेगा, मतलब 2% से गिरेगा, 200 बेसिस पॉइंट मतलब 2% से गिरेगा। दो तरीके से पूछा, मैक्यूलस ड्यूरेशन बेस्ड एस्टीमेट और इंट्रेंसिक वैल्यू। ड्यूरेशन बेस्ड एस्टीमेट में मतलब क्या बताया, आपने निकाला था ना वोलेटिलिटी कितना निकाला था 3.865% अगर आपने निकाला था, तो अगर YTM 1% से गिरेगा तो प्राइस 3.865% से बढ़ेगा, हमें तो पता है YTM, सॉरी वोलेटिलिटी का मतलब ही है, वोलेटिलिटी का मतलब ही है कि YTM 1% से गिरेगा तो प्राइस इतना परसेंट से बढ़ेगा, YTM कितना से गिरा है 2% से गिरा है तो प्राइस बढ़ेगा इंटू 2, 3.865 इंटू 2 7.73% से प्राइस बढ़ेगा। तो आपका जो प्राइस है आप उसको 7.73% से बढ़ा दीजिए, बात खत्म। जो आपका ओरिजिनल प्राइस है ना 9431.4 उसको आप बढ़ा दीजिए, यस 3.865% इंटू 2
9431.4 प्लस 7.73%, ये जो 10160 आ रहा है, देखिए आपका ये आपका प्राइस आ। और एक इन्होंने पूछा, इन्होंने क्या पूछा पता, इंट्रेंसिक वैल्यू। इंट्रेंसिक वैल्यू मतलब इन्होंने बोला कोई ड्यूरेशन वगैरह मत लगाइए, अब इंट्रेंसिक वैल्यू से निकाले। इंट्रेंसिक वैल्यू का मतलब क्या है, आप सीधा अगर 2% से गिरेगा मतलब आपका रिवाइज यील्ड हो जाएगा 8%, तो 8% का जो ये डेटा दिया हुआ है आप डेटा का इस्तेमाल करके प्राइस निकालिए। तो इंट्रेंसिक वैल्यू में हमने क्या किया, 1097 निकाला। आपको कुछ गड़बड़ ही नजर आ रहा, आप देखिए आपने ड्यूरेशन के हिसाब से निकाला तो 1160.45 आया, और आपने इंट्रेंसिक वैल्यू से निकाला तो 10187 आया। इसके पीछे का कारण भी ये है, कारण ये कि जो आपने यहाँ पर लिया ना चेंज इन यील्ड, कि आपका 1% से YTM गिरेगा तो 3.865% से बढ़ेगा, 1% से YTM 2% से YTM गिरेगा तो उसका डबल कर दिया। रियलिटी में ऐसा होता ही नहीं, रियलिटी में अगर आप कैलकुलेटर में भी चेक करोगे ऐसा होता नहीं। अब यहाँ पर भी देख लीजिए, जब 2% से गिरा तो प्राइस आपका जो बढ़ा वो उसका वैल्यू अलग है, उसका परसेंटेज भी अलग है, और जब 2% से बढ़ा तो प्राइस गिरने का भी परसेंटेज वैल्यू अलग रहता है। तो इसी वजह से यहाँ पर कॉन्वेक्सिटी रोल प्ले करता है। कॉन्वेक्सिटी आपको क्या बोलता है पता है क्या, आप अगर कॉन्वेक्सिटी का एडजस्टमेंट कर दोगे ना तो आपका ये जो 10160.45 है ना ये इसके बराबर हो जाएगा। इसका मैं प्रूफ अब आपको मैं दिखाता हूँ। आप देखिए अगर आप कॉन्वेक्सिटी का एडजस्टमेंट कर देते हो, जैसे मान लीजिए मेरा 9431.4 है, ठीक है, इस पे मैं अगर 3.865% इनटू 2 कर दूं, मैं इतना परसेंट कर दूंगा तो मेरा एक्चुअल प्राइस नहीं आएगा। मुझे इस पे क्या करना चाहिए पता है, इस पे मुझे प्लस 0.395% भी कर देना चाहिए कॉन्वेक्सिटी का एडजस्टमेंट। तो आप एक काम कीजिए, कैलकुलेटर में देखिए 3.865% मेरा प्राइस बढ़ेगा अगर YTM 1% से गिरा, YTM 2% से गिरेगा तो प्राइस इतना डबल बढ़ेगा। इस पे मैं क्या करूंगा पता है, प्लस कर दूंगा 0.395, कॉन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट कर दिया मैंने, तो मेरा 8.125% अब मैं क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा 9431.4 पे प्लस करूंगा 8.125%। आप देख लीजिए 10197 मेरा आ गया, जो मेरा इंट्रेंसिक वैल्यू में प्राइस आ रहा था ना, जो मेरा इंट्रेंसिक वैल्यू में प्राइस आ रहा था, आप देखिए 10200 समथिंग आ रहा था, उसके क्लोज आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये, कॉन्वेक्सिटी का मतलब ही यही है कि आपका जो प्राइस आता है ड्यूरेशन बेस्ड वाला में, जो आप लेते हो वोलेटिलिटी का इस्तेमाल करके ड्यूरेशन बेस्ड एस्टीमेट में, उसका प्राइस और आपका इंट्रेंसिक वैल्यू का प्राइस मैच नहीं करता है, उसमें डिफरेंस रहता है। वो डिफरेंस भी मैंने यहाँ पर बना के दिखाया था, पर उसका टाइम नहीं अभी बताने का। कॉन्वेक्सिटी आप एडजस्टमेंट कर देंगे तो आपका वो प्राइस इंट्रेंसिक वैल्यू के बराबर आ जाएगा। तो एग्जाम में आपको क्या पूछेगा पता है, यहाँ पर जैसे एग्जाम में इन्होंने आपसे पूछा है, इन्होंने पूछा कि सीधा मैक्यूलेट ड्यूरेशन और इंट्रेंसिक वैल्यू के हिसाब से पूछे, इन्होंने ये कहीं नहीं बोला कि मार्केट प्राइस बताओ आफ्टर कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट। अगर कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट के साथ आपको मार्केट प्राइस पूछेगा तो ऐसा सिचुएशन में आपको कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट भी करना है। जैसे एक और क्वेश्चन है, मुझे जहां तक याद आ रहा है, यहां पर नहीं, आपके क्वेश्चन बैंक में एक और क्वेश्चन है जिसमें आफ्टर कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट पूछा है। आप बोलोगे तो वो क्वेश्चन में निकाल के दिखाता हूं आपको, मैं निकाल के दिखाऊं, मेरे आरटीपी एमटीपी सेक्शन में है और आरटीपी वाले में करवाया भी मैंने, वो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 11 है। ये देखो, इन्होंने बोला कि मैक्यूलस ड्यूरेशन के हिसाब से आप प्राइस बताइए आफ्टर मेकिंग कॉन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट। तो यहां पर हम क्या लेंगे पता, अगर मान लीजिए हमारा वोलेटिलिटी आ रहा है, मान लो ये से मैंने देख लिया 3.865% वोलेटिलिटी आ रहा है, क्वेश्चन ने क्या बोला 200 basis points से आपका डिक्रीज हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे पता है, 3.865% इंटू 2 करेंगे, ये आएगा 7.73 प्लस 0.395 भी करेंगे। अगर आपका इसमें कॉन्वेक्सिटी कितना आ रहा है तो देख लेता हूँ, 0.395 आ रहा है ना, तो वो मैं प्लस कर दूंगा, तो मेरा एडजस्टमेंट क्या होगा 3.865 इंटू 2 प्लस 0.395 करना मत भूलना, 8.125% हम करेंगे। तो हमारा जो ओरिजिनल प्राइस है उसमें इतना परसेंट हम बढ़ा देंगे, लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट के बारे में नहीं बोला था जो हमने ये क्वेश्चन किया। ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं पर भी कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट का जिक्र नहीं था, कहाँ गया, कहाँ गया वो, मैं ढूंढ रहा था, वो तो ये भी नहीं है फाइल,
फाइल ही अलग थी, मिली नहीं रही फाइल। अच्छा ये रही, मैं सोचू कहाँ गायब हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन में इन्होंने हमें नहीं बोला ऐसा, ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखोगे यहाँ पर इन्होंने बोला सीधा ड्यूरेशन बेस एस्टिमेट बताइए, तो क्या यहाँ पर हम 0.395% का कॉन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट करेंगे नहीं करेंगे? अगर कॉन्वेक्सिटी लिखा हुआ रहता तब हम एडजस्टमेंट करते, बताओ क्लियर है या नहीं है, बताओ क्लियर है या नहीं है, बोलो। नहीं ये अलग से फाइल था, इसको भी मैं अलग से उसमें डालूंगा, ये अलग फाइल था जो मैंने आपको करवाया था यूट्यूब रिवीजन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का। तो अब मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट बस बचा हुआ है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट मुझे आपको रिवाइज कराना है, सिक्योरिटी वैल्यूएशन हमारा पूरा समाप्त हो जाएगा और हमें टाइम लग गया यार, फटाफट फटाफट करते हुए सिक्योरिटी वैल्यूएशन कितना टाइम ले गया, हमने 10:30 बजे आई थिंक स्टार्ट किया था, 11:30 12 2 घंटा, 2.25 घंटा तो लग ही गया, 2.5 घंटा लगा, बट 2.5 घंटा वर्थ इट था कि नहीं था मुझे बताइए, 2.5 घंटा वर्थ इट था कि नहीं था, और बताओ समझ में आया कि नहीं है कॉन्वेक्सिटी। हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी रिवाइज करे, वो कंसेप्ट क्वेश्चन दोनों एक साथ हमारा रिवाइज हो रहा है, और मेरे ख्याल से वर्थ इट रहा होगा, आप खुद करते तो 2.5 घंटे में इतना कर पाते क्या मुझे बता दीजिए, मुझे नहीं लगता खुद कर पाते तो 2.5 घंटे में इतना कर पाते। चलो तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट मैं समझाता हूँ, तो आप देखिए वेरियस अलग अलग टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट पता है, गवर्नमेंट भी इशू करती है इंस्ट्रूमेंट, पैसे चाहिए उनको, गवर्नमेंट को जब पैसे चाहिए ना पब्लिक से वो ट्रेजरी बिल्स इशू कर देती है गवर्नमेंट, बैंक को जब पैसे चाहिए बैंक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करती है ना, और बैंक मतलब अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको इशू करके पैसे उठाए जाते हैं, अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट को इशू करके पैसे उठाए जाते हैं। तो हम बात करेंगे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की, एक होता है कॉल नोटिस मनी, यहाँ पर क्या होता है बैंक टू बैंक आपस में पैसे उठाए जाते हैं, एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक दूसरे शेड्यूल कमर्शियल बैंक से पैसे उठाती है, एक दिन मिनिमम मैक्सिमम 14 दिन, मतलब एक दिन के लिए भी कई बार उठाया जाता है, जिसे कॉल मनी कहा जाता है। कॉल मनी मार्केट में एक दिन के लिए पैसा उठाया जाता है, यानी शेड्यूल कमर्शियल बैंक आपस में लैंड या बोरो करते ओवरनाइट के लिए, यानी एक दिन के लिए, वन डे के लिए, उसे बोला जाता है कॉल मनी मार्केट। नोटिस मनी मार्केट में यहाँ पर 2 दिन से लेके 14 दिन, 2 डे से लेके 14 दिनों के लिए बैंक टू बैंक आपस में लैंड या बोरो करते हैं, 2 डे से लेके मैक्सिमम 14 डेज, उसको नोटिस मनी बोला जाता है। ट्रेजरी बिल्स यहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट को जब पैसे चाहिए होता है वो ट्रेजरी बिल एक प्रोमिसरी नोट इशू करते डिस्काउंट में और पैसे उठा लेते। जैसे मान लीजिए मैंने आपको, मैं गवर्नमेंट हूँ, आप बैंक हो या इंडिविजुअल हो, मैंने आपको 100 रुपीज का ट्रेजरी बिल दे दिया, फेस वैल्यू 100 रुपीज है, तो आप मुझे आज पैसे 100 नहीं दोगे, आप मुझे उसका प्रेजेंट वैल्यू दोगे, जितना जितना मैं आपको यील्ड दे रहा हूँ रिटर्न, मान लीजिए यील्ड जो भी दे रहा हूँ उसका प्रेजेंट वैल्यू 95 रुपीज आप मुझे आज दोगे, तो मैं डिस्काउंट में इशू करता हूँ, उतना डिस्काउंट में इशू करता हूँ ताकि वो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट फेस वैल्यू बन जाए। तो वो ट्रेजरी बिल्स, मतलब ट्रेजरी बिल्स शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट होता है, गवर्नमेंट इसे इशू करती है एट ए डिस्काउंट, एट प्रेजेंट आरबीआई 91 डेज, 182 डेज या 364 डेज का ट्रेजरी बिल इशू करती है। एमसीक्यू में क्या पता पूछ के डिस्काउंट में इशू किया जाता है, मतलब फेस वैल्यू से कम प्राइस में इंटरेस्ट का प्रेजेंट वैल्यू। फिर कॉमर्शियल पेपर, कॉमर्शियल पेपर पता है कॉर्पोरेट टू कॉर्पोरेट होता है, एक कंपनी दूसरी कंपनी से पैसे उठाने के लिए ऐसा काम करती है, लेकिन इसमें बैंक का सहारा लिया जाता है, बैंक को ऐसे गारंटर टाइप से बना के सहारा लिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं कॉमर्शियल पेपर। आप बस इतना समझ लीजिए कॉमर्शियल पेपर अनसिक्योर्ड होता है, नेगोशिएबल प्रोमिसरी नोट होता है, जो कि हाई रेटेड कॉर्पोरेट एंटिटीज, बड़ी बड़ी हाई रेटेड कॉर्पोरेट एंटिटीज अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वो क्या करती है, पैसे उठाती है बाजार से, दूसरे किसी एंटिटी से, दूसरे किसी कॉर्पोरेट एंटिटी से पैसे उठाती है 7 दिन से लेके 1 साल के लिए। कॉमर्शियल पेपर भी आपका डिस्काउंट में इशू किया जाता है, जो फेस वैल्यू होगा उसका प्रेजेंट वैल्यू। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, बस ध्यान रखना है क्या, बैंक यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करती है और पैसे उठाती है। जैसे देखिए बैंक को जब पैसे चाहिए होते हैं बैंक किसके पास जाता है, बैंक पहले जाता है आरबीआई के पास, आरबीआई के पास रेपो रेट में बैंक पैसा उठा सकता है, बैंक को बैंक से भी पैसे चाहिए तो बैंक के पास वो चला जाएगा आपका, किसमें, बैंक के पास वो चला जाएगा कॉल मनी नोटिस मनी, ये सब के जरिए वो बैंक के पास भी जा सकते हैं। लेकिन जब बैंक को मान लीजिए दूसरे कॉर्पोरेट से पैसे उठाने हैं, वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू, तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कुछ नहीं है यहाँ पर, कमर्शियल बैंक क्या करती है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करके जो कंपनीज है उनको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करके उनसे पैसे ले लेती है, यानी ये सब इंस्ट्रूमेंट है जिनको इशू करके उनसे पैसे लिया जाता है। थ्योरी जैसे एक बार आप रीड कर लीजिएगा, इनका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हर जगह पे सेम है। कॉमर्शियल बिल्स बस मैं बता देता हूँ क्या होता है, कॉमर्शियल बिल्स क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप कस्टमर हो, आप सप्लायर हो, आपको फॉरेन से एक कमर्शियल बिल मिला, फॉरेन या इंडिया से मिला 50,000 का बिल मिला, 3 महीने के बाद आपको पैसे मिलेंगे, तो आपने बैंक में डिस्काउंटिंग करा लिया ना, वही कमर्शियल बिल, बैंक क्या करती है सस्ते दामों में खरीद लेती है और आगे जाके फर्दर क्या पता वो बेच भी देगी,
तो कमर्शियल बिल और कुछ नहीं होता, जो मेरे हमारा रिसीवेबल है उसको हमने डिस्काउंटिंग करा लिया, उसको हमने भेज दिया बिल डिस्काउंटिंग, उसको कमर्शियल बिल बोला जाता है, कमर्शियल बिल यानी बिल डिस्काउंटिंग। फिर अब रीपर्चेस ऑप्शन एंड रेपो एंड रिवर्स रिपो की बात करो। जैसे आप मेरी बात ध्यान से सुनो, जब कभी भी बैंक के पास पैसे की डेफिसिट होती है, बैंक आरबीआई से पैसे ले सकते हैं, जैसे एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास पैसे नहीं है तो वो आरबीआई के पास जाके आरबीआई से पैसे ले सकती है रेपो रेट में वो पैसे ले सकती है, लेकिन बदले में उनको सिक्योरिटीज देना होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देना होता है। इसका एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करना होता है। और वही अगर आरबीआई को पैसे चाहिए, जैसे सरप्लस फंड कभी कभी स्टेट बैंक के पास होगा, नॉर्मल बैंक के पास, तो वो क्या करेगी, आरबीआई को इन्वेस्ट कर देगी, वो रिवर्स रेपो, और रिवर्स रेपो हमेशा कम होता है रेपो से, आरबीआई हमेशा अपना फायदा करेगा, तो रिवर्स रेपो हमेशा कम होगा, रेपो का रेट ज्यादा होता है रिवर्स रेपो कम होता है। देखिए रेपो रेट मान लीजिए 6.25% है तो रिवर्स रेपो 5.75% होगा। ध्यान रहे रेपो रेट में स्टेट बैंक आरबीआई से लेगी समझ लो, और रिवर्स रेपो में आरबीआई उधार लेगी स्टेट बैंक। अब यहाँ पर क्वेश्चन बाकी सारे सिंपल क्वेश्चन आप खुद आराम से कर लोगे। एक अच्छा क्वेश्चन है जो मुझे लगता है आपको कराना चाहिए, डेट इज व्हाट रेपो एंड रिवर्स रेपो का, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है 72, ये क्वेश्चन मैं करूंगा, बाकी आप इसमें देख भी लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और एक वीडियो तो मैंने सिंगल डाल ही रखा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का, उसमें सारे क्वेश्चन कराए हुए, तो मैं रिवाइज कराने के लिए एक ये क्वेश्चन रिवाइज करूंगा। देखिए यहाँ पर बैंक ए क्या कर रहा है, रेपो में ले रहा है 14 डेज के लिए, बैंक भी मान लीजिए आरबीआई जिसके साथ ये 14 डेज के लिए रेपो में लोन लेना चाह रहा है पैसा, और बदले में मैंने कहा ना जब आप रेपो में फंड्स बोरो करोगे बदले में आपको देना पड़ेगा कोलेटरल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो बदले में देखिए 10% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड दिया जा रहा है ऐसा सिक्योरिटी, और रेपो रेट क्या दिया हुआ 5.65%, तो 5.65% में 14 डेज के लिए पैसे उधार लिए जा रहे हैं, और बदले में हम 10% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड दे रहे हैं 8 करोड़ का फेस वैल्यू का, तो जितना हम कोलेटरल देंगे उतना ही पैसा आरबीआई आपको उधार देगी जितना हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देंगे, लेकिन उसमें भी 2% मार्जिन है तो मार्जिन उतना काट लेगी। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है 8 करोड़ का फेस वैल्यू है, तो अभी यहाँ पर आपको निकालना है सबसे पहले प्राइस, इसका डर्टी प्राइस क्या होगा, तो डर्टी प्राइस यहाँ पर निकालना पड़ेगा आपको, आप कैसे निकालोगे, तो इसके लिए आप देखो क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, क्लीन प्राइस दिया हुआ है यहाँ पर 99.4, तो याद है मैंने अभी पढ़ाया था आपको क्लीन प्राइस कैसे निकलता है, डर्टी प्राइस माइनस एक्रूड इंटरेस्ट, और डर्टी प्राइस कैसे निकलेगा, क्लीन प्राइस में एक्रूड इंटरेस्ट जोड़ दो, तो क्लीन प्राइस तो 99.42 दिया हुआ है, इसमें एक्रूड इंटरेस्ट जोड़ दीजिए 262 डेज का एक्रूड इंटरेस्ट आपका, किसका बॉन्ड की बात हो रही है, बॉन्ड को ही तो आप ऐसे कोलेटरल दे रहे हो यहाँ पर, तो बॉन्ड का मार्केट प्राइस कितना ये हमें जानना है, तो यहाँ पर हमने बोला 99.42 क्लीन प्राइस है, एक्रूड इंटरेस्ट क्या होगा, बॉन्ड आपका 100 का फेस वैल्यू होगा, 99.42 के नियरेस्ट में घूम रहा है, मतलब 100 का फेस वैल्यू होगा, 100 में 10% इंटू 262 बाई 360 लेना है क्योंकि 360 लिखा हुआ डेज, आप देखिए मेरा एक्रूड इंटरेस्ट आ रहा है 100 इंटू 10% इंटू 262 बाई 360, 10% का रेट है 262 डेज का एक्रूड इंटरेस्ट, मेरा 106.70 आ गया, तो आपका 8 करोड़ का फेस वैल्यू का बॉन्ड है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना हुआ 8 करोड़ आपका फेस वैल्यू का बॉन्ड है डिवाइड बाय 100 करोड़, नंबर ऑफ बॉन्ड्स आ जाएगा इतना 8 लाख, एक बॉन्ड का प्राइस आ रहा है 106.70 डर्टी प्राइस, डर्टी प्राइस इंपॉर्टेंट होता है, तो इतने का हम बॉन्ड दे रहे कोलेटरल 853,60,000 को हम कोलेटरल दे रहे सिक्योरिटी, लेकिन क्या आरबीआई मुझे इतना पैसा उधार देगी कोलेटरल के बदले, नहीं वो 2% मार्जिन काट के देगी -2%, यानी हमें पैसा मिलेगा 836,52,800, तो 836,52,800 हमें पैसा मिलेगा, और बाद में हम चुकाएंगे कितना, हम बाद में 836,52,800 हम पैसा चुकाएंगे प्लस इस पे इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा हमें, कितना इंटरेस्ट देना है 5.65% में हम ले रहे हैं 5.65% इंटू 14/360 क्योंकि 14 डेज का ही आपका चार्ज लगेगा, तो आप देखिए यहाँ पर हम बाद में पैसा चुकाएंगे प्रिंसिपल अमाउंट और इस पर इंटरेस्ट क्या होगा 5.65% इंटू 14/360 हम इतना पैसा रिपेमेंट करते, तो यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, आपको सबसे पहले ये निकालना है कि जो बॉन्ड हम दे रहे हैं कोलेटरल में वो बॉन्ड की मार्केट प्राइस की, क्लीन प्राइस में एक्रूड इंटरेस्ट जोड़ दीजिए, एक्रूड इंटरेस्ट फेस वैल्यू में होता है इंटरेस्ट हमेशा, 100 × 10% × 262/360 आपका डर्टी प्राइस आ गया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, डर्टी प्राइस आने के बाद अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम ये पता करेंगे कितना पैसा मिलेगा, तो बॉन्ड का टोटल मार्केट वैल्यू देखो, तो 8 करोड़ डिवाइड बाय 100 इनटू 106.70 कर लीजिए, आपका मार्केट वैल्यू आ गया ये रहा, तो इतना मार्केट वैल्यू इसमें 2% काट दो इनिशियल मार्जिन, तो 98% आपको पैसा मिलेगा, ये इंटरेस्ट से इतना पैसा चुका दोगे, तो क्वेश्चन ये पूछा है
डेटी प्राइस तो पहले निकाल लिया, रीपेमेंट एट मैच्योरिटी क्वेश्चन ने पूछा, हमने बता दिया। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरा का पूरा खत्म होता है। मैंने सभी एस्पेक्ट्स आपको कवर करा दिए, बाकी सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आराम से आपके हो जाएंगे। सिक्योरिटी वैल्यूएशन मैंने यहाँ पर पूरा खत्म करा दिया, और मेरा स्टॉमक बोल बोल के इतना दुखने लग गया ना, आज मत पूछो। हमने तो एक अभी बजा दी यहाँ पर, बिजनेस वैल्यूएशन अभी करना मुझे नहीं लगता सेंसिबल होगा। कल सुबह करवा दो, कल सुबह 11 बजे करवा दो बिजनेस वैल्यूएशन, 11-12 बजे बेहतर रहेगा मुझे लगता है। अभी कराऊंगा तो उतना फास्ट भी नहीं बोल पाऊंगा, क्वालिटी नहीं आएगी। मुझे लगा था मैं 1-1.5 घंटे में सिक्योरिटी वैल्यूएशन रिवाइज करा दूंगा, मुझे पता नहीं था इतना टाइम लग जाएगा। टोटली टारगेट था 3 घंटा पढ़ाने का, पर इसमें लग गए 2.5 घंटे। तो बेहतर है हम यहाँ पर रुक जाते हैं, रात के 1 भी बज चुके हैं, है ना। और अभी बिजनेस वैल्यूएशन करने को जाएंगे 2:30-3 बजेंगे रात के, और क्वालिटी भी खराब आएगी फिर। यस, क्वालिटी भी खराब आएगी, तो बेहतर है हम कल कर लेते हैं, आपको अगर मंजूरी हो तो। खराब तो नहीं पाओगे ना, कोई बुरा मान जाएगा तो बता दो अभी। कोई खराब तो नहीं पाएगा, कोई बुरा तो नहीं मानेगा। नो सर, मोबाइल 2 बार मुंह में गिर गया। यार डोली जी ऐसे लेट लेट के पढ़ रही होगी, नींद आके ठपाक करके मोबाइल गिराओ, ऐसे हुआ कि हाँ मेरे साथ भी 1-2 बार पहले हुआ होगा ऐसे। मतलब मैं कुछ मान लीजिए ना, कुछ मैं कई बार अपनी वीडियोज देखता हूँ, मतलब पुराने जो मैंने रिकॉर्ड किए हुए थे, तो देखते देखते नींद आ जाती है। मेरा आईपैड गिरा है, पर आईपैड में ऐसे देख रहा था, ठपाक करके मुंह पे गिर गया। कल रात में करो, कल रात में करोगे क्या? ठीक है, आप बोलोगे कल रात में करा, रात में करा दूंगा कल। ठीक है, सब कुछ रात में करने को बोले, ठीक है कल रात को कर लेंगे। कल रात को 10 बजे मिलेंगे, काली काली रातों में भूतों के साथ पढ़ाई करेंगे, मजा आ जाएगा। क्या बोलते हो, काली काली रातों में पढ़ाई करेंगे? कुछ कुछ भूत भी तो होंगे यहाँ पर, वो भी तो पढ़ाई करे, इसलिए वो बोले रात को पढ़ाना सर कल, काली काली रातों में अंधेरा कायम रहे। शक्तिमान देखा है आप लोगों में से किसी ने? पहले हम लोग जब है ना शक्तिमान देखते थे पूरा, अंधेरा कायम रहे, इल्विस याद है, काली काली रातों में पढ़ाई करेंगे बिजनेस वैल्यूएशन। तो ठीक है, कल रात को पढ़ाई करेंगे, काली काली रातों में, रात के 10 बजे होता है ना, 9 बजे 10 बजे 8 बजे रात को पढ़ाई करेंगे। अरे हम सब भूत हैं, है ना, कभी ना कभी तो भूत बनेंगे हम, दुनिया में कोई परमानेंट तो है नहीं, कभी ना कभी तो भूत बनना ही ऐसे भी। तो चलो कल, अब कल आप क्या करना, दिन भर एफआर पढ़ लेना, कल 11 बजे पढ़ा के आपका टाइम खराब नहीं करूंगा, दिन भर एफआर पढ़ लेना, रात को काली काली रातों में पढ़ाऊंगा, ठीक है। यस, दिन भर में एफआर पढ़ लेना, काली काली रातों में पढ़ाऊंगा। Then, तो आई थिंक मजा आया ना, लाइक किया ना सबने, आप लगेगा अगर किसी ने लाइक नहीं किया, मजे लिए, स्वाद लिए वीडियो के, और एक चैप्टर खत्म किया 2-2.5 घंटे में सिक्योरिटी वैल्यूएशन एकदम अच्छा से, और उसके बाद भी अगर लाइक नहीं किया ना, पाप लगेगा बताते रहो, देख लेना कि मेरा मतलब दक्षिणा होगा लाइक जो है, दक्षिणा तो देके जाना पड़ेगा आपको, पैसे नीचे मुझे दक्षिणा, लाइक और सब्सक्राइब चाहिएगा, हाँ वो देके जाना पड़ेगा। सर आपने पढ़ाना बंद कर दिया फिर भी कुछ आवाज़ आ रही है, शायद बहुत भूत पढ़ा रहे अभी। हाँ रोशन जी, मैं भूत ही तो हूँ अभी, अभी भूत ही हूँ मैं, मेरे अंदर भूत घुस चुका है अभी। सर आपके मैच में जो ओल्ड पीएम के सम से वो स्किप कर सकते हैं, मत करिए ना, अगर हो पाए तो कर लीजिए, नहीं हो पाए तो अलग बात है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट तो प्राइस ज़्यादातर मैंने करवाए हैं आपको। आरटीपी एमटीपी सेशन एफआर का साक्षी जी आ जाएगा 2-3 दिनों, 2-3 दिनों में आ जाएगा। आप तब तक बाकी सारा पढ़ाई कीजिए, एक दिन लाइक लूंगा, काली काली रातों में आऊंगा, काली काली रातों में पढ़ा के चला, ठीक है। यस, वीडियो रहेगा अंजलि जी, आपने कभी देखा मैंने आज तक डिलीट किया, कभी आप लोगों के साथ अत्याचार किया ऐसा, और वो भी एग्जाम टाइम में ऐसा अत्याचार कैसे कर सकता हूँ मैं, वीडियो कैसे डिलीट कर सकता हूँ खुद बताइए, इतना अत्याचार मैं कभी नहीं कर सकता आप लोगों से, चाहे मेरा कितना ही नुकसान हो जाए मैं कभी नहीं कर सकता। आपको पता है मतलब मैं चाहूँ तो सारे वीडियो हटा भी सकता हूँ, हटा के उसको कोर्स बना दूंगा, ठीक है, क्वेश्चन रिवीजन वीडियो अलग अलग का कोर्स बना दूंगा, बहुत पैसे आ सकते हैं, मैं नहीं हटाता कभी, मेरे अंदर सच्ची बताऊँ मेरे अंदर पैसों का लालच नहीं है, सच बता रहा हूँ मेरे अंदर पैसों का लालच है ही नहीं, कि जितना मुझे चाहिए उससे ज़्यादा भगवान मुझे दे रहे, तो लालच क्यों कर, इसलिए लालच मेरे अंदर है ही नहीं, मैं कभी नहीं करूँगा। जिस दिन मैंने मान लीजिए यूट्यूब से वीडियो हटाना चालू कर दिए कि मैं लाइव की बात नहीं रख रहा हूँ, मतलब मेरे अंदर लालच आ गया, उस दिन आप समझ जाएगा मेरे अंदर पैसों का लालच आ चुका है, पर अभी तक तो नहीं आया पैसों का लालच, कल का नहीं पता मुझे कल क्या होगा, पर टिल डेट तक तो लालच नहीं है, एंड मुझे पता नहीं आएगा क्या करेंगे,
सारा पैसा कमा के। भगवान बहुत दिया ऐसे भी, तो मैं खुश हूँ भगवान से, मैं भगवान को थैंक यू बोलता हूँ। भगवान आपने जितना मांगा उससे ज़्यादा ही दिया, तो उसका कारण आप सभी बच्चे भी हो एंड आप लोग का भी उसमें बहुत बड़ा रोल है। सर रोज 10 बजे आके रात को पढ़ा दो लाइव, ऐसे रोज तो क्या, अब तो ज़्यादा पढ़ने का बचा ही नहीं ना। यस जी ने बोला कि पास हो गए नवंबर 23 में, तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, चलो बहुत बढ़िया। सर मंडे को सुप्रीम कोर्ट में डेट है, ये सब बेकार बात मत करो भी, पढ़ाई की बात करो तो मत सोचो भी, अब बहुत लेट हो चुका है ठीक है, अभी मत सोचो, अभी बस एग्जाम, वो सब आपका माइंड खराब कर देगा, मत सोचिए। सम फैकल्टीज आर टेकिंग रिविजन फीस, फीस फॉर रिविजन वीडियोज, नहीं कोई नहीं लेता, मुझे नहीं लगता कोई भी फैकल्टीज फीस लेते होंगे रिविजन वीडियोज, गलत बोल रहे हो रोहित जी, मुझे नहीं लगता कोई भी फीस लेता है रिविजन वीडियोज के लिए, कोई भी टीचर फीस नहीं लेता जहां तक मुझे पता, कोई नहीं लेता। क्या गलत बात बोल रहे हो, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। खाएंगे पियेंगे ऐस करेंगे, और अभी सोएंगे सोएंगे ऐस करेंगे, अभी सोने का टाइम आ गया। आई गॉट मच क्लैरिटी ऑन AFM बिकॉज ऑफ यू सर, थैंक यू सो मच अर्जुन जी। हाँ सर 2-4 दिन में FIR कर लेंगे, रात में 2-3 देख कराए तो रिया, करा तो दिया बहुत सारा चीज है ना। बाकी मैंने सोचा फॉरेक्स डेरिवेटिव IRR में फटाफट क्विक रिविजन करा दूंगा, एग्जाम टाइम से पहले मैराथन लेके करा दूंगा, फॉरेक्स डेरिवेटिव्स IRR IFM उस टाइम में करा दूंगा। अभी सिक्योरिटी वैल्यूएशन इसलिए तो अभी करा दिया ताकि उस टाइम में एग्जाम से पहले कराना ना पड़े, और एक बिजनेस वैल्यूएशन कल करा दूंगा फटाफट। बाकी मर्जर ऐसा तो 4 घंटे का डिटेल रिविजन है, वो देख के ऐसे हो जाएगा, उसमें काय का रिविजन चाहिए। म्यूचुअल फंड में मुझे नहीं लगता चाहिए, पोर्टफोलियो में मैं आपको एक वो दे दूंगा अच्छे से समझाया हुआ है, एक क्रक्स आपको नोट दे दूंगा, उसी से आपका हो जाएगा। इट्स ट्रू सर वन, ठीक है कोई बात नहीं, छोड़ हम लोग नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे ठीक है, टेंशन मत लो, हम नहीं लेंगे। हर बार की यूट्यूब में वीडियोस रखे हुए आप लोग के, योर वे ऑफ रिविजन इज ऑसम, थैंक यू सो मच। म्यूचुअल फंड कराया यूट्यूब में, देखो ना बहुत कम टाइम में हो जाएगा, बहुत अच्छे से 2-2.5 घंटे में फटाफट, 3 घंटे में हो जाएगा फटाफट, देख लो फटाफट, यूट्यूब में है ऑलरेडी, अभी और ना बोलो और मेरी जान मत खाओ प्लीज, वहाँ से करो। वॉचिंग योर लेक्चर्स आफ्टर बिकमिंग CS ग्रेट फीलिंग, थैंक्स अ लॉट फॉर योर एफर्ट्स, थैंक यू सो मच रोटिवेक जी। ओके सर किसी है मेरा तरफ से आपको, अरे मेरी तरफ से भी किसी, नारंग जी ठीक है। आपको पता है आज लेट क्यों हुआ, अभी बताऊँ आपको लेट क्यों हुआ, एक परिवार में एक जन की शादी थी, मैं जाने नहीं चाहता था, उपाय नहीं था, मजबूरी थी, जाना पड़ा। शादी में गया फटाफट से, 1-2 घंटा वहाँ रुकना पड़ा, फिर फटाफट आया, आके आधे घंटे में सारा चीज़ करा, फिर आपको पढ़ाने बैठा। तो पहले जल्दी पढ़ा था पर अच्छा ही लगा, लेट पढ़ा कि खराब नहीं लगा, मज़ा ही आया मुझे तो, लेट नाइट पढ़ा के मज़ा ही आता है। आज पता चला कि रात को पढ़ा के मज़ा आता है, काली काली रातों में ना। सम फैकल्टीज क्रिटिसाइजिंग यू फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन ऑन यूट्यूब बट इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट, जलते हैं वो लोग इसलिए क्रिटिसाइज करते हैं, जलने वाले को जलने दो ना, बोलते ना जलने वाले को तो रूह भी जलानी है, कैरी मिनाटी का डायलॉग नहीं सुना, चलने वालों की तो रूह भी चलानी, मेरे से डायलॉग को नहीं निकलेगा मैं बेसुरा हूँ, बट कोई जलने तो जलने वालों की रूह जलाएंगे हम, आप जलाओ, हम किसी के खिलाफ नहीं बोलेंगे। अगर कोई अगर हमारे खिलाफ बोल रहे हैं ना कोई भी, तो मतलब वो हमारे वीडियोस वगैरह को फॉलो कर रहा है, देख रहा है, जल रहा है अंदर अंदर से, जलेगा तो निकलेगा ना वो कहीं ना कहीं से, आगे पीछे कहीं से तो निकलेगा ना, अगर आप जलेगा आपका तो जिधर से जलेगा उधर से निकलेगा, किसी का आगे से निकलता किसी का पीछे से जला होगा, इग्नोर करते ना वो सबको। पहले भी मुझे बताया गया था कुछ कुछ क्रिटिसाइज करते, करने दो करते, मैंने आज तक किया है क्या मुझे बताइएगा, आज तक मैंने किसी भी टीचर को क्रिटिसाइज किया नहीं किया, और ना ही आगे हम करेंगे, तो करते करने दीजिए। तो रात को करवाया करो, रात को मजा आता है ना। थैंक यू सो मच सर, यू आर ए ब्लेसिंग टू अस टुडे, थॉट ऑफ स्किपिंग दिस चैप्टर बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट बट यू आर ए गिफ्ट, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। नाम मत लीजिए नाम, और मारते हैं हम क्यों अननेसेसरीली कुछ ये सब करके करते, और मारते हैं करने दीजिए जो करते, इनको जो बोलना बोलने चाहिए। करने दीजिए जो क्रिटिसाइज करते, चलने दीजिए जितना जलता है चलने दीजिए, मैंने सच बता रहा हूँ मैं नहीं जलता किसी से भी नहीं जलता, लिटरली आपको मैं बता रहा हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि भगवान ने जितना देना है मुझे देगा, मैं ज्यादा एक्स्ट्रा से पुश करूंगा ना, भगवान जो देना है वो भी नहीं देगा, जितना देना है भगवान दे रहा है, खुश हूं मैं, एक ही जिंदगी है, पता नहीं कल मर जाऊंगा क्या पता,
भगवान का मैंने देख लिया 2 साल पहले जो मेरी हालत हुई थी कोविड के टाइम, मैं चेन्नई होके आया था, मरते मरते बचा था, और उस टाइम में पता है मेरे अंदर से सब चीज निकल चुका है उसके बाद, सच बता रहा हूँ निकल चुका है। अब मुझे लगता है कल किसने देखा है, अभी लड़ाई झगड़ा करके ये सब करके क्या मतलब है, एक्स्ट्रा मैं बहुत सारा पैसा कमा भी लूंगा क्या मतलब, ऊपर तो लेके जाऊंगा नहीं, थोड़े बहुत अच्छे कर्म कर लूंगा तो क्या पता आप लोग थोड़े बहुत याद भी रख लोगे मुझे, एक्स्ट्रा पैसा कमाऊंगा क्या फायदा, है ना, उल्टे जो मेरे आगे के वंशज होंगे वो कामचोर बनेंगे, उनको एकदम एक होता है रेडीमेड पैसा मिल जाएगा वो कामचोर बन जाएंगे, वो फिर आगे काम ही नहीं करेंगे, क्या मतलब पैसा किसके लिए कमा रहे, अपना घर चल रहा गुजारा चल रहा डेट इज इनफ। उस टाइम में मेरी आँख खुल गई कि हमें जलना ही नहीं है किसी से, सबको भगवान जिसको जितना देना भगवान देगा, मुझे भी तो दिया है ना, और की और सबको भी तो देगा, मैं अकेला थोड़ा सारा साम्राज्य खाऊंगा तो क्यों जलना है मतलब, इसलिए मैं मेरे अंदर जलन आती नहीं है सच बता रहा हूँ, और मैं किसी को देखता भी नहीं फॉलो नहीं करता कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा, मतलब ही नहीं रखता, पढ़ाता हूँ पढ़ता हूँ और बाकी टाइम में खुश रहता हूँ अपने दोस्त यारों के साथ में मस्त, या फिर मूवीज वगैरह लगा के बैठ जाता हूँ मैं, मुझे पसंद है मूवीज देखना, तो जब भी मैं फ्री टाइम रहता एक मूवी लगाता हूँ देखता हूँ 2-3 घंटा बिंदास एकदम मजा आ जाता है, या फिर ये साईफाई जो ये सब रहता है ना ये सब पुराने ये सब वीडियोस वगैरह सब देखता हूँ, मतलब अलग अलग यूट्यूब में देखता हूँ, तो वो सब में मेरा टाइम चला जाता है अपने आप, टाइम फ्रेश करना हो तो। आप बिना किसी कोचिंग ब्रांड के अपने नाम पे ब्रांड बन गए, थैंक यू सो मच आकाश जी, तो आई थिंक अब हम जा सकते हैं, अभी हमें चला जाना चाहिए है ना। ये सर जो फैकल्टी क्वेश्चन कराता है उनको करने दो ना, करने दो, आप बताइए आपका भला हो रहा है कि नहीं हो रहा क्वेश्चन कराने, आप मुझे बताइए आपका अगर भला नहीं हो रहा तो मैं कल से क्वेश्चन कराना कर दूंगा बंद, किसी किसी का नुकसान हो जाता है ना, क्वेश्चन करा देते हैं तो बच्चे जो क्लास खरीदने वाले होते हैं क्लास नहीं खरीदते क्योंकि उनको यूट्यूब से हो जाता है, किसी किसी का पैसा थोड़ा सा कम हो जाता है इनकम, उनको आग लगेगी ना, क्या दिक्कत, किसी को भी लग सकती है आग। आप बताइए क्वेश्चन कराना छोड़ दूं, अगले अटेम्प्ट से कराना बंद कर दूंगा, चाचा विधायक है हमारे, न्यू सीजन देख लो सर, अच्छा ऐसा है क्या, देखूंगा जरूर देखूंगा। आप बताइए बंद कर दूं क्या क्वेश्चन कराना, आप बताइए आप लोग ही बोलो, आप लोग जब बोल रहे हो कि क्वेश्चन कराने से दिक्कत है आप बताओ क्वेश्चन कराना बंद कर दूं, तो कल बिजनेस वैल्यूएशन में एक क्वेश्चन भी नहीं कराऊंगा, सिर्फ और सिर्फ कंसेंट बता दूंगा बात खत्म, क्वेश्चन ही कराऊंगा ठीक है, और सारे क्वेश्चन की वीडियो हटाऊंगा, सारे क्वेश्चन की वीडियो हटा दूंगा, फिर पूछूंगा सभी बच्चों से क्वेश्चन के वीडियो हटाना है कि रखना है, देखूंगा बच्चे फिर डिमांड करेंगे रखना है तो रखूंगा नहीं तो कर दे ऐसा। बियर्ड अच्छा लग रहा है सर, हैंडसम, थैंक यू सो मच। आईफोन पर आप है आपकी मतलब, नो वे नो सर, सब नो नो लिख रहे हैं, नहीं हटाना है ना, ठीक है आप लोगों ने जब बोलते हैं नहीं हटाना मतलब मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा है ना। नहीं बुरा नहीं मान रहा मैं तो ऐसे मजाक कर रहा हूँ, आपका जवाब सुनने के लिए मैंने ऐसा सवाल किया था, मैं तो मान ही नहीं रहा, मैं तो मजाक कर रहा था, नहीं कोई क्वेश्चन में डाउट आता है बस आपका नाम डालो यूट्यूब के उसका सोल्यूशन मिल जाता है, चलो कुछ तो मिलता है हमारे यहाँ पे है ना, बहुत बढ़िया सर, ऐसा नौबत ना आए कि अगला आइटम में भी रिविजन वीडियो देखना पड़े, ना नहीं आएगा, आपने ऑलरेडी सीए अपने नाम के आगे लगा दिया, सीए मिल जाएगा। एफएम की थ्योरी देखने के लिए देख लीजिए, एफएम की थ्योरी तो डाली हुई है, आप भगवान है सर, नहीं हम कोई भगवान नहीं, ये गलती, आप किसी को भगवान मत बने, हम इंसान है, हम भगवान के आदमी है सब, माँ के समय एक जन तनिष जी मुझे याद है वो हर बार लाइन लिखेगा आप भगवान के आदमी हो माँ के समय, अरे हम सब भगवान के आदमी हैं, जान दे देंगे आपके लिए, क्या बात कर रहे हो सर, दे दो जाओ जाओ दे दो, हम सिर्फ आपके पास ही पढ़ते, ये पढ़िए जहाँ आपको बेनिफिट मिले हर जगह पढ़िए, क्यों भेदभाव करो, जहाँ आपको फायदा मिले वहाँ पढ़ाई कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ये बोलूँगा सिर्फ मेरे पास आके पढ़ाएगा, मैं रोज आपकी एफ आर देखता रहता हूँ हर एक चैप्टर का ऑल सम्स, यू आर गूगल ऑफ एफ आर एन एफ, अच्छा मैं गूगल बन गया, चलो अच्छा नाम दे दिया विवेक जी ने, देव मानो सो सर आप, नहीं सर आप स्पेशल हो बहुत, थैंक यू सो मच, इतना प्यार देते हो ना आप लोग, ये तो चीज़ हमें मोटिवेट करती है मेहनत करने के लिए, शादी छोड़ के आ गया सोच में, बाकी सब थे रोक रहे थे नहीं जाना है पढ़ाना है, ये सब चीज़ तो मोटिवेट करते हैं, कभी मीटअप करते हैं, हाँ करेंगे, अच्छा जी मीटअप करने का तो मेरा भी मन होता है, लेकिन आप बहुत स्पेशल हो सर, थैंक यू सो मच खुशबू जी।
चलो अब आई थिंक हमें और लेट नहीं करना चाहिए, अब आपका समय बहुत कीमती है, इस बात को भी मुझे ध्यान में रखना है। तो इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं बिजनेस सॉल्यूशन, ठीक है। रिमेनिंग 5 डे स्ट्रेटेजी ऑलरेडी बताई है मैंने FR की, अब FR कल से चालू करो आप लोग और पढ़ाई करो अच्छे से। परसेंट डिफरेंस वही है जो हमने 10 की जगह 8 लिया और 8 की जगह 10 की जगह 12 लिया था ना, वो डिफरेंस 2% आ रहा है। YTM 10 था, हमने एक बार 8 किया 2% गिरा, एक बार 2% बढ़ा, वो 2% चेंज ही नहीं, यील्ड को 2% से कोई चेंज किया था ना। ठीक है जैनम जी, CFA भी पढ़ाना चालू करें सर। नहीं, CFA नहीं पढ़ाऊंगा मैं, एक जगह में टिक रहना चाहता, मैं खिचड़ी नहीं बनाना चाहता। देखिए वो सब पढ़ाऊंगा अननेसेसरी, फिर सारा फिलहाल तो मैं नहीं पढ़ा सकता क्योंकि मुझे लगता है फिर मैं कॉम्प्लिकेटेड कर दूंगा चीजों को। आपके नाम का मंदिर बनाना कोई ये सब नहीं है, छोटा मोटा आदमी हुआ, ये सभी तो गलती है। मैं इस चीज के सब खिलाफ हूँ, किसी भी इंसान का मंदिर नहीं बनाना चाहिए यार, सिवाय राम जी के। अब कोई किसी का भी मंदिर नहीं बनना चाहिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी का भी मंदिर नहीं बनना। मैंने देखा वो चंगेज खान, उन्होंने सोचो कितने को मतलब मारा हमने सुना, मतलब उनकी भी मंदिर है, बताओ क्यों, मतलब मंदिर किसी का होना नहीं चाहिए इंसानों का। हम हमारा मंदिर क्यों होगा, भगवान शिव जी का मंदिर होगा ना, मेरा मंदिर क्यों बनेगा, आपका हमारा किसी का नहीं बनना चाहिए। जैसे मैंने सुना अमिताभ बच्चन जी का भी मंदिर है, मतलब मैं उनसे कोई हेट नहीं करता, मुझे पसंद है, बहुत अच्छे आदमी है, बट भगवान का मंदिर होना चाहिए। हम इंसानों का मंदिर क्यों, कभी किसी का भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो शाहरुख खान हो, अमिताभ बच्चन हो, कोई क्यों ना हो, चाहे वो विराट कोहली क्यों ना हो, इंसानों का मंदिर नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस राम जी का मंदिर हो चले, इंसानों का नहीं होना। देखा मैं, मुझे आज भी मैंने एक चंगेज खान का एक वीडियो देखा, मंदिर बना रहे, इंसानों का मंदिर बना के उनको सर पे बैठाने की क्या जरूरत है, वो सर पे बैठ के नाचते हैं, आतंक मचाते हैं। सर बहुत अच्छी थिंकिंग है आपकी, आपकी हर वीडियोस में इतनी पॉजिटिविटी आती है, थैंक यू सो मच अलका जी, कोई अच्छी रखनी चाहिए। खुशबू जी के लिए सिर्फ मेरा CA बनने में आपका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, बस CA बन जाइए, मेहनत कीजिए तब और ज़्यादा खुशी हो। चलो जय श्री राम सौरभ जी, चलिए जय सियाराम, चलिए अभी हम जाते हैं, बाय बाय, ठीक है कल मिलते हैं, ठीक है काली काली रातों में, चलो बाय बाय। हाँ पृथ्वी जी वीडियो रहेगा।